तो त्यौहार अच्छे से हुआ सबका। आप नहीं गए थे? हाँ सूरज जी गए थे कि नहीं गए थे? अच्छा वापस भी आ गए, तभी तो दिख रहे हैं। तो चलिए आज एक बड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे हम लोग, और जानवित तरीके से नए विषय वस्तु को प्रारंभ भी करेंगे। आर्ट एंड कल्चर की विषय वस्तु यहाँ प्रारंभ होगी, कला एवं संस्कृति, जो कि मुझे खुद पढ़ाना है, इतिहास विषय वस्तु, और दूसरी विषय वस्तु आपकी है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है। लेकिन आज एक होलिस्टिक अप्रोच पे हम चर्चा करेंगे, सभी विषयों को समझेंगे, थोड़ा सा आयोगों के बारे में समझेंगे, थोड़ा सा आप लोगों की मेंटालिटी के बारे में चर्चा होगी, ठीक है। समग्र जानकारी होने के साथ फिर आप लोगों को क्लास प्लानर के बारे में भी बता दिया जाएगा। टाइम आप लोगों का चेंज कर दिया गया है, अर्ली मॉर्निंग कर दिया गया है। अब चूंकि गर्मी है, सुबह सुबह सब लोग बढ़िया आराम से उठिए, थोड़ा सा टहलिए, रिफ्रेश होइए, सीधा क्लास में आ जाइए, पढ़िए। शाम के टाइम क्या, जैसे जैसे धीरे धीरे ना, दो बजे के बाद, दो से ढाई बजे के बाद छोड़ दिया जाएगा फाइनली। तो 8-8:30 बजे से क्लास प्लान की जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। रिफ्रेश हो के बिल्कुल आराम से थोड़ा सुबह, देखो सुबह अब जो है ना गर्मियों में, कम से कम टाइम से उठ करके बस यहाँ पर आएंगे तो रिफ्रेशमेंट के साथ क्लास, और इसके बाद सीधा आराम से घर जाइए, टेंशन फ्री। दो सेशन ही रखेंगे पबैड वालों को हटा करके, पबैड वालों का सेशन 3 ही होगा, और 6 के 6 दिन है इस बार, तो 6 डेज है। और छुट्टी आपकी ओनली संडे, फ्राइडे छुट्टी कैंसिल करके संडे ऑफिशियल छुट्टी को ही छुट्टी किया गया है ना। तो काफ़ी चीज़ें जो भी आपकी चेंज होंगी वो भी बता दिया जाएगा। और आज पहले एक चर्चा हमारी होगी, पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों से भी जान लेता हूँ कि क्या होना चाहिए। अभी तक में जो उथल पुथल है, मैं चाहता हूँ कि उथल पुथल आज ही शांत हो जाए, बाकी के टाइम दे। ये दिन जो होता है ना, वर्कशॉप सेशन का जो दिन होता है, ये होता है कि दिमागी हलचल ख़त्म कर देना आप लोगों की, आयोग से संबंधित जितनी जानकारी है, होलिस्टिक एक हम लोग तैयारी बनाएं एक साल की अपनी, कि एक साल हमें प्रॉपरली मेहनत करनी है, तैयारी करनी है, इसके बाद फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। देखो आप में से जितने भी लोग हैं, जो भी अब ये दिमाग में बैठा रहे, कुछ लोग हर तरीके का, हर पृष्ठभूमि से लोग होते हैं इसमें, कुछ होते हैं बिल्कुल फ्रेशर है, 12th के बाद ही दिमाग बिल्कुल क्लियर है कि भाई जाना है, एग्ज़ाम में जाना है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से एग्ज़ाम में जाते हैं और तैयारी करना शुरू कर देते हैं, अपना बढ़िया ग्रेजुएशन लाइफ जो है यूज़ करते हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में, फोकस्ड होता है। लेकिन तब भी होता है, जैसा कि जो मैंने अभी तक लगभग नहीं हुआ होगा तो 1 से 1.5 लाख बच्चों को गाइड कर चुका, तो एक चीज़ तो क्लियर होती है कि कुछ लोगों को गाइडेंस मिलता है, कुछ को नहीं मिलता, वो 3 साल भी उनके बर्बाद ही चले जाते हैं ग्रेजुएशन टाइम पीरियड के भी, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्रेजुएशन टाइम पीरियड में यदि आपको सही डायरेक्शन मिल जाए तो आप बढ़िया कर सकते हो। 12th तक तो हम परसेंटेज बनाने में रहते हैं, जिसका कोई मतलब आगे चल के नहीं निकलता है, है ना। 12th तक दिमाग में रहता है कि टॉप करना है, ये करना है, वो करना है, और क्या प्रतिस्पर्धाएं दुनिया भर की चीज़ों से होती है, वो अलग विषय वस्तु रहती है। तो जो आपका ग्रेजुएशन लाइफ होता है वो डायरेक्शन से निकला कि नहीं निकला। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इसी टाइम पीरियड पे अदर एग्ज़ाम देने की तैयारी करते हैं, कुछ लोग बीए बीटेक भी कर लेते हैं, है ना, लेकिन फाइनली जो है अट्रैक्ट करती रहती है सिविल सर्विसेज। तो यदि ऐसा भी है तो इस समस्या का समाधान भी मैं आज करने का प्रयास करूँगा। कुछ चीज़ें आप बताइए कि क्या क्या होनी चाहिए ताकि उस सेशन में मैं इंटर कर सकूं। जब हम प्रारंभ करेंगे तो चीज़ें मैं बता दूंगा। बताओ भाई क्या क्या आज होना चाहिए, दिमाग में क्या क्या हलचल है, पहले एक बार चर्चा कर लेते हैं कौन कौन है हमारे साथ जो नए लोग आए हुए हैं, है ना। बताइए आप अपने बारे में। हाँ तुषार गोयल जी, तुषार जी बताएं, नोएडा से आए हैं आप, क्या कर रहे हैं अभी, जॉब कहाँ पे? बिरला सॉफ्ट में, अरे वाह, यही ना 64 सेक्टर 62 पे है। अच्छा तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर, अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। तो ये फिर ऐसे इधर कैसे झुकाव हो रहा है, काफ़ी टाइम से था, इवनिंग शिफ्ट हो गया है तो आप ऑफलाइन आ सकते हैं। अभी रह कहाँ रहे हैं, अभी आ सकते हैं कि 1.5 साल तक आ सकते हैं, मतलब हमें पूरा, देखिए अभी जितने लोग भी ये सोच रहे हों कि आज ही ज्वाइन करेंगे और कल सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो ये भ्रम है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। मुझे चाहिए प्रॉपर 1.5 साल, आज जो हमारे साथ जो भी जुड़ेंगे नए लोग वो प्रॉपर एक दिमाग में बैठा के चलें कि आपको 1 साल तक सोचने नहीं कुछ आई एस पी सी एस, भूल जाना है कि वो कुछ था अभी, पहले उसके लिए हमें सामग्री इकट्ठी करनी है अपनी ब्रेन पे,
उसे कहते हैं सिलेबस कंप्लीट करना। कोई भी ये दिमाग में बैठा के यदि यहाँ पर हो कि भाई एक साल में डेढ़ साल तक कुछ नहीं करना, सोचना नहीं है कि आईएएस पीसीएस का एग्ज़ाम होता भी है, हमें नहीं उन साइटों में जाना है जहाँ पर फॉर्म निकलता है, हमें सिर्फ सिलेबस पे काम मतलब से मतलब रखना होगा, यही चीज़ मैं आज समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो डेढ़ साल तक भूलना है सिविल सर्विसेज क्या होता है, कौन अट्रैक्शन कुछ हो सब अट्रैक्शन, जब आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो बीच बीच में टूटने भी लगता है, इतना लंबा प्रोसेस है ये, है ना। तो इसलिए मैं आप लोगों को सलाह सही दूंगा, गलत सलाह नहीं दूंगा, जो चीज़ क्लियर है। ये बहुत ऊपर से लुभावना लगता है लेकिन जब आप इसकी तैयारी के इरा पे, यही बड़ी बोरिंग तैयारी है, तैयारी के समय बड़ा बोरिंग है देखा जाए और बड़ा रोमांचकारी भी है, दोनों चीज़ें हैं आपके ऊपर है। बोरिंग आप बना देते हो, बोरिंग बनाने का काम स्टूडेंट करता है, क्यों करता है, अपने ऊपर अनावश्यक दबाव बना करके। आप चाहें तो अपने ऊपर अनावश्यक दबाव बना सकते हैं, अभी जैसे कि फॉर्म निकला था अभी आप भर दीजिए, भरने के बाद 3 महीने का टाइम रहेगा, पागलों की तरह जुटेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। एक मछली वो है जिसके पास पानी नहीं है, बस तड़पती रहती है, ठीक है। तो तड़प जो होती है ना उसमें कुछ नहीं होना, पहले जल में बढ़िया एक समुद्र अपने पास होना चाहिए, समुद्र ज्ञान का, उसमें हम खुद गोते लगा रहे हैं फिर एग्जाम देना है, जब उसके बारे में भी कुछ नहीं पता, अभी ABCD कुछ नहीं, आपको लगता है कि आप किसी दूसरे चीज़ में सफल हो चुके हैं तो इस एग्ज़ाम में भी सफल हो जाएंगे, तो भ्रम है। ये एग्ज़ाम एक विशाल, कुछ भी नहीं बचेगा आपका, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है या जो नहीं पढ़ा वो विषय वस्तु भी आपको पढ़नी पड़ेंगी, आपको इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा, आपको भूगोल भी पढ़ना पड़ेगा, उसको आपको भारत की अर्थव्यवस्था भी पढ़नी पड़ेगी, आपको भारत का संविधान भी पढ़ना पड़ेगा, आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भी पढ़नी पड़ेगी, आपको भारतीय समाज पढ़ना पड़ेगा, आपको क्या नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ने पड़ेंगे। सिलेबस इस तरीके से डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो डेढ़ साल तक का साथ मतलब दिमाग में बैठा लेना कि डेढ़ साल तक मेरे लिए कोई एग्जाम नहीं है, डेढ़ साल तक ISPCS सोचना ही नहीं है, तो बात बनेगी, अन्यथा किस स्तर पर बात बिगड़ जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं बहुत क्लियर बात बोलता हूँ, बहुत लोगों को आज बुरी भी लगेगी। और आज एक चीज़ और बता दूँ, जिन लोगों को ये चीज़ समझ में ना आए तो या तो सफ़र छोड़ दें या तो साथ में ना चलें, ज़्यादा अच्छा, क्योंकि वो बहुत टाइम लग जाता है, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, कुछ को समझाते हैं, कुछ लोग अपने एक्सपीरियंस से समझते हैं, तो अच्छा है कि आप अपने एक्सपीरियंस से समझिए, ज़्यादा बढ़िया है। आप एक डेढ़ साल दो साल और आपने अभी तक टाइम बहुत वेस्ट भी किया हुआ है, यदि आप ऑलरेडी आप देख लें तो अभी तक बहुत समय आपने ख़राब कर दिया। तो यदि कुछ क्लियरली, मैं देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि ब्लाइंडली फॉलो करो, मैं आपको बहुत चीज़ें प्रूव करके बताऊंगा, यदि प्रूव करके जाएंगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगेंगी। मैं सेलेक्टेड कैंडिडेट के बारे में बता दूंगा, मैं आपको सब बता दूंगा जो आपको जानना होगा। आज आयोग के अंदर जो चीज़ें हैं, आयोग के अंदर मेरे कम से कम नहीं होंगे तो 50 से 60 मित्र हैं, लगभग लगभग हिंदी भाषी सभी आयोग में होंगे, जहाँ से आयोग में क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, कैसे कौन कॉपी चेक करने वाले कितने टीचरों को मैं जानता हूँ, जो फाइनली कॉपी चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हों, चाहे DU के हों, चाहे JNU के हों, ठीक है। तो मैं आपको एक क्लियर स्टोरी बताऊंगा कि क्या स्टोरी है, क्या चल रहा है, और उस स्टोरी को यदि आप समझ पाए तो बात बन जाएगी, अन्यथा समझ, बहुत मुझे बड़ा मेहनत करनी पड़ती है समझाने में, तो इसलिए यदि समझ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आप विनय सिंह कहाँ से? कुशीनगर। कुशीनगर से, अरे वाह, किस लिए प्रसिद्ध है कुशीनगर? कि महात्मा बुद्ध जी का मृत्यु, देखो ये महानिर्वाण है ना, महानिर्वाण हुआ था, मृत्यु बड़े लोगों के लिए ऐसे शब्द प्रयोग नहीं करते है ना, तो महात्मा बुद्ध का महानिर्वाण क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, स्टोरी नहीं पता, कोई बताएगा महात्मा बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई, बताइए। अच्छा सूकर मद्दब खाया था, सूकर मद्दब क्या होता है इसको लेके बड़े इतिहासकारों में मतभेद है। सूकर मद्दब को कई जगह पे मशरूम बताया गया है, ठीक है, कि मशरूम बनाया था उसने, कई जगह पर कई इतिहासकारों ने उसे सूअर के रूप में प्रयोग किया है। दो चीज़ें हैं, बड़ा मतभेद है इसमें, आप यदि बुक्स अलग अलग पढ़ेंगे, जैसे कि मैं DN झा के बारे में बताऊं, DN झा के बुक में कुछ और मिलता है, और यदि आप सुमित सरकार को पढ़ें तो मतलब अलग अलग, KC श्रीवास्तव की बुक में कुछ और मिलेगा, तो थोड़ा मतभेद है इतिहासकारों में। सूकर, हाँ मशरूम सुअर वाला, दोनों बताए ना मतभेद हैं, लेकिन सूकर का शब्द यदि आप देखेंगे तो ये मशरूम शब्द मिलता है, ठीक है, कई जगह पे सूकर को सुंगर, तो कभी दोनों चीज़ें आ जाएं, तो ये खिलाया गया, फिर अतिसार हो गया उनको, है ना, कुछ समय बाद, अब अतिसार उतिसार कुछ नहीं, 80 साल के हो गए थे, ठीक है, साफ सीधी सी बात, 80 साल इनफ होती है उम्र, अब इसके बाद तो जाना ही होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा कारण बताते हैं कि ऐसा हुआ था। और नेक्स्ट आप तो जुड़े हुए हैं, आप बताइए। हाँ,
राकेश, आगे का मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, राकेश शाक्य, शाक्य, अरे वाह, सब बुद्धा की धरती से हैं। शाक्य, शाक्य आप टाइटल में लगाते हैं या फिर शाक्य आपकी जाति से जुड़ा हुआ है? जाति से जुड़ा हुआ है। तो कहाँ से हैं आप? बदायूं से। अच्छा, वो पूरा क्या आपका संबंध है कुछ ऐतिहासिक? शाक्य का इतिहास क्या है? कापिल्य से जुड़े हुए हैं आप? जुड़े हुए हैं, उसी कुल के हैं, शाक्य कुल के? नहीं नहीं सम्राट तो अशोक तो अलग कहानी है। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? बड़ा बवाल है उसके जिंदगी पे। कोई कह रहा है मूरा जाति से है, कोई कह रहा है कि जो नंद वंश का शासक घनानंद था उसकी पत्नी का, ऐसा कुछ बड़ा अजीबो गरीब है। तो अशोक से तो मत जोड़िए, सिद्धार्थ से जुड़ा हुआ है शाक्य कुल। शाक्य एक गणराज्य था। देखिए भारत में बहुत सारे गणराज्य थे। गणराज्य कैसी, गणराज्य क्या व्यवस्था होती है, कोई बताएगा गणराज्य व्यवस्था क्या होती है? हाँ, गणतंत्र या गणराज्य, गणराज्य का मतलब होता है जो शासक होगा, जो राष्ट्र का प्रमुख होगा, वो अनुवांशिक और वंशानुगत न होकर के जनता के द्वारा चुना जाएगा। लेकिन उस समय के गणतंत्र ऐसे गणतंत्र नहीं थे जैसे आज की गणतंत्र है। आज देखते हैं ना, हम अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं, हम इनडायरेक्ट तरीके से चुन लेते हैं, है ना, वैसा नहीं था। लेकिन फिर भी एक सभा परिषद होती थी जो कि चुनती थी, जैसे आज भी सभा परिषद ही चुनती है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये सब चुनती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो ऐसे गणराज्य पद्धति भारत में विद्यमान थी, चाहे रामग्राम के कोलिये रहे हों, चाहे कपिल वस्तु के शाक्य रहे हों, चाहे भग रहे हों, चाहे पावा के मल्ल रहे हों, उस समय व्यवस्था थी, है ना। उन्हीं में से कपिल वस्तु के शाक्य में से ही निकल के आए हैं गौतम बुद्धा, ठीक है। तो नेक्स्ट, हाँ सर, नरेंद्र सिंह पंवार जी, बताइए। अरे वाह, पंवार कहाँ से? अच्छा, अरे वाह, उत्तराखंड में कहाँ से? अरे हेड्स ऑफ इसलिए क्योंकि उत्तराखंड का पहाड़ी क्षेत्र मानना पड़ेगा बड़ी ही जटिलताओं से भरा हुआ है। जटिलताएं कि नहीं है? आप लोग मतलब एक चीज़ मुझे एक्सपीरियंस से शेयर कीजिए, चूँकि आप स्थानीय, मैंने बहुत लोगों से मिला, मतलब उत्तराखंड में बड़ा प्यार मिला, मैं सच बताऊँ। इतने बच्चे हैं, कोई मिलिट्री एकेडमी में है, कोई CISF में है, कोई वहाँ पे किसी डिपार्टमेंट में है, सब एक साथ कम से कम नहीं तो 1000 फ़ोन आए होंगे। कोई श्रीनगर से है, कोई पौरी में, तो इतनी भीड़ थी। अब ये था कि देखो, दो चीज़ें होती है, भारत दर्शन अलग चीज़ है और मीटअप अलग चीज़ होती है। मीटअप करना है, मीटअप में एक एक बच्चे से तो मिला नहीं जा सकता कि चलो एक के पास आओ, एक के सर मेरे घर आ जाओ। ये मतलब अल्मोड़ा, नैनीताल, कहाँ कहाँ से बच्चे नहीं होंगे, यमुनोत्री तक से थे, बोले थे यमुनोत्री चले आओ अभी तुरंत तत्काल प्रभाव से। बड़ा अच्छा लगा, उत्तराखंड के लोग बड़े प्यारे भी होते हैं, पहाड़ के लोग बहुत अच्छे होते हैं, पहाड़ के मैदानी लोग तो हम लोग जो है ना बहुत गड़बड़ आदमी है। रास्ते पहाड़ में से रास्ता भी एक ही होता है, जाने आने का है दोनों। मैदान का आदमी से अच्छा पहाड़ का आदमी होता है, विश्वसनीय होता है, है ना, सही बात है कि नहीं? तो अभी कहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, तो यहाँ पे कैसे मतलब सर्वाइव कर पा रहे हैं ठीक ठाक? गांव जाते हैं तो वहाँ पे कहाँ, गढ़वाल में? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, 20 किलोमीटर है, चलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। तो कहाँ ऊपर चढ़ना पड़ता है या रोड बनी हुई है प्रॉपर? सर, अब तो ये है कि अब रोड अब तो घर के पास ही आ गई, पहले डिस्टेंस था। अच्छा, रोड के नीचे लगभग 1 किलोमीटर नीचे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो बड़ा, मैं तो कुछ नहीं करते आप लोग, इन लोगों से पूछे कि हॉस्पिटल जाना होता है तो कैसे जाते हैं, इनसे पूछे स्कूल जाना होता है तो कैसे जाते हैं, इनसे पूछे कि जब कोई आधारभूत सामग्री ख़त्म हो जाती तो मैदान लेने कैसे जाना पड़ता है, जब कभी ऐसी समस्या आती है कि विद्युत वगैरह सप्लाई बंद हो जाती है तो काफ़ी कितना समय लग जाता है कंस्ट्रक्ट होने में दोबारा? रास्ते पे ही ख़त्म हो जाता है, बहुत बड़ी। और देखिए हमारे यहाँ पे हमारे बिल्डर लोग 20 मंजिला इमारत बनाते हैं और 2 दिन में ढह जाती है। वहाँ पे पहाड़ों में क्या सिविल इंजीनियरिंग की गई है अपने आप में आश्चर्य। Zone 5 में पहाड़ों के ऊपर ऐसे घर बनाए गए हैं जिनको देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, जबरदस्त। मतलब
अलग है। और माहौल, माहौल की तो बात नहीं कर सकते, जन्नत है वो, है ना, वो पूरी जगह जन्नत है, जहाँ पे वादियों से हवा आ रही हो, ठंडी हवा, स्वच्छ हवा, जो यहाँ के लिए सिर्फ एक दिवा स्वप्न हो सकती है ना। वहाँ पे आपको बस एक ही दिक्कत है, आवागमन, परिवहन और नेविगेशन ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के लिए। अब इसीलिए देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आपने बताया ना कि 500 से कम आबादी वाले लोग हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, वहाँ पर भी सड़क निर्माण काफ़ी जगह पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने जोड़ दिया, वहाँ तक आपको देखने को मिलेगी, है ना, काफ़ी। लेकिन अब ठीक है, अब धीरे धीरे डेवलप किया जा रहा है, लेकिन कुदरत के साथ बड़ी छेड़छाड़, पहाड़ों को बेचारों को बीच से काटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, वो बेचारा अभी थोड़ी सी वर्षा हो जाए पता चला पूरा रास्ता ख़त्म, पूरा पहाड़ आके रास्ते पर बैठ गया है। इंतज़ार कीजिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, या पुलिस आती है वही थोड़ी देर बाद। अभी जब मैं भी आ रहा था तो रास्ते में हो गई घटना, और उसके बाद जो है पुलिस वालों को तो जानते ही हैं, लेकिन सौभाग्य से हमारे साथ एक फ़ायदा था, पीछे मिलिट्री की गाड़ी लगी हुई थी, उसमें कम से कम 30 से 40 आर्मी पर्सन थे, और आर्मी पर्सन को जानते ही हैं, किसी का इंतज़ार नहीं करते, बोला सब लोग कैमरे बंद कर लो बस। इसके बाद उन्होंने पूरा पहाड़ उठा के फेंक दिया बाहर। तो मतलब बहुत जटिलताएँ हैं, मानना पड़ेगा वहाँ के ड्राइवर्स, एक नंबर। यहाँ तो आए दिन घटनाएं करते हैं, कभी यहाँ के ड्राइवर चले जाएं तो सब खंती में चले जाएं, वहाँ के ड्राइवर परफेक्ट, रात में रास्ते रटे होते हैं उनको, कैसे घुमाना है उनका ऐसा लगता है स्टेयरिंग फिक्स है, कैसे घूमनी है बिल्कुल रोबोटिक हो जाता है। इतना बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। आपकी धरती देवभूमि है भी, देवभूमि और मेरी बहुत फेवरेट जगह है, वहाँ पर शांति कुंज आप जानते होंगे, हरिद्वार में मैदानी एरिया पे है, उसी के जस्ट पीछे गंगा नदी बहती है, काफ़ी सप्त सरोवर एरिया बोलते हैं उसे, सप्त सरोवर में मतलब कभी भी आप लोग जाइए आनंदित होइए। मैं तो वहाँ पे ऐसे होता है कि चार चार छः छः घंटे बैठ के आया हूँ, चार घंटे छः घंटे, दो दो दिन तक, एक दिन तो पूरी रात बिताई है, कैंपिंग की है। तो उस इलाके में मतलब आराम से जाओ बैठो, ज़मीन में बढ़िया पत्थर है, सामने पर्वत श्रेणियाँ हैं, जंगल है, नदी बह रही है, बड़ा चौड़ा तट है गंगा नदी का, और बिल्कुल कल कल करके उसकी आवाज़ आराम से सुनो उसको, मतलब बड़ा आनंदित कर देने वाले क्षण होते हैं। तो कभी कभी आपको स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाना चाहिए, अध्यात्म को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, अध्यात्म धर्म नहीं है, अध्यात्म अपने आप का एक विज्ञान है जो मानवीय शरीर और मानवीय मन को निर्मल बनाता है, हमारे मन के जो दूषित कर्ण है ना, जो दूषित विचार हैं, अध्यात्म उसे ख़त्म कर देता है। लेकिन एक चीज़ है ना, सूरज अस्त पहाड़ी चलता है, खूब ड्रिंक वगैरह करते हैं वहाँ पे लोग। वहाँ पे मैंने एक समस्या देखी बहुत मतलब अच्छा खासा, एक मिनट भी खाली नहीं बैठा, घर घर जो भी मिलता था, क्या प्रॉब्लम है इसकी, प्रॉब्लम बड़े स्तर का ड्रिंक करते हैं, फंस गए लोग, नशे के जाल में फंस गए पहाड़ों में लोग, अब छोड़ रहे हैं, उबरना चाह रहे हैं लेकिन नहीं उबर पाते। मैं रात को 12 बजे निकला अपने होटल से, मैंने कहा टहल के आते हैं, उसमें बहुत सारे लोग मिल गए जो भी सैर कर रहे थे, पता चला सैर किए बिल्कुल फिट होकर के सैर कर रहे हैं, तो मतलब अपने आप में है ना। चलिए ठीक है, स्वागत है आपका, आप बताइए। हाँ, मोहम्मद सलमान, अरे वाह, बताइए सलमान जी क्या हाल है। हाँ, दिल्ली से हैं, कहाँ पे? रोहिणी से। तो क्या चल रहा है अभी, आप भी जॉब कर रहे हैं? ओहो क्या बात है, तो सिविल सर्विस फिर क्यों इधर, अच्छी खासी सुकून भरी ज़िंदगी है, क्यों जवानी ख़राब करना चाहते हैं? हाँ, सुकून नहीं है, लव है कि अट्रैक्शन है? ये अट्रैक्ट कर रहा होगा, अट्रैक्शन है, बाद में उधर ही जाना है। चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, क्या नाम है? शभिकांत, थोड़ा सा तेज बोलिए। सरफराज, सरफराज, सरफराज के बाद अंसारी जी। सरफराज जी बताइए, आप कहाँ से? बरेली से। अच्छा, उत्तराखंड से हैं, बरेली से हैं। अच्छा, अभी कहाँ रह रहे हैं? अभी बरेली में। तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं? उत्तराखंड में क्या कर रहे थे? अच्छा, घर कहाँ पे? अच्छा, अरे आप भी पहाड़ों से हैं, पहाड़ी लोग जो है। चलिए और बताइए, आप, आपका क्या नाम है? सोनू
परमार्थ परमार सोनू परमार। अच्छा नाम सुना सुना लग रहा है। और बताइए परमार जी क्या हाल है? कहाँ से? पलवल से। अच्छा परमार कौन थे? मालवा में थे। शासक प्रसिद्ध शासक का नाम बताइए। अच्छा पूरा क्रम याद रखा है। संस्थापक उपेंद्र। हाँ नेक्स्ट फेमस फेमस शासक का पहले नाम तो बताइए। राजा भोज। बिल्कुल बताइए अब अपने बारे में। पलवल में। अच्छा क्यों दिया? पता नहीं। अच्छा ऐसे ही दे दिया। अब आगे देना है कि नहीं देना? अब इधर से उधर से शिफ्ट, उधर जैसे ही देखा कि ड्रामा चल रहा है तो इधर आ जाते हैं। यदि इधर ड्रामा चलने लगा तो कोई भरोसा नहीं आयोगों का। एसएससी में ड्रामा है, हर जगह ड्रामा, जिंदगी ड्रामा है तो क्या करें। हर जगह कुछ ना कुछ मिलेगा। अभी UPI PCS में चल रहा था, अब कुछ सही लग रहा है। ठीक है कुछ समय पहले बिहार में चल रहा था, बिहार वाले भी अब सुधर रहे हैं। MP में चल रहा था, वो भी ठीक ठाक लग रहा है। अभी UPSC में ड्रामा शुरू हो गया था। ठीक है तो ड्रामा तो चलते रहेंगे, ये भारत है, भारत में ऐसे ही होता है। काफ़ी चीज़ें अच्छा काफ़ी जगह आप कोचिंग भी कर चुके हैं लगभग। अच्छा 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 काफ़ी अच्छा अनुभव है आपको कोचिंगों का। चलिए ठीक है अभी बात चर्चा करते हैं। ठीक है अभी होलिस्टिक देखो ऐसे ही चलेगा, लंबा चलेगा। स्टेमिना है ना? हाँ स्टेमिना ऑन चाहिए। आज चेक भी हो जाएगा बहुत सारे लोगों का कि इसे बोलते हैं ऐसे ही क्लास चलती है, यहाँ पे लंबा खींचता है। ये मान के चलो कि आज तो मैं बहुत डिस्क्लेमर दे के जाऊँगा, बहुत डिस्क्लेमर होगा रहिए, नहीं तो कन्वर्ट टू ऑनलाइन। बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑनलाइन इसीलिए बनाया गया है। जो गवर्नमेंट जॉब में है, जो आ नहीं सकते, जो रेगुलर नहीं रह सकते, कृपया करके आप वहीं पर रहें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे नेक्स्ट नवीन कुमार जी। नवीन जी कहाँ से? कहाँ से? बिजनौर से हैं आप? अच्छा बिजनौर से UP में ही है, UP और उत्तराखंड दोनों की बॉर्डर, मेरठ के बराबर में। क्यों फेमस है बिजनौर? नहीं पता, बिजनौर से ही है ना, फेमस आप कर दीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्या नाम है? धर्मेंद्र। आज मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, क्या मुझे पता लग रहा है नहावा के पानी वानी डाल गया। धर्मेंद्र परमेंद्र, आप लोग नाम भी बढ़िया बढ़िया रख के आए हैं। हाँ परमेंद्र जी बताइए कहाँ से हैं? बिजनौर से आप भी आए हैं, चलिए स्वागत है। नेक्स्ट अब्दुल्ला, ये कैसा? कहाँ से? बिहार किशनगंज। देखिए ऐसी आवाज़ होनी चाहिए, बेस होना चाहिए आवाज़ में। तो अभी क्या कर रहे हैं आप? बिहार वालों में दम है, लोग कहते हैं लेकिन बिहार वालों में दम है। उन लोगों को कभी कभी बताना भी पड़ता है कि एक बिहारी 100 पे भारी, लेकिन है दम, ये बात मैं भी मानता हूँ। बिहार में एक अलग ही नशा है। अभी चुनाव हो रहे हैं, वैसे नशाबंदी कर दी गई है। मैं सोच रहा हूँ आप लोग कोई ड्रिंक विंक तो नहीं करता है? सोच रहे हैं जो ड्रिंक विंक वाले हैं ना, एक बिहार में ब्रांच खोली जाए, उनको वहीं शिफ्ट किया जाए। शराब बंदी हो चुकी है वहाँ पे। तो क्या कर रहे हैं अभी आप? ग्रेजुएशन हो गया। चलिए नेक्स्ट सर आप आ चुके हैं, वैसे फिर भी नाम बताइए एक बार। आकाश ठाकुर जी। तो आप बता रहे थे कि आप MCA कर चुके हैं। MCA किया आपने, सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हैं और इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं। अभी फाइनली सब कुछ से रिज़ाइन है ना? देखो होल सोल पूरी आत्मा देनी पड़ेगी, दिल और जान सब कुछ यहीं रखना पड़ेगा सिलेबस में, तब तो चलेगा। आधा आधा नहीं, एक घर वाली एक बाहर वाली, ऐसे नहीं, पूरा कंप्लीट एक सिनेरियो, या आधा दिमाग इधर या आधा दिमाग उधर। ऐसा ना हो कि आधा इधर चल रहा, सब पूरा सब कुछ एक के ऊपर समर्पण। 50 चीज़ों में दिमाग बटा नहीं होना चाहिए, UPSC का सिलेबस ये फोकस मांगता है आपसे। ठीक है नेक्स्ट आराम से। हाँ ऊपर देवेश शैलेश चौधरी जी। शैलेश जी बताइए कहाँ से हैं? बैठिए बैठिए। खुर्जा से हैं, क्या चल रहा है अभी? BSC फाइनल किया है। मैं से BSC क्यों किया? अच्छा टीचिंग लाइन के लिए गया था, लेकिन सर आप
टीचिंग लाइन तो आप किसी और उससे भी जा सकते थे स्ट्रीम से। नहीं, मेरा मैथ का सब्जेक्ट। अच्छा, मैथ अच्छी लगती थी तब, ये रीज़न सही है, बीएससी करने का रीज़न मैथ था, बाकी अदर तो इधर तो मैथ फिजिक्स दोनों नहीं है। धोखा हो जाएगा आपके साथ। देखो हमें, मुझे खुद, अब मैं आईआईटी पर्सन मतलब किया, बीटेक में भी गया, ठीक है, वहाँ भी मतलब छोड़ छाड़ के तैयारी खूब की, दबाक तैयारी की, मैंने 2-3 साल आईआईटी तैयारी की, IEEE क्वालिफाई भी किया, लेकिन फाइनली जो है आज सिविल सर्विसेज में, तो अब मुझे याद आता है कि मैंने खूब साइन चीटा, कॉस चीटा, है ना, अवकलन समाकलन बहुत कुछ किया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब पढ़ा, आज मुझे कहीं दिखता नहीं है मेरी ज़िंदगी में, आज तो ज़िंदगी किसी और चीज़ में रह गई, अब भूगोल काम आ रहा है, इतिहास काम आ रहा है, पॉलिटी काम आ रही है, और यही चल भी रहा, अब जैसे कि चुनाव है तो चुनाव में साइन थीटा कॉस थीटा कहीं दिख नहीं रहा, यहाँ भी व्यवहारिक धरातल पर देखा जाए तो साइंस ने दिमाग तो सॉल्व कर दिया, ऐसा नहीं है, ब्रेन सॉल्व किया उसने, सब कुछ किया, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि उसकी अब ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। मैं कैलकुलेट भी करता हूँ, कैलकुलेशन भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, वहाँ पर भी कहीं साइन थीटा कॉस थीटा दिखाई नहीं देता, कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ किताबों की चीज़ रह गई वो। तो आप फील होता है कि हमारे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और जो हमारा एजुकेशन हुआ है, दोनों में कितना बड़ी गहरी खाई है, वही 9-10 फुट का चौड़ा रास्ता पहाड़ों वाला, बस उतना ही है हमारे पास, बाकी इधर उधर खाई थी जो हम कर रहे थे, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें पंगु बना दिया, हमें ज़रूरत पड़ गई कोचिंग्स की। यदि एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग होता, यदि वो मुझे कम्पिटिटिव वे ऑफ स्किल से पढ़ाता, तो आज शायद मुझे ये सब चीज़ें ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना। कभी उसने मेरे अंदर सपने पैदा ही नहीं करने दिए, मेरे एजुकेशन सिस्टम ने, उसने कभी मुझे बताया ही नहीं, कभी शिक्षकों ने ऐसा नहीं बताया, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मेरे साथ हुई कि आज मैं जो आया करके एक जगह आकर के रुक गया। या तो अपग्रेडेशन हो सकती है कि आप अपग्रेड करना चाह रहे हो जॉब करने के बावजूद भी, या जॉब से फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, क्योंकि जॉब जो पर्सन करता है उसी को पता होता है कि जॉब होती क्या चीज़ है। क्यों, आप तो कलेक्ट्रेट में, फिर भी आपका क्या है, आपसे आपका कैसे मोटिवेशन हुआ? सर, मोटिवेट तो पहले से था, लेकिन कभी अपने आप को इस तरह बना नहीं पाया कि तो जाके तैयारी कर पाऊँ या कोचिंग करूँ, इतना टाइम नहीं था मेरे पास। अच्छा, और टाइम रहता भी था तो मुझे 8-8 बज जाते थे मुझे रात के, 8 बज जाते थे, 8 बजे के बाद टाइम किसी और चीज़ के लिए होता है, तो 10 बजे के और टाइम किसी और चीज़ के लिए होता है, सोने के लिए होता है, पीने के लिए होता है, पढ़ने। चलिए ठीक, तो चलिए फिर फाइनली अब शुरू करते हैं, एक बातचीत हो गई, कोई किसी को कोई हेजिटेशन तो नहीं है भाई, सब खुल गए, कोई एक दूसरे से किस तरह का, ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे कि भाई कोई चीज़ पूछ नहीं सकते, खुल के पूछना है जो भी पूछना चाहो, अभी कुछ लोग तो रहेगा। अरे आप बताइए, हाँ नाम कुछ, बनारस से हैं, तो बनारस तो इस समय बहुत चमक रहा है, गंगा मैया ने दोबारा किसी और को बुला लिया है ना, तो बनारस से कहाँ से? बनारस से औसाईगंज। औसाईगंज से, अच्छा अच्छा, चलिए चलिए बहुत बढ़िया। तो क्या कर रहे हैं अभी आप? कहाँ पे? अच्छा, बनारस में कर रहे थे, फिर आगे? आगे प्लान स्टडी करने का। चलिए, स्वागत है आपका। हरीश कुमार उपाध्याय। हरीश जी, हरीश उपाध्याय कहाँ से? सर, मेरठ से। मेरठ से हैं। तो अभी क्या चल रहा है? सर, एमकॉम चल रहा है। ठीक, क्यों चल रहा है एमकॉम? एमकॉम क्यों कर रहे हैं? देखो ध्यान रखना, सब इंटरव्यू में ऐसे ही पूछते हैं, आप जो भी कर रहे हो उसका एक रीज़न आपके पास होना चाहिए, या फिर ये हो सकता है कि अंधेरे की ज़िंदगी अंधेरे में कट रही है, ये भी होता है कि कुछ भी कर रहे हैं कैसे भी कर रहे हैं, इधर से भी सक्सेस नहीं मिल रही तो इधर ही उधर चल रहे हैं। ठीक है, गर्ल्स को लगा उनके साथ भेदभाव हो गया है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी अग्रवाल। कहाँ से हैं? फिरोजाबाद। आप आ चुकी हैं क्या, फर्स्ट टाइम है? ओके, आयुषी जी क्या कर रही हैं अभी आप? बीएससी कंप्लीट हो गई, बीए कंप्लीट किया है, कहाँ से? फिरोजाबाद से। क्यों फेमस है फिरोजाबाद? चूड़ियों के लिए, चूड़ियों भर के लिए क्या, और किसी और चीज़ के लिए भी? और क्या है वहाँ पे? जी जी, नेक्स्ट। हाँ, सोनम जी कहाँ से? दिल्ली से हैं। अभी क्या कर रही हैं? बीए लास्ट ईयर कर रही हैं। और कोई भाई बचा हो जिस पे?
सब पे चर्चा पर चर्चा हो गई, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी फिर चालू करते हैं, फिर शुरू करते हैं। कोई किस तरह की टेंशन हो, दिमाग में कुछ भी हो, आप मुझे खुल के बताइए क्या होना चाहिए आज के सेशन में, ये भी बात होनी चाहिए। आप लोग लोकतांत्रिक तरीका यही होता है, नहीं तो लोग तो आज थोप रहे हैं सरकार हमारे ऊपर, देख रहे हैं मैं भी चौकीदार तुम भी चौकीदार, सब चौकीदार हो गए हम लोग, तो चौकीदार मिशन एक चुनाव का माहौल है। देखो मैं भाई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, कोई गड़बड़ मत करना, मैं है ना किसी को, क्योंकि मैं भी चौकीदार हूँ। यदि आप चौकीदार हैं तो, यदि आप राहुल भक्त हैं तो मैं भी राहुल भक्त हूँ, ठीक है। जो जिधर चले वही सही बढ़िया है, राजनीति इसी को कहते हैं। तो पूछिए क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या विषय। हाँ यूपीएससी की डिमांड क्या होती है। अच्छा, एक डिमांड हमें पता करनी है कि डिमांड क्या होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, यूपीएससी, ठीक है। और नेक्स्ट सिलेबस डिस्कशन होना चाहिए एक प्रॉपर, कि सिलेबस कितना बड़ा है, कितना टाइम लगता है, और सिलेबस की क्या इम्पोर्टेंस है। क्या सिलेबस से पूछते हैं, बाहर से भी आता है, सिलेबस सिर्फ महज एक परिकल्पना बना के रख दिया उन्होंने। हाँ नहीं, करंट अफेयर्स में इसका बहुत बड़ा रोल है। करंट अफेयर्स क्यों, क्योंकि बहुत वाइड एरिया है। क्यों करंट अफेयर्स इतना ज़्यादा पूछा जा रहा है, क्यों ज़रूरत पड़ गई आयोग को, ये भी हम जान लेंगे। करंट अफेयर्स की इम्पोर्टेंस क्या है, हाँ करंट अफेयर्स का बेस्ट सोर्स क्या होना चाहिए, कैसे पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, कैसे पढ़ते हैं, कैसे घंटों को मिनटों में बदल देते हैं, ये भी चर्चा कर लेंगे। और बताओ करंट अफेयर्स के अलावा तीन चीज़ हो गई, यूपीएससी की डिमांड, यानी यूपीएससी को होलिस्टिक अप्रोच से समझा जाए, यूपीएससी के बच्चों को भी समझा जाए, ठीक। जितने भी बच्चे हैं यूपीएससी के, कौन से जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, हिंदी भाषी स्टेट पीसीएस। देखो एक चीज़ तो और क्लियर कर लो, जितने भी लोग हैं जो ये प्रण दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि मैं सिर्फ आईएएस दूंगा, उनसे कहूंगा कि प्रतिज्ञा तोड़ दीजिए, आपको पहले पीसीएस ही देना पड़ेगा, पहले पीसीएस दीजिए फिर आईएएस में जाइए, ज़्यादा बेहतर है। या फिर आप उतना टाइम दीजिए कि यूपीएससी के लिए सफिशेंट उसका सिलेबस कम्प्लीट हो सके। ये बहुत बड़े लेवल का है, इसका लेवल बड़ा है। क्यों लेवल बड़ा है, अभी चर्चा समझ करते समय समझ में आ जाएगा। आयोग जो अभी पीसीएस वीसीएस है ना, अभी अपडेटेड नहीं है, पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं, आप बहुत जल्दी इनको क्वालिफाई कर सकते हैं पीसीएस को, बहुत कम समय में, कम मेहनत में, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी भी क्या हो रहा है, जैसे यूपी पीसीएस अपग्रेड हो गया, एमपीपीएससी जो है आपका 2015 में अपग्रेड हो चुका था, झारखंड पीएससी अपग्रेड हो गया, सारे पीएससी भी अपग्रेड हो रहे हैं धीरे धीरे, सब अपना सिलेबस। और 65वीं से शायद बीपीएससी को चेंज होना था, शायद उन्होंने मन बदल दिया कि चुनाव के बाद कर लेंगे, तो अभी सब चेंज हो रहा है, जितने भी आयोग हैं सब चेंज हो रहे हैं, लगभग कोई भी आयोग ऐसा नहीं आपको मिलेगा जो चेंज ना हो रहा हो, है ना। तो अभी इसकी और बताइए और क्या होना चाहिए। एक ऑप्शन में बड़ी दिक्कत होती है। अच्छा, ऑप्शनल, ऑप्शनल के साथ क्या करें, ठीक है, ऑप्शनल कैसे चुना जाए इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। और बताइए। हाँ ठीक है भाई, हिंदी मीडियम पहले इसको सबसे ऊपर रखते हैं, हिंदी वर्सेस इंग्लिश, क्योंकि आप लोगों के मन में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। पहले थोड़ा मैं हिंदी मीडियम वालों की तगड़ी बुराई भी चलेगी, सब सुनने को तैयार रहना, क्योंकि आप लोगों के ऊपर प्रहार होगा इस मामले में, जब भी ये बात आती है तो मैं फिर। हाँ अच्छा, माइनस मार्किंग क्यों ले आए, अच्छा क्या नहीं मिल रही थी, सबके लिए माइनस मार्किंग है ना, ऐसा तो नहीं कर रखा उन्होंने कि किसी के लिए माइनस मार्किंग किसी के लिए नहीं, सबको है ना, तो बात बराबर हो गई, उसमें तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं हो गया। जब क्राइटेरिया सबके लिए हो तो सब इक्वल है, वो तो सबके लिए माइनस मार्किंग है, ऐसा नहीं कि कुछ किसी वर्ग के लिए कि भाई जो एससी एसटी ओबीसी से होंगे माइनस मार्किंग से बचेंगे, जनरल कैटेगरी माइनस मार्किंग, ऐसा नहीं है ना। तो यदि सबके लिए है तो बात तो बराबर है, छत इक्वल है, रास्ते अलग अलग नहीं है, वो उसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। माइनस मार्किंग बताता हूँ क्या होती, माइनस मार्किंग क्यों ज़रूरत होती है, ये भी हम चर्चा करेंगे। माइनस मार्किंग की क्यों इम्पोर्टेंट, निगेटिव आपको दंड क्यों दिया जाता है, ठीक है। और बताइए नेक्स्ट, और बताइए। हाँ अच्छा, ओके ओके, ओल्ड एनसीईआरटी वर्सेस न्यू एनसीईआरटी, ठीक है ठीक है। और बताइए, बहुत बहुत बढ़िया, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ये, यही सब टेंशन होती है। हाँ अच्छा, इतिहास क्यों पढ़ा जाए, इतिहास की ज़रूरत क्या है, क्यों भारत सरकार और यूपीएससी जैसी संस्थाएं इतिहास को इतना, मैं तो इस पर बड़ा बड़े बड़े लेक्चर दे चुका हूँ, इतिहास क्यों, हाँ इतिहास के पीछे, इतिहास पर चलो ख़त्म करते करते 6 महीने ख़त्म हो जाते हैं, है ना, तो इतिहास क्यों,
सी सेट क्या है, ये क्यों रख दिया गया, इसकी क्या जरूरत पड़ गई और क्यों इसको क्वालिफाइंग भी कर दिया गया, ये भी जान लेंगे। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, पूरा कंप्लीट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, वो भी हम चर्चा आज करेंगे। यूपीएससी की कंप्लीट स्ट्रेटजी क्या हो जाए। आप लोग सब धैर्यवान व्यक्ति बैठे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत कम मिलते हैं मुझे धैर्यवान लोग, ठीक है। स्टेमिना इतना है कि लगातार बैठ पाएंगे, क्योंकि मैं लंबा चलता हूँ भाई। फिर अब जब शुरू होगा, अभी सेशन शुरू नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ ऐसे ही चल रहा था, सेशन जब शुरू होगा तो बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। एक और चीज़ आपको सिखाऊंगा, एग्ज़ाम दें या ना दें, ये मैं बहुत इम्पोर्टेंट इसको हमेशा फोकस करता हूँ, एग्ज़ाम दें या ना दें, ये क्या चीज़ है। एग्ज़ाम दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए, फॉर्म आपने क्यों भरा है, कब दिया जाना चाहिए, ये भी होना चाहिए, कब दिया जाना चाहिए, इस पे भी बात कर लेंगे। व्हेन, और बताइए। हाँ हाँ, पढ़ें कैसे, ठीक, रीडिंग स्किल पढ़ें कैसे, ठीक है ठीक है, कल क्लियर हो जाएगी पूरा, आज यहाँ पे प्रैक्टिकली देखेंगे आप तो और ज़्यादा क्लियर है। अच्छा, टाइम, अरे मैंने समय प्रबंधन पे कितनी चीज़ें बताई हैं, बहुत चीज़ें लगातार क्लासेस में देता रहा हूँ, लेकिन ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। और बताइए नेक्स्ट, और बताइए, देखो आप लोग के मन में उधेड़ बुन रहती है, तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन बार बार दिमाग में आता है कि जो पढ़ रहे हैं सही है कि नहीं है, ये क्या सही डायरेक्शन पे चल रहा है कि नहीं चल रहा। हिंदी मीडियम वाले के साथ सबसे पहली बात, सबसे पहला प्रहार हिंदी मीडियम वर्सेस इंग्लिश मीडियम, ये क्या है, ये हिंदी मीडियम वाले क्यों नहीं सेलेक्ट होते हैं, या फिर क्या दिक्कत आती है, हिंदी मीडियम वाले क्यों बार बार एक्सेस, अब आप लगातार देखते हैं आंदोलन भी होते रहते हैं। दो तीन चीज़ें हैं, इंग्लिश और हिंदी के बीच में दो अंतर हैं, क्या अंतर है पहले बात समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं सेलेक्ट नहीं होते, इसको समझते हैं ताकि आपके दिमाग की गंदगी निकल जाए दो मिनट में, सेलेक्ट नहीं होते हैं। पहला ये चीज़ बहुत कम लोग बताते हैं, लगभग आप यूपीएससी कभी साइट में जाएं या फिर डाटा देखें तो लगभग 85-89% जो फॉर्म भरे जाते हैं इंग्लिश में भरे जाते हैं, पहली चीज़ तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले फॉर्म कितने भरते हैं, लगभग 10-11%। देखो इंडिया जिसकी राष्ट्रभाषा हिंदी है, राजभाषा हिंदी है, वहाँ पर भी 9-10% के आसपास ही हिंदी मीडियम के फॉर्म भरे जाते हैं बस। ये अपने आप में एक बड़ी विडंबना है, आप लोगों में से भी जिसका थोड़ा ठीक ठाक इंग्लिश है वो इंग्लिश मीडियम ही ले लेता है। तो जब ऐसी बात है तो क्या होगा, किसका परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए, आप खुद बताओ, है ना। या रेशियो के हिसाब से निकालिए तब तो बहुत अच्छा हमारा सिलेक्शन है, जिसको हमें कभी नहीं बताया जाता, पहली बात तो ये कभी नहीं बताया जाता, कभी भी आप जाइए साइट में देखिए आपका ये है। तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के साथ कोई भेदभाव नहीं होता, ये दिमाग में बैठा लो, कोई भेदभाव नहीं होता। अभी मैं रिसेंटली 2016 का इंटरव्यू देके आया हूँ UPPCS का, किसी तरह का कुछ नहीं, बहुत आसान और बहुत ईजी भाषा में, बढ़िया, आपको इत्मीनान से आप करके आएंगे। बस शर्तें कुछ चीज़ें हैं, सिलेक्शन का कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। आपका मेंस में ही नंबर बहुत कम होगा तो आप करोगे कैसे, कहाँ पे हिंदी मीडियम का बच्चा मात खा जाता है, इंग्लिश मीडियम का निकल जाता है। दूसरी चीज़, अब मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझाता हूँ, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, ठीक है, दो तरीके के लोग आप देखते हैं। एक पर्सन ऐसा होता है जो 18 से 20 घंटे मेहनत करता है, लेबर वाले लोग होते हैं, जो मजदूर वाले लोग होते हैं। एक पर्सन ऐसा होता है जो 3-4 घंटे मेहनत करता है, हिंदी मीडियम का बच्चा ये है, इंग्लिश मीडियम का बच्चा ये है। ये जब 18 से 20 घंटे मेहनत करता है तो इसको मिलता है 200 से 300 रुपये, 500 रुपये, 800 रुपये, ये 3 घंटे में ही 3-4 हज़ार रुपये कमा के निकल जाता है। हम क्या करते हैं, मजदूर बन गए हैं, यूपीएससी में हिंदी मीडियम का बच्चा मजदूर बन गया, मजदूरी कर रहा है, उसे 18 किताबें बता दो, 18 किताबों को खरीद करके लाइब्रेरी बना लेगा, दिन भर पागलों की तरह कुछ ना कुछ पढ़ता रहेगा, निरंतरता का अभाव होता है, कभी कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, आज पढ़ा कल डिमोटिवेट होकर के बैठ गया, स्ट्रेटजी का पूर्ता अभाव होता है, कभी स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करता, 50 लोग मिल जाएं तो 50 लोगों की बातें सुनता है, कभी एक स्ट्रेटजी पे कभी वो कायम रहता ही नहीं है, जिसके कारण से अपने समय को सिर्फ और सिर्फ बात करता है। जब दिनचर्या बनाने की बात करता है तो हमेशा रूटीन में 16 घंटे से कम वो पढ़ना ही नहीं चाहता है, चाहे यदि धरातल पे देखे तो सिर्फ 4-5 घंटे पढ़ता होगा, बाकी टाइम चद्दर ताने लेटा हुआ है, अगले दिन फिर
आज की रूटीन फाड़ी, फिर नई रूटीन बनी 16 घंटे की, फिर अगले दिन फाड़ करके फिर 16 घंटे की बनी। वो डेली 16 घंटे की रूटीन बनाता है, कभी उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। पॉलिसी तो बहुत अच्छी बन जाती है, लेकिन पॉलिसी पैरालिसिस हो जाती है। इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं करता हिंदी मीडियम का बच्चा, बहुत रेयर बच्चे मिलते हैं, समझ रहे हैं। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में कोई भेदभाव नहीं है। देखो, इंग्लिश इतनी आनी चाहिए कि कम से कम आप समझ पाओ, अंडरस्टैंडिंग लेवल तक इंग्लिश आनी चाहिए। इतना भी हो जाए कि आप थोड़ा बहुत बोल भी सको, सामने वाला बोल रहा हो तो उसको रिप्लाई भी उतना कर सको, कम से कम अपने बारे में बता सको, इतनी नॉलेज तो इंग्लिश की होनी चाहिए। इतना भी बुरा हाल नहीं है, इंग्लिश है कुछ नहीं, सिंपल और आसान भाषा में एक लैंग्वेज है, एक भाषा है जो आपको सीखनी है, इतनी सीख लेनी है ताकि आप सामने वाले से इतना लो कॉन्फिडेंस में ना जाएं कि आप पूरी तरीके से लगे कि पूरी पढ़ाई धरी की धरी रहेगी। मान लो आप बहुत बड़े हिस्टोरिकल पर्सन बन गए, आप बहुत अच्छे पॉलिटिशियन बन गए, आप बहुत अच्छे ज्योग्राफर बन गए, यूपीएससी में सब कुछ है, लेकिन पचला इंग्लिश नहीं आ रही, जिसके कारण से सामने वाला आया और आपके पूरे कॉन्फिडेंस को तोड़ के चला गया सिर्फ एक लैंग्वेज के कारण से। ये कंडीशंस आपकी नहीं होनी चाहिए, साफ सीधी बात। इंटरव्यू में क्या होता है, आपको सब कुछ आ रहा होता है, जैसे ही इंटरव्यूअर आपसे इंग्लिश में बात करना शुरू करता है आपका कॉन्फिडेंस गायब, जीरो। आपकी हिस्ट्री धरी की धरी रह गई, आपकी पॉलिटी धरी की धरी रह गई, आपको लगता है कि मैं हीन भावना का शिकार होते हैं आप, कुछ नहीं करता। लैंग्वेज चेंज, लैंग्वेज क्या, मुझे कन्नड़ नहीं आती, मुझे तमिल नहीं आती, मुझे तेलुगु नहीं आती, मुझे फ्रेंच नहीं आती, मुझे जापानीज नहीं आती, नहीं आती बहुत सारी लैंग्वेज, चाइनीज नहीं आती, उसके लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पचासों लैंग्वेज, उनको हमारी लैंग्वेज नहीं आती है। हमें पहली बात अपने लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हिंदी में इतना कॉन्फिडेंस हो कि सामने बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा हो, आप इतनी अच्छी हिंदी बोल दीजिए कि सामने वाले को लग जाए कि यार गलत आदमी के सामने खड़े हो गए, उसका कॉन्फिडेंस डगमगा जाना चाहिए, तब तो ठीक है। आप क्यों उसके इंग्लिश के कारण डगमगा रहे हैं? तो अपने अंदर पहली बात, हिंदी भी यदि आपकी लैंग्वेज है तो इसको ही अच्छे से सीखिए। इसमें आपके शब्द चयन, आपकी भाषा, आपका स्किल इतना अच्छा होना चाहिए कि कभी भी कोई इंग्लिश इतनी आनी चाहिए कि आप समझ सकें, क्योंकि भाई ग्लोबल लैंग्वेज है, इससे बिना काम नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन समझने के बाद जब आप रिप्लाई करें तो सामने वाले को हिंदी समझने में दिक्कत हो जाए, उसका कॉन्फिडेंस, उसको हीन भावना महसूस हो जाए कि यार मुझे हिंदी नहीं आती, इतनी अच्छी भारत जैसे देश में रह रहा हूँ और इतनी बढ़िया हिंदी बोल रहा है बच्चा, ये भी होना चाहिए। समझ ना, आपकी हिंदी अच्छी ना, आप घर के ना बाहर के, है ना, हिंदी के साथ बेवफाई कर रहे हो जो आपकी घर की है, इंग्लिश तो वैसे भी बेवफा है। तो ये जो मेंटेलिटी है ना, बनाओ एक लैंग्वेज को ऐसा कर दो कि जो आपके अंदर बिल्कुल समाहित हो जाए। इनको क्या नाम है, मोहन, मोहन जी, इनकी संस्कृत अच्छी है, ये बोलना शुरू कर देंगे आपकी हालत ख़राब हो जाएगी सामने वाले की। लेकिन कॉन्फिडेंस यदि अपनी लैंग्वेज पे ना हो, अपनी लैंग्वेज के प्रति मुझे हीन भावना हो, तो क्या बेनिफिट है। समझ रहे मेरी बात को, है ना, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी भाषा के प्रति सम्मान होना चाहिए, एक गर्व का महसूस हो। आज मोदी जी हैं, इंग्लिश आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती उनको, जितनी आनी चाहिए एक भारतीय को उतनी आती है, लेकिन गर्व के साथ वो फ्रेंच असेंबली में खड़े होकर के भी बात करते हैं हिंदी में, यूनाइटेड नेशन में खड़े हो जाते हैं हिंदी में बात करते हैं, यूएसए में जाते हैं हिंदी में संबोधित करके आते हैं, लगभग वहाँ पर जाते हैं भारतीय डायस्पोरा है या फिर जो भी है, सबको जाकर के हिंदी में प्रेजेंट करना, उसमें कितने लोग समझते होंगे, आधों के तो ऊपर से जाती होगी, लेकिन फिर भी करते भारत का प्रधानमंत्री होने के बावजूद। क्यों, कॉन्फिडेंस अपनी लैंग्वेज में, टेंशन नहीं है। जब आपको कॉन्फिडेंस होता है तो कोई दिक्कत नहीं। मेरे साथ क्या, मैं हिंदी बहुत अच्छी समझ लेता हूँ, मैं हिंदी बहुत इंग्लिश अच्छी लिख लेता हूँ, बोलने में एक फ्लुएंसी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जब सामने वाला कितनी भी अच्छी इंग्लिश बोल दे, लेकिन जब हिंदी में बोलते हैं तो सामने वाला समझ जाता है कि यार गलत आदमी के साथ हो गए, लेकिन इतना कर देते कि उसको फील हो जाए कि इंग्लिश आती है इनको। तो इतना अपने आप को बना लीजिए कि आपको इंग्लिश आए, समझें और थोड़ा लिख भी पाएं, कल के दिन जरूरत पड़ जाए तो कहीं पर भी लिखा जा सके आपके द्वारा इंग्लिश में। इतना तो आपको सीखना पड़ेगा, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है, दिमाग में सिर्फ इतना बैठा दिए एक नई भाषा सीख रहा हूँ मैं, बस नई भाषा सीखिए। तो इंग्लिश हिंदी का कोई बहुत बड़ा सीन नहीं है, यहाँ पे रेशियो ज़्यादा है, इनकी स्ट्रेटजी अच्छी है। स्ट्रेटजी कैसे अच्छी, मैं आपको बताऊँगा। ये लोग बहुत सेलेक्टेड होते हैं, इंग्लिश मीडियम का बच्चा बड़ा सेलेक्टेड पढ़ता है, ये मजदूर नहीं होता ऐसे जैसे पचासों किताबों का ये बोझ नहीं ढोता है, इसको चाहिए सिर्फ एक और परफेक्ट किताब, एक गाइडेंस, एक बार इनको बात समझ में आ गई कि ये चीज़ करनी है तो करनी है। ये मेहनती बहुत होते हैं, लेकिन मेहनती इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि इनकी मेहनत किसी काम की नहीं रह जाती है,
लेबर वाली आप मजदूरी नहीं करनी है। देखो ये आप इतिहास पढ़ने चलोगे तो पढ़ते रहो, इतिहास ख़त्म हो जाएगा आपका, आपका ज़िंदगी इतिहास बन जाएगा। इतना इतिहास बड़ा है भारत का, इतना बड़ा भूगोल है, इतनी बड़ी यहाँ की भारतीय राज्य व्यवस्था है। इतना नहीं पढ़ना, हमें उतना पढ़ना जितनी एग्ज़ाम की डिमांड है। जो दूसरा क्वेश्चन है, यूपीएससी की डिमांड क्या है, नीड क्या है, यूपीएससी क्या चाहता है कि स्टूडेंट से, वो चीज़ें हम समझेंगे सिंपल और आसान भाषा में, ठीक है। अब मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में, आपको सिर्फ इंग्लिश जानना है। देखो सब इंग्लिश, इसके लिए बहुत आसान तरीका है, न्यूज़पेपर ले लो, वैकेबलरी तैयार करो, शब्दकोश आपका अच्छा होगा तो धीरे धीरे आप बोलने लगोगे। ग्रामर आपकी सबकी अच्छी है, इंग्लिश हिंदी मीडियम के बच्चे की ग्रामर अच्छी होती है, जब वो ट्वेल्थ क्रॉस करके आता है तो ग्रामर सीख के आता है, इतनी बुरी ग्रामर नहीं होती हमारी, हमारे पास शब्द ही नहीं होते, शब्द ही तो बोलने हैं, ग्रामर में धीरे धीरे पिरो लेंगे। तो पहले अपना वैकेब सही करो, यदि वो सही हो गया तो सब सही हो गया, समझ रहे हो। वैकेबलरी के लिए इसीलिए बोलते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना ही है तो द हिंदू पढ़ो, बाकी मत पढ़ो, फेंक दो सब, रद्दी में फेंक दो। न्यूज़ सुननी भी है तो कुछ समय के लिए इंग्लिश न्यूज़ सुन लो, इंग्लिश न्यूज आती है राजसभा टीवी की, उसे सुन लो। मतलब कुछ समय के लिए इंग्लिश को अपने लाइफ स्टाइल पर लेकर आना है, उसको आप न्यूज़पेपर के माध्यम से, न्यूज़ सुनने के माध्यम से इंग्लिश को अपने लाइफ का हिस्सा। आपको इंग्लिश इसलिए नहीं आती, आपको उसके साथ आपने न्यूनतम इन्वेस्टमेंट किया है, आपने उसके साथ निवेश किया ही नहीं। क्या निवेश किया, कितने घंटे दिए आप इंग्लिश को, आज कितने घंटे देते हैं आप? मुझे लगता है जीरो होगा कुछ लोगों का, तो बिल्कुल से वो देखना ही नहीं चाहते हैं। तो जिस चीज़ को आप पसंद ही नहीं करते वो भी आपसे दूर है, तो यदि आप धीरे धीरे पसंद करेंगे तो इंग्लिश भी आपकी हो जाएगी, बहुत बड़ा इशू नहीं है। 2-3 महीने करके देखिए, 2-3 महीने में आपको इंग्लिश समझ में आ जाएगी, ठीक है। इंग्लिश जाननी ज़रूरी है, देखो इंग्लिश के बिना काम भारत में नहीं चलेगा, प्रशासन पूरा इंग्लिश में चलता है आपका, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पूरा इंग्लिश में चलते हैं आपके, ठीक है। पॉलिसी मेकिंग इंग्लिश में चलती है आपकी, डिफेंस पूरा इंग्लिश में चलता है हमारा। ऐसे यदि देखो इतना यदि हम समझ जाए, यदि मैं इंग्लिश नहीं सीखूंगा तो विश्व का आधा ज्ञान नहीं जान पाऊंगा। आधा क्या, लगभग इंग्लिश में कितना लिटरेचर है, आपको यदि उसे जानना है, उसे समझना है, उसे पढ़ना है। जैसे यूपीएससी में मैं आपको आधी किताबें बताऊंगा जो इंग्लिश मीडियम में बहुत अच्छी हैं, जैसे ज्योग्राफी मुझे जीसी लियोंग बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अब दुर्भाग्य से वो हिंदी में है ही नहीं। तो इतना इंग्लिश हो कि यदि कंटेंट कुछ अच्छा मिल रहा हो तो उधर से कंटेंट ले लें। इतनी भी इंग्लिश आपकी बुरी नहीं होनी चाहिए भाई, साफ सीधी सी बात। आप एक प्रशासनिक पोस्ट पे आ रहे हैं जो कि भारत की सर्वोच्च सेवा है, और आपको एक भाषा को लेकर के डर बना हुआ है, तो दिक्कत हो जाएगी। इंग्लिश ज़रूरी है। आप जब जाओगे तो वहाँ पर चला, सामने आप डीएम के तौर पर इधर बैठे हैं, सामने 5 इंग्लिश मीडियम वाले बैठे हैं, डीएम के बजाय चले गए, क्या मतलब के डीएम आप? एक इंग्लिश लैंग्वेज के कारण से आप की तौहीन हो गई। तो इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, साफ सीधी सी बात। पता चला आपके क्लर्क की इंग्लिश अच्छी है, वो डेली आके आपको आपकी हालत ख़राब करके 4 बातें इंग्लिश में ही सुना के चला जाता है, तो आपके पास इंग्लिश नॉलेज उसको आप कमजोरी मत बनाइए। इसलिए इंग्लिश सीखनी है ना। कैसे सीखनी है, आज ही से मैं थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें बाद में हिंट भी दे दूंगा, जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत आसानी से आप इंग्लिश समझ सकते हैं। जैसे कि मेरा एक साफ सीधा सा रूल है, जो चीज़ ना समझ में आए वहीं से शुरू करो जहाँ से शुरू हुई थी। समझ रहे हैं मेरी बात को? शायद नहीं कुछ लोग समझ पा रहे होंगे। आपने शुरू करो पहली क्लास से, एनसीईआरटी उठा लो, डेली का आधा घंटा निकालो, आधा से एक घंटा पहली क्लास की एनसीईआरटी ले लो इंग्लिश की, दूसरी क्लास की, तीसरी क्लास की, 12वीं तक की इंग्लिश की एनसीईआरटी उठा लो इंग्लिश लैंग्वेज की। उसमें क्या होगा, बढ़िया बढ़िया पोएम्स होंगी, है ना, उसमें वैकेबलरी निकल रही होगी, हर उसमें कुछ टर्म्स आपको आ रहे होंगे, कुछ स्टोरीज होंगी। पढ़ना शुरू कर दो, आप पाओगे कि जब आप 5वीं क्लास तक आओगे तो आपका वैकेबलरी बहुत स्ट्रांग हो चुका है, बाकी की चीज़ें रिपीट ही हो रही हैं बस। या फिर इसके बाद हिस्ट्री है इंग्लिश वाला, उसका उठा लो एनसीईआरटी का, 5वीं तक पढ़ो, इसके बाद जो है इंग्लिश में आ जाओ। ग्रामर सेक्शन बहुत आसान होता है, ग्रामर कोई भी एक बुक ले लो जो अच्छी हो, एक्सीलेंट की आती है, किस किस चीज़ की आती है, आप एक बार ग्रामर पढ़ लो उससे। वैकेबलरी यदि अच्छा है तो आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है, शब्दकोश ही सब कुछ होता है। हिंदी में आपका कुछ नहीं खराब है तो शब्दकोश अच्छा है। ग्रामर से टेंशन मत लो, ग्रामर बहुत अच्छी हो जाएगी, सब समझ जाएंगे। कुछ दिन टूटा फूटा ग्रामर होगा लेकिन व्याकरण अच्छा हो जाता है। शब्दकोश तो होना चाहिए आपके पास, बोलने के लिए शब्द तो पता होने चाहिए, तब तो बात बनेगी। तो इसलिए हाँ जी, भारत जैसा देश, यहाँ पर रेलवे से के साथ साथ, रेलवे तो लेट होती है, कुछ लोग ज़िंदगी में ही लेट होते हैं अपने, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे लोग जो है, कुछ लोग होते हैं कि सब कुछ टाइम से होता है उनका, टाइम से बड़े होते हैं, कुछ लोग बड़े होने में बड़ा टाइम लग जाता है,
फिर टाइम से सेलेक्ट हो जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। कुछ लोग इतनी बुरी कंडीशन हो जाती है कि ना टाइम से जॉब मिलती, हर जगह लेट होते हैं उनको। देखो भारतीयों के साथ एक बड़ी अच्छी चीज़ मैंने सीखी रेलवे में, मैं कई बार जब सफ़र करता हूँ तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है। यदि उनको रेलवे में पहुंचना है, कभी देखिएगा आधे से ज़्यादा लोग दौड़ती हुई ट्रेन में चढ़ेंगे, ठीक, लेट पहुंचेंगे, और आधे से ज़्यादा जब उतरेंगे तो चलती हुई ट्रेन पर उतरेंगे, जैसे पता चला इन्हें विदेश जाना हो। ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पर रुक जाने दीजिए प्रॉपर, फिर उतर जाइएगा। नहीं, ट्रेन प्लेटफॉर्म में पहुंची उसके बाद ऐसा निकलते हैं बाहर, कपदस मचा देते हैं, और इसके बाद बैग टांगेंगे और कूद जाएंगे ट्रेन से, जैसे लग रहा हो कि अभी भारत के प्रधानमंत्री इन्हीं को वहाँ पे मिलने आ रहे हैं। ये कंडीशन। और यदि कहे जो कि भाई इतना ही अड़िया, पकड़ेंगे भी चढ़ते चढ़ते, क्यों अलाउद्दीन जी? है ना, मैं गलत नहीं हूँ, मुझे पता है कि आप यही करते हैं डेली। क्यों करते हैं, बाकी का क्या? ऐसा लग, कौन सा ऑफिस जाते हैं बाकी? इस बात कुछ नहीं करना, जाके बैठना ही है, कहीं पे जाके मस्ती करना है, जिंदगी से जोखिम कर जाते हैं। वो जिंदगी भर लेट ही होते हैं, उनकी आदत बन चुकी होती है लेट होने की। सुबह लेट उठेंगे टाइम में, अलार्म 7 बजे का लगा है, लेकिन स्नूज करते 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 अलार्म भी सोचता है कि किस कमबख्त के लिए लगाऊंगा, इन्हें ना जगा पाऊंगा। मोबाइल भी बेचारा हिल हिल के कहता है कि क्या बताएं, अलार्म भी लेट करते चले जाएंगे। ज़िंदगी लेट है, क्या करें, उनकी कोई गलती नहीं है, ज़िंदगी में ही लेट है। फिर इसके बाद ऑफिस के लिए तैयार लेट होंगे, कैब आ जाएगी या किसी बस से जाना है, जिससे भी जाना है उसको भी लेट, उसके साथ भी उसको भी इंतज़ार करा देंगे, वो बता देते हैं कि मेरे साथ हो भाई, है ना, मेरी ज़िंदगी ही लेट चल रही है। ऑफिस लेट पहुँचेंगे, भागते हुए पहुँचेंगे ऑफिस के बाद, वहाँ से निकलेंगे। इसके बाद ये लोग इतने लेट होते हैं कि शादी भी लेट होती है, कल के दिन बच्चे भी लेट होते हैं, इतने लेट होते हैं ये, जॉब भी लेट लगती है, ज़िंदगी ही पूरी लेट 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 लेट, इतने लेट होते हैं। लेट सोते हैं, लेट जगते हैं, लेट खाते हैं, लेट पीते हैं, ज़िंदगी लेट हो गई, कुछ दिन बाद बिलेटेड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएंगे, बस यह याद किया जाएगा ऐसे लोगों को, कुछ नहीं कर पाते। आपको टाइम के प्रति पंक्चुअल होना पड़ेगा। मेरे पास कितना टाइम है, मैं कभी अपनी लाइफ के बारे में देखता हूँ तो मुझे तो बड़ा अजीब लगता है कि यार कितना करना है मुझे काम, मुझे इतना पढ़ा के जाना है, मुझे पूरा इंडिया घुमाना है सबको, मुझे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना है, आज इंडिया घूम लें फिर पूरा विश्व घुमाऊँगा, फिर इसके बाद पूरे मास्टर वीडियो बनाने बहुत सारे, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है टाइम ही नहीं अपने पास, तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म है। घर के 3 साल हो गए, 3-4 साल घर गए हुए, शादी विवाह तो भूल गया मैं, क्या होते शादी विवाह, है ना, ये कंडीशंस। तो जब आपको अपने लाइफ में इम्पोर्टेंस ना पता हो कि आप क्या हो, आपको क्या करना है, तो क्या कर पाओगे? कुछ नहीं। आपको कोई अहमियत ही नहीं, अपने समय की अहमियत नहीं, अपने टाइम की अहमियत ही नहीं है, किसी चीज़ की अहमियत नहीं है। अरे भाई बहुत कम टाइम है, 60 साल की ज़िंदगी मिली है मुझे, पता चले कब बीच में निपट जाऊँ। डेली रोड क्रॉस करता हूँ तो सोचता हूँ कौन सा सलमान खान चला रहा हो गाड़ी, है ना, फुटपाथ में चलते हुए डर लगता है कि सलमान खान फुटपाथ ही में चलाता है, तो इतना मतलब भय का वातावरण रहता है कब निपट जाएँ, कोई भरोसा नहीं है, आज निकले हुए हैं कल आए ना आए पता नहीं। तो जब ये कंडीशंस हैं तो हमारे पास टाइम कहाँ है, कैसे लेट हो सकते हैं हम किसी चीज़ को लेकर के? लेकिन अब भारतीय है मेंटेलिटी है हमारी, लेट होने की आदत है, ज़िंदगी ही लेट बना दी हमने, कभी पंक्चुअल हो ही नहीं सकते, इसीलिए देश बहुत लेट हमारा चल रहा है। 70 साल आज़ाद हुए जरूर हो गए, लेकिन आज भी राजनीतिक स्तर पे देख लीजिए ऐसे लोगों को हम भेज देते हैं वहाँ पर, सोच वही है, पढ़ भी नहीं पाए, शिक्षा का स्तर अभी हो जाएगा, होते होते इतना टाइम हो जाता है कुछ कहने को नहीं। इसलिए पंक्चुअल बनिए, समय बहुत कम है हमारे पास, ज़िंदगी में बहुत कुछ करके जाना है, इतना कुछ करके जाना है कि कल के दिन हम ज़िंदगी में लोगों को एक रीज़न दे जाएं कि आप मुझे याद रखिए इस कारण से। आपको एक कारण दे के जाना है इस धरती में कि आपको इसलिए याद रखा जाएगा, नहीं तो कोई किसी, आप अपने आपके बाबा आपको कोई कारण दे के नहीं गए हैं जिस कारण से आप उन्हें भूल चुके हैं, आपके परदादा कोई कारण दे के नहीं गए हैं जिस कारण से आप उन्हें भूल चुके हैं, आप भी आने वाली पीढ़ी को कोई कारण दे के जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते, ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं होगा। बहुत सिंपल है, 25 साल बहुत आसानी से कट गए, बेरोजगारी में ही कटे, कुछ नहीं था हमारे पास, आने वाले 25 साल भी ऐसे ही कट जाएंगे, आप कुछ भी नहीं करोगे ना तो भी कट जाएंगे। बहुत लोगों के कट गए, बहुत लोगों के कट रहे हैं, ज़िंदगी हर हालात में चलती है। आपको लग रहा हो कि आपके ये IAS बनने से ज़िंदगी रुक जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सब चलता रहेगा, कुछ ना कुछ आप कर ही जाओगे, लेकिन कुछ ऐसा करके जाते हैं जिसके लिए दुनिया याद रखे, इस दुनिया को कुछ दे के जाते हैं। कुछ लोग दे के गए, आज लाइट पे बैठे हुए जो आदमी दे के गया ना, उसने इतनी बड़ी चीज़ दे दी कि ज़िंदगी भर याद रखेंगे उसे, समझ रहे हो?
तो लेट होने पे अपना टाइम खराब मत करो, साफ से समय प्रबंधन इसी को कहते हैं। अपने समय का सम्मान करो, हमारे पास बहुत कम समय। आप इतने बेले घूमते हैं कि कोई भी दोस्त आ जाए, मित्र आ जाए, कहे चल यहाँ चलते हैं, चल चल जाते हो। इतना टाइम है अपने पास, है समय भला? नहीं है समय भाई। तिथि त्यौहार मनाने का भी एक लिमिटेड, हर चीज़ का अपॉइंटमेंट होना चाहिए अपनी ज़िंदगी के साथ। इस चीज़ के लिए इतना टाइम टाइम निकल गया, अब नहीं मिलना है। बड़े बड़े अधिकारियों ऑफिसरों को देखते हैं, अपॉइंटमेंट देते हैं, क्यों? उनका टाइम महत्वपूर्ण होता है, उनको एक दिन में 500 काम करने होते हैं, उनकी पूरी लिस्टिंग होती है। वो टाइम निकल गया, उसके बाद आप नहीं मिल पाओगे, टाइम ओवर। अपनी ज़िंदगी को अपॉइंटमेंट बना लो, सबको अपॉइंटमेंट दो, अपने घर वालों तक को अपॉइंट दो कि इतने से इतने का टाइम ही है जो मैं आपके लिए दे पाऊँगा, इससे ज़्यादा नहीं है। बाकी आपातकालिक सेवाएं कुछ अलग होती हैं, इसलिए समझिए इस बात को। ज़िंदगी को ऐसा बना दिए कि आपके समय की वैल्यू लोग समझें, ऐसा मत बना दीजिएगा कि लोग आपकी वैल्यू ना समझें और आपको नेग्लेक्टेड समझ लें। कुछ लोगों को लगा अरे आ गया, फिर आ गया, अच्छे इसके पास ऐसे, ये ऐसा ही है। अभी आपका समाज छोटा है, 4 लोग जानते हैं आपको, 8 लोग जानते हैं, 10 लोग जानते हैं, लेकिन वो छोटा नहीं है, शुरुआत छोटे से ही होती है। उसी समाज के लोग आपको कहने लगे यार ये बड़ा कर जाएगा, इसके अंदर कुछ अलग है, तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं होना भाई, जैसा चल रहा है वैसे चलता रहेगा। इसलिए समय की वैल्यू समझिए, ठीक है? बस ये बताना चाह रहा था मैं, टाइम की वैल्यू समझेंगे तो समय आपकी वैल्यू समझेगा। हर चीज़ समय से मिलेगी, समय से जॉब मिल जाएगी, समय से प्रतिष्ठा मिल जाएगी, समय से सम्मान मिल जाएगा। इतना लेट नहीं हो जाएगा कि चीज़ों का मज़ा ही ख़त्म हो जाए। जो लोग अभी लेट हो चुके हैं उनके लिए भी शुभ अवसर है, अभी फिर हम फिर से अपने आप को प्रारंभ कर सकते हैं अपनी जर्नी को। कोई बहुत समय नहीं हुआ, 1-1.5 साल में सब कुछ बदल सकता है। 1-1.5 साल में आप, 1-1.5 साल छोड़िए, आप 1 महीने तक समय से उठना, समय से खाना, समय से जगना, समय से सोना सीख जाइए, आपके ऊपर बेहतरीन ऊर्जा आ जाएगी, आपको लगेगा मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अभी क्यों लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते? क्योंकि आप लेट हो, इतना लेट हो को आपको हर चीज़ लेट दिखाई देती है, आपको नहीं लगता यार कि ये चीज़ हो पाएगी मुझसे। एक बार समय के पाबंद तो बनिए, एक बार टाइम सुबह टाइम से जग के देखिए और समय शाम को सो के देखिए, हर काम को टाइम से करके देखिए। जो कमिटमेंट एक बार कर दी उसे पूरा करके देखिए। कमिटमेंट कर दी कि आज मुझे इतना पढ़ना है तो पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं। या तो कमिटमेंट मत करिए, या तो कमिटमेंट कर दिया तो पूरा करना है। क्यों करते हो भाई कमिटमेंट जब पूरा नहीं करना? तो किसने कहा था आपको कमिटमेंट करने के लिए? तो यदि ये सारी चीजें आप वैल्यू अपनी क्रिएट कर लो तो बेहतर होगा, समझ रहे हैं? आपके अंदर एक इम्पावर आ जाएगी, बहुत कम समय में बहुत कुछ पा जाओगे। बहुत बड़ी चीजें नहीं है, सब बहुत छोटी चीजें हैं। यूपीएससी को भी यदि दिमाग में बैठा दिया कि बहुत छोटी चीज है, बस इसके कुछ रूल्स हैं, यदि उन रूल्स को फॉलो कर लें तो चीजें हो जाएंगी, ठीक। चलो मैं अपनी विषय वस्तु पे आता हूं। पहली बात थी हिंदी मीडियम वर्सेज इंग्लिश मीडियम, ये भ्रम है, इस भ्रम को हटा दीजिए। आप कुछ वही करने लग जाइए जो एक इंग्लिश मीडियम का बच्चा कर रहा है, तो मुझे लगता है कि आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब क्या करता है इंग्लिश मीडियम का बच्चा, बड़े क्लियरली और बहुत आसान, मेरी बात से सब एग्री हो जाओगे क्योंकि मैं एक पूरा रिसर्च बता रहा हूँ, मैंने इसके ऊपर मेहनत की है, मैंने इस पर लंबा काम किया है, ठीक है? और उसके बाद मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। ऑलरेडी कितने बच्चे मेरे साथ सेलेक्ट हो चुके, ठीक है? कितने बच्चों को मैं करवा चुका इन सब तरीकों, जिन्होंने मेहनत की, ठीक है? मेरा पहला बच्चा जिसको मैंने सबसे पहले ये संस्था प्रारंभ हुई थी, आज़ाद आई एस अकेडमी की बात कर रहा हूँ, अदर तो मैं 500 जगह पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा चुका भी, कितने इंस्टीट्यूट पढ़ा के छोड़ दिया, अब नहीं, अब सब यहाँ वहाँ तक सेलेक्ट हो चुका है। मेरा पहला बैच जितना भी बना था वो सारे लगभग सेलेक्ट हो चुके। क्यों? कोई ना कोई कहीं ना कहीं पे है, सिविल सेवा में 1-2 गए बस, इनफ। तो यदि आप बात मेरी आज समझ जाओगे तो आपको खुद फील हो जाएगा कि यार कितनी गजब की बात है, कितना कम पढ़ना है हमें, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, बहुत कम पढ़ाई से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है? चलिए, तो ये हो गई हिंदी इंग्लिश वाला भ्रम आप खत्म कर दिए, कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ भ्रम है। एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ की मदर टंग हिंदी है, तो हिंदी को महत्व दिया जा रहा है बराबर, ठीक है? बस इंग्लिश सीखनी है हमें, इंग्लिश को नेग्लेक्टेड नहीं करना, इसको भी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी की तरह सिलेबस का हिस्सा समझते हुए समझना है, पढ़ना है, अपने अंदर एक डेवलप करना है, ब्रेन में एक इंग्लिश सॉफ्टवेयर डालना है, ठीक है? ताकि वो सॉफ्टवेयर काम कर सके। अगली बात है यूपीएससी के डिमांड क्या है, क्या चाहता है यूपीएससी? यूपीएससी क्या आपसे एक इतिहासकार चाहता है? क्या आपसे चाहता है कि आप बहुत अच्छे पॉलिटी के ज्ञाता हों? क्या यूपीएससी ये चाहता है आपसे? यूपीएससी क्यों बनाया गया, ये संस्था क्यों बनी, बताओ कोई क्यों बनी संस्था? आयोग क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूपीएससी संस्था क्यों बनी, तो आप ये बता रहे हैं कि कब बनी, इसीलिए नहीं आते नंबर,
कब तो नहीं वहाँ पे लगा कहीं पर भी, है ना। जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी का उत्तर दीजिए, नहीं तो ना दीजिए। हाँ, यूपीएससी ऐसे अधिकारी बनना चाहते हैं जो काम करवा सके, करे, जो करवा सके मतलब करे ना, उनका काम तो ये होता है कि वो काम कराए, बट वो नीचे का भी काम व्यवस्था बनाए। अच्छा, व्यवस्था बनाए। हर क्षेत्र की नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, ये चाहता है यूपीएससी। और भाई, और कोई जनता की प्रॉब्लम समझ सके उसे। अच्छा, वो जनता की प्रॉब्लम समझने वाले को अधिकारी बनाना चाहता है। एक अच्छा प्रशासन स्तर करते क्या? अच्छा, इसके बाद सिलेक्शन के बाद हम करते क्या है, क्या करते हैं, काम क्या होता है वहाँ पे, किसी को पता है कुछ मोटा मोटा आइडिया क्या करते हैं भाई? बताइए, आप ज़्यादा नज़दीक रहे हैं, क्या करते हैं डीएम का काम क्या क्या होता है? सरकार द्वारा बनाई चलाई गई कुछ नीतियाँ हैं, उनको फॉलो अप कर सकें और उनको पब्लिक तक पहुँचा सकें पूरी ईमानदारी के साथ। अच्छा, सिंपल आसान भाषा में बढ़िया चीज़ बताई इन्होंने। देखो, सिंपल और आसान भाषा में यूपीएससी एक ऐसी संस्था है। देखो, जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद, इससे पहले भी अंग्रेज़ों के द्वारा पूरा सिस्टम बनाया गया था, और आज़ादी के बाद एक सबसे बड़ी समस्या थी कि भाई हम आज़ाद हो गए, प्रशासन स्तर जो चल रहा था वो अंग्रेज़ों के अंडर में चल रहा था, उनके ICS अधिकारी थे, उनके सब कुछ थे। तो जब पटेल साहब बैठे, आपके पटेल साहब थे उस समय, BN कृष्णन मेनन साहब थे, BRB राव थे, सब लोग बैठे। बैठने के बाद ये हुआ कि अब हमें भी प्रशासक वर्ग चाहिए, है ना। प्रशासक और शासक में अंतर होता है, प्रशासन और शासन में अंतर होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। शासक अलग है, प्रशासक अलग है। प्रशासक और अच्छा, शासन और प्रशासन में, लोक प्रशासन वाले हैं, बताओ शासन प्रशासन में क्या अंतर है? अच्छा अच्छा प्रशासक जो होते हैं, बिल्कुल मैं सिंपल आसान भाषा में समझाता हूँ, ठीक है। सिंपल आसान भाषा में शासन का विशिष्ट रूप प्रशासन होता है। शासन एक विशिष्ट शासन, विशिष्ट प्रक्रियाओं के द्वारा काम करना, एक बने बनाए क्रियाकलापों के द्वारा, एक सिस्टम के तहत काम करना प्रशासन के द्वारा काम किया जाता है। प्रशासन मतलब विशिष्ट शासन, शासन का उच्च स्तर प्रशासन कहलाता है, ठीक है। ज़्यादा अथॉरिटी शासन को दी गई है क्योंकि भारत में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हर सिस्टम के अलग अलग, जहाँ पे जो सिस्टम है उस सिस्टम के हिसाब से इंडिया में ज़्यादा पावर है शासन के पास। शासन मतलब जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, यानी सरकार वो शासन के अंतर्गत आती है। शासन के बारे में आप पढ़ते भी हो कि तीन आधारभूत शासन अर्थात सरकार, तीन आधारभूत संस्थाएँ, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब पढ़ते हो। तो आज़ादी के बाद ये था कि हमें भी प्रशासनिक तंत्र को विकसित करना है, तो संविधान में क्यों ना एक संस्था डेवलप की जाए, जो संस्था ऑलरेडी चली आ रही थी उसी को कंटिन्यूअस कर दिया जाए, और इस संस्था का काम होगा कि भारत में मेरिट के आधार पे अब ऐसे प्रशिक्षार्थियों को चयनित करना जो भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को चला सकें। सिंपल और आसान भाषा में यूपीएससी का काम सिर्फ और इतना है कि मेरिट के आधार पर वो ऐसे अभ्यर्थियों को चुनती है जो प्रशासन को चला सके, इसका ये काम है। मेरिट के आधार पे साफ साफ संविधान में लिखा है कि मेरिट के आधार पे चुनना, यानी एक बकायदा एक तरीका होगा, वो एक आयोग एक बनाएगा सिस्टम जिसके आधार पे मेरिट तय किए जा सके, कुछ एग्जाम का एक ढांचा क्रिएट किया जाएगा, है ना। अब यूपीएससी की डिमांड समझते हैं। यूपीएससी यदि इतिहासकार समझता तो PhD होल्डर को उठा लेता, यूपीएससी किसी पॉलिटिक्स चाहता कि इसकी पॉलिटी बहुत अच्छी है तो किसी DU से देखता, गोल्ड मेडलिस्ट है पॉलिटी में, इसको उठा लेता, है ना। यदि वो ज्योग्राफर को चाहता तो किसी ज्योग्राफर को उठा लेता। यूपीएससी ये सब कुछ नहीं चाहता, वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रशासक चाहता है, क्या आपके अंदर प्रशासनिक गुण है कि नहीं है। जैसे मैं इतिहास में चलता हूँ, इतिहास में बहुत शासक हुए, हिस्ट्री में आप देखेंगे बहुत सारे शासक हैं। अशोका एक बड़ा शासक है, है ना। अशोका के बाद आप देखें अकबर एक बड़ा शासक है, एक शासक मोहम्मद बिन तुगलक, नाम सुना है आप लोगों ने। अच्छा, तुगलक के बारे में कुछ बताओ, कैसा शासक था, क्या है तुगलक, क्यों याद किया जाता है उसे, किस लिए याद किया जाता है? उसने क्या किया? राजधानी चेंज कर दी। बस, हाँ, दिल्ली सल्तनत के अंदर
सबसे बड़ा पढ़ा लिखा, हाँ बहुत बढ़िया बात बोली, पढ़ा लिखा व्यक्ति, यही तो मैं जानना चाह रहा था, पढ़ा लिखा व्यक्ति, ठीक है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी था मध्य काल में, मुगल काल में, अनपढ़ आदमी, इतना अनपढ़ कि अपना नाम भी नहीं पढ़ पाता था, अलिफ के बाद उसको क्या होता है उसे नहीं पता था। मैं हमेशा बताता हूँ कि एक बार जोधा ने है ना कढ़ाई की एक कपड़े में और अकबर का नाम लिखा, लेकिन कढ़ाई करते समय उसको जोधा को चूंकि ये नहीं आता था, उर्दू नहीं आती थी, फारसी नहीं आती थी, तो उसने बड़ी मेहनत की कि कुछ नहीं तो मैं जा पना कर नाम सीख सकूँ फारसी में, तो मैं फारसी में उसने कढ़ाई करके एक उसमें कपड़े में अकबर को दिखाया कि देखिए कितना अच्छा कैसा लग रहा है। तो अकबर ने कहा बहुत अच्छा लग रहा है, बोला क्या लिखा है इसमें बताइए। उसी समय जोधा को पहली बार पता चला कि जा पना अकबर जो है अनपढ़ है, उन्हें अपना नाम पढ़ना नहीं आता। तो एक ऐसा शासक इतिहास में, ये शासक है देखो, प्रशासन इसने कुछ ऐसा चलाया कि आज इसका नाम है, इसने भारत को एक कर दिया, इसने भारतीय धर्मों भारतीय जातियों सबसे ऊपर कर उठकर काम किया, इसने जनता के लिए काम किया, इसने जनता को सभी को समान समझा, ठीक है, इसी इसके लिए आगे महान लग गया। एक ऐसा शासक जो खूब पढ़ा लिखा था, मोहम्मद बिन तुगलक, पॉलिसी डिसीजन ले रहा है बैक हो रहा है, डिसीजन ले रहा है बैक, उसे पता ही नहीं कि डिसीजन लिया कैसे जाता है, उसे पागल बादशाह बोलते हैं। जब तक रहा जनता को परेशान करता रहा, बोला सब दिल्ली से चलो दौलताबाद, राजधानी परिवर्तित, कोई नहीं यहाँ रुकेगा, वहाँ गया, वहाँ उसका भी मन नहीं लगा, जनता के भी मन लगा, बोला चलो फिर दिल्ली लौट के आए। मतलब कि शासक का किसी भी तरीके से या प्रशासक का किसी भी तरीके से पढ़ाई से लेना देना नहीं है। ये जरूरी नहीं कि आप बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हो तो आप बहुत बड़े प्रशासक हो गए। प्रशासनिक योग्यता अलग चीज़ होती है, पढ़ाई अलग चीज़ होती है। लीडरशिप क्वालिटी इसको बोल सकते हैं आसान भाषा में, क्या आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, यूपीएससी इसे चेक करना चाहता है। वो इतिहास नहीं आपका जानना चाहता, वो आपका भूगोल नहीं जानना चाहता, वो चाहता है कि इतिहास को कैसे आप अपने लीडरशिप क्वालिटी में प्रयोग करोगे। उसे मतलब नहीं कि अशोका कौन है, उसे मतलब है कि अशोका के प्रशासन को भारतीय प्रशासन में कैसे इंप्लीमेंट करोगे। उसे मतलब नहीं कि बुद्धा कौन है, उसे यह मतलब है कि बुद्धा क्यों रिलेवेंट है अभी। उसे पता है कि अकबर को अभी कैसे इंप्लीमेंट करोगे, आपने अकबर को पढ़ा है। इतिहास क्यों पढ़ते हैं? इतिहास इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि इतिहास पढ़ करके हमें गड़े मुर्दे उखाड़ने, इतिहास इसलिए पढ़ते हैं कि वर्तमान समस्याओं का समाधान कर सके भारतीय इतिहास से, इसलिए इतिहास पढ़ते हैं। वर्तमान की समस्याओं का समाधान, आज आप कुछ भी है, आज आपको डायबिटीज़ है, आज आपको कोई प्रॉब्लम है, आज आप बहुत सुखी पर्सन है, आज आपको मतलब स्वच्छंद हैं, पता कैसे चलेगा? मुझे आपके बारे में यदि जानना है तो मुझे आपके इतिहास में जाना पड़ेगा, मुझे जानना पड़ेगा कि ये पर्सन करता क्या है, कितना टाइम इसने कहाँ पर दिया, किस पृष्ठभूमि से उभर कर आया। इसलिए भारत को जानना है तो भारत के इतिहास को जाने बिना नहीं जान सकते। भारत की वर्तमान समस्याओं का समाधान करना है तो इतिहास को जाने बिना नहीं समझ सकते। सांप्रदायिकता की भावना को आपको जानना है ना, सांप्रदायिकता है, आज आरक्षण की व्यवस्था है, जब तक इतिहास नहीं जानोगे तब तक नहीं जान पाओगे। आज सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगाओगे कि ये गलत है या सही है, इतिहास जान लोगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। इतिहास मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट किसी भी चीज के लिए है। आपकी अपनी जिंदगी में भी बदलाव आज लाना है, अपना इतिहास खोलिए, पता कीजिए आप क्या थे, आप क्या बनना चाहते हो, इतिहास की चीजों से सीखिए, अपने इसमें चेंज लाइए, वर्तमान चेंज। सरकार कभी भी पॉलिसी मेकिंग करती है ना तो पहले बैकग्राउंड देखा जाता है किसी भी पॉलिसी का, है ना। कभी आप कोई ट्रिप प्लान करते हो ना तो पहले आप बैकग्राउंड देखते हो कि वहाँ पे कैसा मानसून चल रहा है, इतिहास में पूरा खोल के हिस्ट्री देखते हो उसकी। इतिहास क्या है? बीता हुआ समय, बीता हुआ काल, जो प्रामाणिक हो, है ना, प्रामाणिक होना चाहिए। इतिहास कोई ऐसा हवा हवाई बात नहीं है, इतिहास अफवाह नहीं है, इतिहास मिथक नहीं है, इतिहास प्रमाण है, जो प्रत्यक्ष रूप से घटनाएं घट चुकी हैं, जिनके बकायदा प्रामाणिक स्रोत हैं, ये है इतिहास। इसलिए इतिहास मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है भारतीय, भारत को जानने के लिए। आप भारत का इतिहास पढ़ रहे हो, भारत का कल्चर पढ़ रहे हो, भारत की संस्कृति पढ़ रहे हो, भारत के लोगों को पढ़ रहे हो, इससे बेहतर चीज क्या हो सकती है? आपको वर्तमान समझ में आना शुरू हो जाएगा, वर्तमान की पृष्ठभूमि। चलो मुझे नगरीकरण पढ़ना है, मैं नगरीकरण आज से क्यों पढ़ूं?
मैं सिंधु घाटी सभ्यता से निकालता हुआ चला आऊँगा, तब कहीं जाके मुझे स्मार्ट सिटी प्लान समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। मुझे महिलाओं की स्थिति समझना है। मैं आज क्यों समझूं कि महिलाओं की स्थिति खराब है या अच्छी है, मैं शुरू से शुरू करता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि महिलाओं की स्थिति क्यों गिरी, किसने गिराया, कैसे गिरी, प्रारंभ से लेकर अभी तक की कहानी, और कैसे इसे फिर से हमें रिवाइव करना है उसके लिए फिर से, समझ रहे हैं। तो ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच में इतिहास से बढ़ के कोई चीज़ हो ही नहीं सकता। हमें तो इतिहास पे गौरव करना चाहिए, लेकिन लोगों ने, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने इतिहास को बोरिंग सब्जेक्ट बना दिया है। स्टूडेंट के मन में एक भ्रमित धारणा प्रवेश कर चुकी है, इतिहास बोरिंग नहीं होता। इतिहास से इंटरेस्टेड कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, इंटरेस्टेड बनाने वाला होना चाहिए, इंटरेस्टेड करने वाला होना चाहिए, पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए इतिहास को, ठीक है। तो इतिहास मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बिना इतिहास के कुछ नहीं कर सकते। मायने अलग हैं, यूनिवर्सिटियों में अलग तरीके से पढ़ाया जा रहा है, आयोग उस तरीके से जानना ही नहीं चाहता है। अब तो इतिहास को कुछ लिंकिंग प्रोसेस होता है, इतिहास में हर घटना एक दूसरे के साथ लिंक कर रही होती है, हर घटना में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा होता है। गुप्त काल और मौर्य काल में कुछ ना कुछ जो डिफरेंसेस होंगे ना, सिर्फ शासकों के डिफरेंस नहीं है, सामाजिक व्यवस्था का डिफरेंस है, वहाँ पर कल्चर का डिफरेंस है, सभ्यताएँ सांस्कृतिक डिफरेंस से बनती हैं, नहीं सभ्यता कंटिन्यूअस होती है। अभी भारतीय सभ्यता चल रही है, देखो सभ्यताओं में अंतर बताऊं मैं आपको, दक्षिण भारत है आज एक अलग सभ्यता वहाँ पे पल्लवित हो रही है, उत्तर भारत में एक अलग सभ्यता है, पहाड़ों में एक अलग सभ्यता संस्कृति है, नॉर्थ ईस्ट की सभ्यता संस्कृति देखिए बिल्कुल अलग है, नस्ल अलग है, प्रजाति अलग है, जनजीवन अलग है, खान पान अलग है, वेशभूषा अलग है, कल्चर अलग है, उनके मानने के तरीके जानने के सब कुछ अलग है। तो ये सब इतिहास से ही संभव है, इसलिए कभी भी आप इस चीज़ को नेग्लेक्ट करके मत चलिएगा, और कभी ये क्वेश्चन मार्क मत लगाइएगा कि यूपीएससी में इतिहास क्यों रखा गया। इतिहास के बिना आप कुछ नहीं जान सकते, ना भारत के संविधान को जान सकते, ना भारत के भूगोल को जान सकते, ना भारत किसी चीज़ को नहीं जान सकते। आज जब वर्तमान मानचित्र का अध्ययन करते हैं तो ये पढ़ते हैं ना कि पहले पैंजिया था, पैंथालासा सागर था, है ना, इसके बाद धीरे धीरे विखंडन हुआ कार्बनीफेरस युग में, पैंजिया का विघटन हुआ, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, फिर हो, ये सब पढ़ते हो ना आप, इतिहास ही तो पढ़ा, और क्या पढ़ रहे हो आप। ये बहुत ज़रूरी है, जब तक इतिहास नहीं जानोगे कुछ नहीं जानोगे। आपको अपने बारे में गर्व करना है, अपनी पीढ़ियों के बारे में पढ़ो कि आपकी पीढ़ियों में क्या था, कैसे कैसे लोग थे, उन पीढ़ियों से आप गर्व। आज हम अपनी पीढ़ियों को इतिहास में पढ़ के जानते हैं, हम जानते हैं कि भारत में ऐसे ऐसे शासक हुए हैं, समझ रहे हो बात को, है ना। तो इतिहास मोस्ट रिलेवेंट सब्जेक्ट है, मैं उस पर नहीं था, मैं था यूपीएससी की डिमांड पे। यूपीएससी कुछ नहीं, आपसे एक प्रशासक चाहता है, क्या आपके अंदर एक प्रशासक है, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, क्या आप लीड कर सकते हो, क्या आप जब लीडिंग का टाइम पीरियड, लीडर देखो कई प्रकार के होते हैं, प्रशासक के बहुत सारे गुण होते हैं, प्रशासन करना एक कला है, एक आर्ट है, सीखा जा सकता है, आर्ट जो भी होती है आर्ट को सीखा जा सकता है ना। प्रशासन जन्मजात नहीं होता है, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं पेट से प्रशासक बन के पैदा हो गया, प्रशासक सीखा जा, प्रशासन आप सीखोगे, लर्निंग का विषय है प्रशासन। अब देखो प्रशासक कैसे होते हैं, मैं बड़े आसान भाषा में आपको समझाऊँ, जैसे कुछ एग्जाम्पल दूँ, आप हैं जैसे, ठीक है, आप में से आप देखते होंगे जो कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपको है कोई काम कर रहा हो, प्राइवेट सेक्टर में है मैक्सिमम जितने भी हैं, आप गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आप देखते हैं कि हर तरीके के लोग होते हैं, कोई एक ऐसा पर्सन होता है जो ऊपर से दबाव बना देता है और कहता है ये काम होना ही चाहिए, मुझसे मतलब नहीं है, मुझे एक घंटे के अंदर चाहिए तो चाहिए, दो दिन के चाहिए अंदर चाहिए तो चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसे ही लोग होते हैं, ऊपर से दबाव बना देंगे, बॉस के सामने गए, बॉस को देखते ही ऐसा लगता है कि यार ये मुझे खा जाएगा कि मैं इसे खा जाऊँ मिल जाए, तो दोनों चीज़ें होती हैं, इतना डिप्रेशन होता है पर्सन का, लेकिन वो काम करता है क्योंकि काम करवाने वाला प्रशासक ऐसा है, वो बोलता है जो मैं बोल दूं वो सुनना पड़ेगा, मेरी सुनो अपनी मत बोलो, मैं बोल रहा हूँ ना, बॉस इज ऑलवेज राइट, कभी भी बॉस गलत होता ही नहीं है, ये रूल होता है प्रशासन में, बॉस ने कह दिया चीज़ होनी है तो होनी है, ये बॉस के ऊपर निर्भर करता है, प्रशासक के ऊपर निर्भर करता है। ऐसे प्रशासकों की ज़रूरत पड़ती है कभी कभी, लेकिन कुछ प्रशासक अलग होते हैं, ये भी एक प्रकार का प्रशासनिक वर्ग है। यूपीएससी हर तरीके के लोगों को रखता है, सिचुएशन ऐसी होती है इन लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है। एक वर्ग ऐसा होता है, जैसे मान लो आप चार दोस्त हो, चार दोस्त रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, है ना, रेस्टोरेंट में जाएंगे तो चारों दोस्तों के बीच में आपस में एक लड़ाई होती है, किस चीज़ को लेकर के, खाने को विषय को लेकर, एक कहता नहीं यार ये मंगाओ, नहीं यही खाना है, अरे नहीं यही खाएंगे, दूसरे से पूछो भाई कि तुम क्या खाओगे, बोले तुम जो खाओगे वो मैं भी खा लूँगा। देखो कितना अंतर है दोनों में,
प्रशासनिक, मैं आपको यहाँ पे कंपेयर करके दिखा रहा हूँ। एक कह रहा है मैं जो मंगाऊंगा वही खाना पड़ेगा, अरे नहीं ये खाते हैं यार बहुत दिन हो गए, ये नहीं खाया, ये कभी नहीं खाया। एक कहता है जो तुम खाओगे वही खा लेते हैं, जो आप कहोगे वो हो जाएगा। एक सबको लेकर चल रहा है, एक अपनी चीज थोप रहा है ना। एक सबको लेकर चल रहा है, एक अच्छे, कौन अच्छा प्रशासक बन सकता है उनमें से जो सबको लेकर चले। प्रशासक की एबिलिटी है कि पूरी टीम को अपने साथ लेकर चल पाए तो टीम रहेगी, नहीं टीम क्षणभंगुर है। वो प्रशासक जो कह रहा है कि नहीं मेरे मन का खाओ, उसका भी कहीं ना कहीं पे रोल है। जैसे मान लो कभी कभी आप देखते हो जब कभी दंगे होते हैं, आपदाएं आ जाती हैं, तुरंत ट्रांसफर किए जाते हैं। ट्रांसफर इसलिए किए जाते हैं, सब पता है, आयोग बैठे हुए हैं, डीओ आपका ऊपर कार्मिक विभाग है, यूपीएससी है, लबासना है जिसने आपको प्रशिक्षण करके भेजा है, या फिर आपके जितने भी जहां से आप प्रशिक्षण एकेडमी है उनके पास पूरी प्रोफाइल होती है आपकी, उन्हें पता होता है कि कैसा प्रशासक है, कैसा एटीट्यूड है इसका, कहां पर ये कैसा वर्क करेगा, कैसे इसका मेंटल लेवल काम करेगा। तो वहां पर क्या होता है, तुरंत ट्रांसफर इसलिए होते हैं क्यों ऐसे प्रशासक को ले आया जाता है जो प्रशासक उस जगह पर फिट हो जाए। अच्छा दंगा हुआ है ना, दंगे की कंडीशन में क्या ऐसा प्रशासक चाहिए जो सबको साथ में लेके चले? वहां पे तो क्विक डिसीजन, अपनी थोपने वाला बंदा चाहिए, मैंने आदेश दे दिया आपको करना पड़ेगा, ऐसा बंदा चाहिए। तो सबसे पहले चीज आपको अपने अंदर सर्च करना पड़ेगा थोड़ा सा, या नहीं सर्च करना तो हमें लर्न करना है, प्रशासनिक गुण आपके अंदर है या नहीं है, क्या प्रशासनिक एबिलिटी है कि नहीं है, क्या आप सबको ले सकते हैं, क्या अपनी बातों से सामने वाले को आप समझा सकते हैं, डील कर सकते हैं, क्या आप सामने वाले को इतना मोटिव, प्रशासक एक मोटिवेटर होता है, प्रशासक समाज को, अपने वर्क को, अपनी टीम को मोटिवेट करके रखता है। तो बहुत सारी चीजें एक प्रशासनिक गुण के अंदर आती, मैं लिस्ट गिनाने लग जाऊंगा तो प्रशासक के गुण बहुत होते हैं। प्रशासक सत्यनिष्ठ होता है, प्रशासक ईमानदार होता है, प्रशासक कर्तव्यनिष्ठ होता है, प्रशासक अपनी विचारों को सामने वाले के ऊपर थोपता नहीं है, प्रशासक सबको साथ में लेके चलता है, प्रशासक अपने टीम को, ये प्रशासक अभी मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, क्यों झाड़ू उठा लिया, पागल है वो व्यक्ति, प्रधानमंत्री होकर झाड़ू उठा लिया, पागल है वो व्यक्ति जो जाकर के वहां पे किसी के पैर धुल रहा है। प्रशासनिक गुण, प्रशासनिक एबिलिटी दिखा रही है ये कि मैं झाड़ू उठाऊंगा तो मेरी टीम सोचेगी, जब आप कभी किसी काम पे लग जाते हो ना तो टीम तुरंत, किसी काम को प्रशासक छोटा बड़ा नहीं समझता है, किसी व्यक्ति को प्रशासक छोटा बड़ा नहीं समझता है, समझ रहे हैं। प्रशासन एक ऐसा गुण है, प्रशासक एक ऐसा गुण है जो सभी व्यक्तियों को बराबर लेके, प्रशासक के लिए उसकी टीम जान देने के लिए तैयार होती है, ये प्रशासक के गुण पर निर्भर करता है, नहीं तो मौका आने पर उसकी टीम भी इंतजार कर रही होती है कि कब ये हमारे बस में आ जाए, समझ रहे हैं। तो प्रशासनिक गुण आपके अंदर होना चाहिए, पहली बात तो ये। यूपीएससी यही चाहता है कि मुझे हिस्टोरिकल पर्सन नहीं चाहिए, मुझे पॉलिटिशियन नहीं चाहिए, मुझे ज्योग्राफर नहीं चाहिए, मुझे एक प्रशासक चाहिए। तो क्या आपके अंदर प्रशासक है, ये आपको सर्च करना पड़ेगा। क्या आप दूसरे को लीड कर पा रहे हो, कहीं पर लीडरशिप क्वालिटी की चेकिंग। अब आप जैसे छोटी छोटी बातों को उलझ जाते हो, आपस में लड़ जाते हो, थोड़ा सा ज्ञान हो गया भिड़ जाते हो, ये क्या प्रशासनिक गुण है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैंने एक कहानी सुनाई थी यहाँ पे क्लास में, नीली घास और हरी घास वाली। वहां पे एक प्रशासक, देखिए शेर एक प्रशासक है, ऊपर बैठा हुआ राजा है, जैसे सुना था सब लोगों ने, आप लोगों में क्लास में सब लोगों ने वीडियो देखा था वो, ये नहीं देखा हो तो एक बार मैं सुना देता हूँ फिर से ताकि कुछ लोगों को एक बार क्या था, एक जंगल में एक गधा और एक बाघ के बीच में एक विषय को लेकर डिबेट हो गया। जंगल में गधा बार बार कह रहा था कि घास नीली होती है, घास जो है नीली होती है, मैं डेली खाता हूँ, घास नीली ही होती है। बाघ ने कहा मैं खाता तो जरूर नहीं लेकिन डेली चलता हूँ देखता हूँ, घास हरी होती है और मुझे कलर ब्लाइंडनेस भी नहीं है कि मुझे लाल और हरे का मतलब ना समझ में आए, घास हरी ही होती है। दोनों के बीच को बढ़िया होती है ना डिबेट, आप लोगों के बीच में टीवी में देखते हैं ना डेली, बैठते हैं वो आठ लोग पैनल में, कैसा लड़ते हैं, ठीक है, आसपास यदि मतलब अगली बगल बैठे हों तो पता चला सिर फोड़ दें, ठीक है। तो ये कंडीशंस उनके बीच में काफ़ी लंबा चलते रहे, विवाद चलता रहा, दो दिन हो गए, तीन दिन हो गए, आपस में झगड़ते रहे, डेली शाम को मिले बोले घास का रंग पता चला, तो बाघ कहता था हरी होती है, गधा माने ना, गधा कह नीली होती है। लंबी बहस चली और जब देखा कि इसका कोई निर्णय नहीं निकल रहा तो दोनों पहुंच गए जंगल के राजा शेर के पास। शेर के पास पहुंचे, उससे बोले कि साहब
एक विषय को लेकर हम काफ़ी समय से परेशान हैं, और ये बाघ नहीं समझ पा रहा है कि घास नीली होती है। गधे ने बताया, अपना पक्ष रखा, बोला साहब ये कैसा व्यक्ति है, कैसा शागिर्द है, इसको बोलते हैं बड़ा ऊर्जावान है, तेजवान है, इसे इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही कि घास नीली होती है। शेर जो कि प्रशासक था, एक अच्छा प्रशासनिक गुण था उसके अंदर, वो समझता था कि किसके साथ बात कर रहा है। उसने तुरंत बोला कि हाँ बिल्कुल घास नीली होती है, बिल्कुल घास नीली होती है। गधा खुश हो गया, उमंग हो गया, क्या बात है, मेरे पक्ष में डिसीजन आया। राजा ने बाघ को, अब बाघ की बात आई, बोला सर इसे सजा दीजिए, 3 दिन से मेरा टाइम खराब कर रहा है। तो बाघ को बोला 1 साल के इसको जंगल से निकाला दिया जाता है, यहाँ से बाहर किया जाता है। बाघ ने कहा कि साहब मैं निकल तो जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बात बताइए, जब गधा चला गया, गधा जाके जंगल में चिल्लाने लगा बाघ हार गया, बाघ हार गया, खुश हो गया उतनी बात से। इधर बाघ ने कहा कि साहब मुझे ये बताइए कि आपको पता है कि घास हरी होती है, आप इतनी, आप राजा हैं, आपका न्याय अच्छा होना चाहिए, और आप इतनी सी बात को, है ना। उन्होंने कहा मैंने इसलिए तुझे सजा नहीं दी है कि घास नीली होती कि हरी होती है, मुझे भी पता है, सबको पता है घास हरी होती है, मैंने इसलिए तुझे सजा दी कि तू बहस किससे कर रहा था, तुझे पता होना चाहिए कि गधा है, यदि मैं अभी बोल देता कि घास हरी होती तो मुझसे भी बहस करने लगता। तो एक प्रशासक ने क्या किया, तुरंत मुद्दे को शांत कर दिया, उसे पता है कि बाघ है, इसको मैं समझा ले जाऊंगा, मैं गधे को क्यों समझाऊं। बाघ को चुपचाप बोला, वो देखो खुश होकर चला गया, अब मुझसे कोई बहस नहीं किया ना उसने। तो एक बार आपको पता होना चाहिए कि आप किससे बात कर रहे हो, यदि आपको ये चीज नहीं पता ना, तो आप जिंदगी भर क्या होगा, आपस में उलझे रहोगे। एक छोटे से मुद्दे को लेकर के थोड़ा सा ज्ञान हो गया, अरे नहीं तुम्हें क्या पता, मैं तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, अरे तुम्हें क्या पता, अरे भैया आपको पता भी हो किससे बहस कर रहे हो, क्या आप रिक्शे ठेले वाले से बहस करने के लिए निकले हुए हो, क्या रेलवे स्टेशन उस आदमी के लिए जो सुबह से शाम तक, आप एक सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आप फैक्चुअल डाटा पे बात करते हो, आप एक प्रशासनिक क्षमता रखते हो, मामले को सुलझाने की बात रखते हो, शेर की तरह आपको हर जगह पे शांत हो जाओ, उसी को थोड़ी देर के लिए जिता दो, उसके कहने, क्या शेर के कहने से घास नीली हो गई, लेकिन उसने बड़े मुद्दे को तुरंत सुलझा दिया, 1 मिनट में सुलझ गई बात। ये क्वालिटी प्रशासक की होती है, प्रशासक बड़े से बड़े मामलों को छोटे में समझा देता है, सुलझा देता है। शायद आप समझ चुके होंगे कि प्रशासक कहते किसे, प्रशासक व्यर्थ की बहसों में नहीं पड़ता है। तो यूपीएससी सिर्फ और सिर्फ प्रशासक ढूंढता है, जिसके लिए उसने बहुत सारे तरीके बनाए हैं, एक सिलेबस बना दिया है, सिलेबस के कई चरण रख दिए हैं। अब जैसे कि निगेटिव मार्किंग, किसी ने कहा था कि निगेटिव मार्किंग क्यों रखी गई, इसका भी एक रोल है। देखिए क्या होता है, कई बार निगेटिव मार्किंग क्या दिखाता है, कई बार आपको कुछ चीज़ें पता नहीं होती, हमें नहीं पता होती बहुत सारी चीज़ें, अभी आप मुझे बहुत सारी चीज़ें बताएंगे तो मुझे नहीं पता होगा, आपको मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा आपको नहीं पता होगा, हमारे अंदर की एक लालसा होती है, जब कभी डिस्कशन चालू होता है तो हम तुरंत बोलना चालू कर दें, पता हो चाहे ना पता हो जानकारी। और मेरे हिसाब से बोलता ज़्यादा वही आदमी है जिसको पता नहीं होता, वो ज़्यादा बोलेगा, जिसको पता होता है वो शांत रहता है, चुप रहता है, वो कहता है कि हाँ चलो ठीक है यार बोल देता। जिसके पास कम ज्ञान होता है वो खूब छलकता है, खूब छलकता है उसका, वो मेरी बात समझ पा रहे हैं आप। तो यूपीएससी ने कहा कि ये चीज़ चेक कर लेते हैं एक बार, आप एग्ज़ाम में गए, पेपर आपके सामने आया, आपने देखा कि एक क्वेश्चन आपको आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा, जो नहीं आ रहा क्यों हल कर रहे हो भाई, हल करोगे तो दंड मिलेगा, निगेटिव मार्किंग छोड़ दो उसको, साफ सीधी सी बात, जो जो आ रहा है ईमानदारी दिखाओ, यूपीएससी आपकी ईमानदारी देखता है, आपको आ रहा उतना ही बता रहे हो, जितना आपको आ रहा उसी विषय में बोल रहे हो, जो विषय नहीं पता क्यों बहस कर रहे हो भाई, क्यों उस पर टिक करने की कोशिश कर रहे हो। निगेटिव मार्किंग आपको दंड दिया जाता है, आपको नहीं आता था फिर भी आपने लगाया, इसलिए आपको दंड देने के लिए माइनस मार्किंग बनाया गया है, समझ रहे मेरी बात को, समझ गए क्यों माइनस मार्किंग है। आपको यदि कोई चीज़ नहीं आता तो उस पर बहस में, ये प्रशासक का गुण नहीं है, प्रशासक को ऐसा नहीं करना चाहिए, यदि प्रशासक को कोई चीज़ नहीं आती तो उसको पहले जानना चाहिए और जानने के बाद फिर उस पर बात करनी चाहिए। कभी जाएंगे तो हमेशा प्रशासक आपसे कहेगा अभी ये विषय मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं पहले इस पर जानकारी ले लेता हूँ फिर आपसे बात करूँगा, 90% आपको ना ही करेगा,
कभी भी प्रशासन में कभी अधिकारियों के पास जाइए तो 90% आपको ना करेंगे, हाँ नहीं बोलेंगे, हमेशा कहेंगे जांच की जाएगी। वस्तुनिष्ठता, आपको पहले चीज़ों को देखना, ऑब्जेक्टिविटी करना है, पहले जानना, उसके फैक्चुअल आंकड़े जानने, पागलों की तरह बहस नहीं शुरू कर देनी। UPSC ने इसलिए माइनस मार्किंग रखी है, समझ रहे मेरी बात को, है ना। तो हमने पहली बात समझी डिमांड, अभी बाकी स्ट्रेटजी पे चलते हैं। डिमांड है एक प्रशासक होना आपका, ये डिमांड है और बाकी कुछ नहीं है। नहीं तो PhD होल्डर बन लेगा, गोल्ड मेडलिस्ट बन लेगा, वो सब नहीं चाहिए उसे। इसलिए एक IITian पर्सन यहाँ पर आकर जीरो हो जाता है, यहाँ पर एक बहुत टॉपर जो होगा गोल्ड मेडल वो भी आकर जीरो हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए प्रशासन वाली। एक साधारण पृष्ठभूमि का बच्चा जो BA करके आया वो भी यहाँ पर टॉप कर जाता है। यूपी बिहार के लोग क्यों निकलते हैं ज़्यादा, एक तो सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास अवसर कम है। हमारे पास ऐसा नहीं कि हमारे बाप दादा ने बहुत बड़ा बिजनेस बना दिया हो, है ना। हमारे पास जनसंख्या भी ज़्यादा है, अवसर भी कम है, तो हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही उपक्रम दिखता है, वो भी है गवर्नमेंट का सरकारी उपक्रम, कि इसी में इंटर कर जाते हैं और यहीं पर अपने आप को हम फिट कर लेते हैं। तो यहाँ का बच्चा, अब गुजरात का बच्चा है घर पे बढ़िया जो है, मोटा भाई सब बना के फिट करके घर वाले सेट कर दिए हैं, पूरा बिजनेस मैंने फॉरेन जाना है, घर का बिजनेस सब विदेशों तक फैला हुआ है। महाराष्ट्र में भी यही कल्चर है, तो वहाँ के लोगों का झुकाव कम होता है, कुछ ही चुनिंदा लोग होते हैं जिनको उधर फिर लगता है कि चलो प्रशासन में जाते हैं वो आते हैं। यहाँ बच्चों के अंदर क्रेज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं क्रेज़ होने के, ठीक है। एक क्रेज़ ये भी कारण है क्योंकि हमारे पास अवसर कम है, यदि हमारे पास दूसरे अवसर होते तो शायद हम इस पोस्ट में नहीं आते। दूसरा एक अट्रैक्शन, एक जुनून है यहाँ के लोगों में, यूपी बिहार के लोगों में एक बड़ा जुनून है। ऐसा नहीं सिर्फ यूपी बिहार, लेकिन एक बड़ी संख्या आती है देखने को मिलता है, ठीक है। तो UPSC आपसे चाहता है एक प्रशासनिक, अब आपको ये करना है कि आपके अंदर एक प्रशासक का एक शांत स्वभाव आए, एक ऐसा व्यक्तित्व आए जो सबको अच्छा लगे, मनमोहक लगे, जो सबको मैनेज कर दे, बड़ी से बड़ी समस्याओं को आसान बना दे। प्रशासक समस्या के पक्ष में नहीं होता, प्रशासक समाधान के पक्ष में होता है। प्रशासक कमियां नहीं देखता, प्रशासक उसके कमियों को ख़त्म करने का उपाय बताता है, समझ रहे हैं। यदि आपके अंदर प्रशासक है तो हमेशा समाधान ढूंढेगा समस्या नहीं। अब अपने आप को इंगित करना शुरू कीजिए, आप अपने आप में देखना शुरू कीजिए कि आपके अंदर क्या है। क्या आप समस्याओं को ज़्यादा इंगित करते हैं, अरे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, क्या आप हमेशा समाधान देखते हैं। यदि समाधान देखते हैं तो आपके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, प्रशासनिक गुण है। यदि आप हर चीज़ पर कमियाँ निकालते हो तो आपके अंदर प्रशासनिक क्षमता नहीं है, उसको आपको विकसित करना पड़ेगा, विकसित करने से आ जाएगा। ये चीज़ आप देख लीजिए। यदि आप छोटी छोटी डिस्कशन में फंस जाते हो तो आपके अंदर प्रशासनिक क्षमता नहीं है। प्रशासक को पता होता है किसे मुंह लगाना है, किसे मुंह नहीं लगाना है, किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है। यदि आप सबको लेकर चलते हैं तो आपके अंदर प्रशासनिक क्षमता है। यदि आप बड़े बड़े मुद्दों पर सोचते हैं तो आपके अंदर प्रशासनिक क्षमता है, समझ रहे हैं। अब सर्विस यहाँ पे अपने घर की नहीं करनी, देश की करनी है, तो कम से कम आपके अंदर राष्ट्रीय भावना भी होनी चाहिए। राष्ट्रीय भावना ऐसी हो जो राष्ट्र के उत्थान की बात करे, देश के विकास की बात करे, देश के डेवलपमेंट की बात करे। ये नहीं कि जाऊँगा तो मारूंगा तो पूरे देश को खोखला कर दूंगा, अंदर से जाना है तो पहले जो मैं मतलब बड़ा अजीब लगता है, जब मुखर्जी नगर में था तो वहाँ पे BTech के दो चार बच्चे थे, वो UPPCL की तैयारी करते थे, और जब कभी उनके डिस्कशन सुनता था तो बड़ा अजीब लगता था। वो क्या बोलते थे कि भाई जैसे ही जॉब लगेगी 3-4 ट्रांसफार्मर पार कर देने हैं, समझ लो। अब उनकी मेंटेलिटी अभी से है, बोले बड़ा शोषण कर दिया इन्होंने, खूब मेहनत करते थे, खूब पढ़ते थे, लेकिन कहते थे बस जॉब जैसे रिजल्ट आता है 3-4 ट्रांसफार्मर ऐसा पार करेंगे, पुर्जा नहीं उसका पता चलेगा और उसी से पूरा खर्चा निकालेंगे पूरा। तो ऐसी मेंटेलिटी नहीं होनी चाहिए कि प्रशासन में जाने के बाद मारेंगे तो वहाँ का ऐसी घर पे वहाँ का सामान सब ऑफिस का सामान घर पे रखा हुआ है, पता चला गाड़ी आपके लिए दी गई है, बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही है ना, वो बच्चे के लिए नहीं दी गई है, गाड़ी आपके लिए दी गई है, आप जब दौरे पे जाएंगे उसके लिए गाड़ी है। तो आपके अंदर एक ईमानदारी होनी चाहिए, देश के डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, ये भी सब चीज़ें ये जरूरी। अब UPSC इनको चेक करता है, इसलिए इथिक्स का पेपर लेकर आया है। यदि आपके अंदर करप्शन का कीड़ा है तो निश्चित रूप पे आप नहीं हो पाएंगे। शुरुआत में अब ऐसा तरीका सेट कर दिया गया है, क्वेश्चन में आपके दिख जाएगा, आपकी बातों में दिख जाएगा भ्रष्टाचार, ईमानदारी आपकी खत्म हो जाएगी। अब जैसे ईमानदारी क्या है, ईमानदारी बड़ी आसान बात है, आप तैयारी करना शुरू कर रहे हैं तो आप शॉर्टकट में क्यों जा रहे हैं। प्रशासक पूरा प्रोसेस जाता है, आप पूरे सिलेबस को पढ़िए, कोई भी चीज़ छोड़ के ना जाइए, इसी से भी पता चल जाता है कि आप ईमानदार हो कि नहीं हो। आप पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़िए तो आपकी ईमानदारी पता चल जाएगी।
आपको ईमानदार रहना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए, समझ रहे हैं? ये मतलब बहुत क्लियर है, बहुत बेसिक है, अब चीज़ें नहीं हो पाएंगी, पहले था और पहले भी नहीं था देखा जाए, हमें लगता है वो तो दबाव होता है, शासकों का दबाव जाता है। देखो ओवरऑल एक चीज़ समझो, प्रशासक किसी देश सेवा के लिए नहीं जाता, प्रशासक सिर्फ शासन में जो शासन द्वारा नीतियां तैयार की जाती हैं उन नीतियों को ही लोगों तक पहुंचाने के लिए जाता है, बस और बस। आप आईएएस बनके कोई तोप नहीं काम कर देंगे, ऐसा नहीं कर देंगे कि आप जो है कैंप लगा देंगे, अस्पताल खुलवा देंगे, आप स्कूल बनवा देंगे, वो कुछ नहीं करेंगे आप, वो काम आपका नहीं, वो शासन का काम है। शासन स्कूल बनवाएगा, शासन अस्पताल बनाएगा, आपका काम है शासन ने जो स्कूल के लिए जो हॉस्पिटल के लिए पॉलिसी बनाई उसको इम्प्लीमेंट कर देना, आपका काम है कि कारगर तौर पर हॉस्पिटल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसलिए यहाँ पर कोई बहुत बड़ी देश सेवा आप नहीं करते हो, वो काम शासन का होता है, वो उनका नेताओं का काम है, हमारा काम है जो सरकार ने बनाया उसको इम्प्लीमेंट करना। प्रशासक लोकतांत्रिक व्यक्ति होता है, आपको प्रो कॉन्स्टिट्यूशनल होना पड़ेगा, अपनी विचारधारा को संविधान के साथ मैच करानी होगी, ऐसा नहीं कि आप संविधान से मैच ना हो, आपकी पूरी की पूरी विचारधारा संविधानिक होनी चाहिए। ये भी आपकी UPSC ये सब चीज़ें चेक कर लेता है, आपके आंसर राइटिंग में, आपके इंटरव्यू में ये सब चीज़ें आपकी चेक हो जाएंगी, सब चेक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ बचेगी नहीं, पूरा पर्दाफाश हो जाता है वहाँ पे, एक भी एक एक बात से, आपके एक एक शब्द से। आप आधे घंटे किसी के साथ मिलते हैं उससे बता देते हैं यार ये आदमी सही नहीं है, बड़ा करप्ट आदमी है, बड़ा भ्रष्ट आदमी है, कैसी कैसी बातें कर रहा था बहकी बहकी, वहाँ तो स्पेशलिस्ट बैठते हैं, वहाँ पे तो आपकी उत्तर कॉपी जो चेक करते हैं, आप जब लिख के आते हो एक पेपर में 4000 शब्द लिख के आते हो तो 4000 शब्दों में दिख जाता है कि आप कितना झूठ बोल रहे हो कितना सही बोल रहे हो। अब जैसे कि मान लो आपने कोई क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नहीं आता था फिर भी लिखा, क्या पर्सनालिटी शो कर रही है आपकी, क्या पर्सनालिटी शो कर रही है? पूछा कुछ और गया था, लिख कुछ और करके आए, क्या पर्सनालिटी शो कर रही है आपकी कि आप फ्रॉड है, आप ईमानदार नहीं है, आप चीजों को समझ नहीं पाते, आपसे कुछ और पूछा जाता है, आप कुछ और लिख के आता, बड़ी कंफ्यूज पर्सनालिटी है। सब कॉपी ये इतिहास तो देख पढ़ ही रहे कि इतिहास का उत्तर क्या दे रहा है, लेकिन उन सब चीज से आपका पर्सनालिटी पता चल रहा है। आप बड़ा कटिंग पिटिंग करके आए, उससे भी पता चलता है यार बड़ा उलझा हुआ आदमी है, इसे क्लियर नहीं हो रहा क्या लिखूं, कब काटूं, क्या लिखूं, क्या कौन, ये तो बड़े डिसीजन चेंज करता होगा, पहले डिसीजन लेता होगा फिर चेंज करता होगा, फिर डिसीजन लेता होगा फिर चेंज करता होगा, कटिंग पिटिंग से पता चल जाएगा। आप बड़ा साफ सुथरा लिख के आए, आप बड़ा व्यवस्थित लिख के आए, आप चीज़ों को बड़ा क्रमबद्ध लिख के आए, बोला बड़ा सुलझा हुआ व्यक्तित्व है इसका, देखिए कितना सुलझा हुआ है पर्सनालिटी में, सब दिख रहा है आपकी कॉपी में, आपकी पूरी पर्सनालिटी उतर के आ जाती है कॉपी में, ये आपको लगता है, आयोग सब समझ लेता है, ठीक है? तो उसे चाहिए एक सुलझा हुआ व्यक्ति जिसके अंदर प्रशासनिक गुण हो, ये है UPSC की वास्तविक डिमांड, समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, शायद समझ गए होंगे, बाकी जो नहीं समझे वो समझ लें कि है ना, टाइम लगेगा समझने में। दूसरा सिलेबस एक बड़ी विषय वस्तु है, मैं डिस्कस करूंगा, सिलेबस मेरे पास है, आप लोग पास नहीं है, है ना, है कि नहीं है? चलो जिनके पास नहीं है अभी मैं आ जाएगा, अभी रहने दो, सिलेबस अभी डिस्कस नहीं होगा, तो सिलेबस डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स की भूमिका पहले इस पे बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक? देखो क्या था, आज का तो आयोग बना नहीं है कि ताज़ा 2019 में बनाया गया, आयोग तो बड़ा लंबे समय से बना है ना, है ना, आज़ादी से ही भारत में प्रशासनिक सेवाओं को चयनित कर रहा है। आप खुद ज़्यादा पीछे मत जाइए, मैं कह रहा हूँ 1990 से उठाइए, 1990 से अभी तक के आयोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए, चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो, है ना, ये दोनों क्वेश्चन आप उठाएंगे तो उठाने के बाद एक चीज़ पाएंगे, यदि जो बंदा एक कर पाए तो बड़ी बात है। इसलिए मैं आपको आज यही सलाह दूंगा, जब मैं स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा और ये चर्चा करूंगा एग्जाम दे ना दे तो मैं समझा दूंगा आपको कि कैसे शुरुआत की जाती है, यदि आप समझ जाएंगे तो बहुत अच्छे से चीज़ें हो जाएंगी आपकी। जब आप देखेंगे पिछले 25-30 साल के क्वेश्चन तो आप पाएंगे कि 25-30 साल में आयोग ने सब पूछ डाला है, कुछ बचा ही नहीं पूछने योग्य, सब खत्म, एक भी टॉपिक उसने, कुछ टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे नहीं गए या किसी विशेष टॉपिक पे ज़्यादा बल दिया है, तो आयोग के पास आज के समय में पूछने के लिए कुछ विशेष बचा नहीं है GS वाले टॉपिक से, स्टैटिक वाले सेक्शन से। स्टैटिक वाले सेक्शन से क्या बचा? मौलिक अधिकार सब पूछ डाला, DPSP से पूछ डाला, प्रेसिडेंट से पूछ डाला, पार्लियामेंट से पूछ डाला, सब पूछ डाला, 50 चीज़ों से पूछ डाला उसने क्वेश्चन, हिस्ट्री से पूछ डाला, पॉलिटी पूरी ज्योग्राफी सब पूछ डाला 25-30 साल में। अब क्या पूछे? कुछ नया पूछे, और नए का मतलब करंट अफेयर्स होता है, नया पूछे या अप्लाइड सेक्शन पूछे। मान लो आप फंडामेंटल राइट पढ़ते हो, लेकिन फंडामेंटल राइट का एप्लीकेशन सेक्शन क्या है?
जो अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे अधिकार से जुड़े हुए मुद्दे आ रहे हैं, कोई केस आ रहा है, कुछ हो रहा है, वो सब करंट की घटनाएं हैं। वो अब एप्लीकेशन पूछता है, वो ये जानता है कि इस बच्चे को थ्योरेटिकल नॉलेज तो है लेकिन क्या व्यवहारिक नॉलेज भी है। तो वो एप्लीकेशन यानी करंट समसामयिक घटनाओं को आपके सिलेबस से जोड़ करके पूछना पसंद करता है आयोग में। इसीलिए करंट अफेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है, करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है, लगातार करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। 50% रेशियो प्री और मेंस में करंट अफेयर्स का हो चुका है, लेकिन पहले थ्योरी जाननी पड़ेगी आपको। जब तक आप पूरी थ्योरी नहीं पढ़े होंगे, करंट से आपका कोई वाकया कराया भी जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे, आप लिंक नहीं कर पाएंगे, आपको इतिहास जानना ही पड़ेगा। मैंने बताया ना, आज यदि किसी कोई घटना हो रही है उसे समझना है। अब जैसे बाबरी मस्जिद, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी राम जन्मभूमि को लेकर के एक समिति गठित की गई है ना, मध्यस्थता समिति गठित की गई। उसका काम है कि आपस में दोनों पक्षों को बैठा करके इस मुद्दे का समाधान लेना। देखो, कोर्ट इस इशू में नहीं जाना चाहता है, धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है, चूँकि भारतीय संविधान ही कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अब चूँकि ये मुद्दा इतना गहमा गहमी में आ गया, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन के रह गया, तो कोर्ट चाहता है कि कोई बीच का मार्गिन निकल आए। वो तो अपना डिसीजन सुना देगा, है ना, बोल देगा यहां पे ये होना चाहिए, यहां पे ये होना चाहिए। हाई कोर्ट ने सुनाया ही था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बड़ा सुलझा हुआ। सुप्रीम कोर्ट चाह रहा है कि इसका आपस में ही विवाद खत्म हो जाए, आपस में ऐसा ना हो जाए कि फिर कभी दंगे की स्थिति बन जाए, कोई पक्ष ऐसा समझ में आ जाए, तो क्योंकि कुछ भी हो सकता है, भारत जैसा देश है, तो वो बीच का मास्टर। इसके लिए आपको पूरे इतिहास में जाना पड़ेगा, उसके पढ़ना पड़ेगा, बाबरी मुद्दा क्या था, बाबरी मस्जिद का कैसे कैसे कहाँ से विवाद चालू हुआ, क्या मुद्दा निकल के आया, क्या क्या घटनाएं हुई। कोई भी इशू उठा लीजिए, महिलाओं को लेकर के आज बात हो रही कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिलना चाहिए पार्लियामेंट में, लेकिन आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा कि भारतीय संविधान में कब कब कहाँ कहाँ पर महिलाओं के लिए चीज़ें दी गई हैं, है ना, क्या क्या उनके राइट्स हैं, इतिहास और संविधान में कब कब चीज़ें होती रही हैं, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े आप नहीं कर पाओगे, कैसे कर पाओगे बताओ। आपको थ्योरी पढ़नी ही पड़ेगी, फिर एप्लीकेशन पे आएंगे, ठीक। तो करंट की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आयोग को नए क्वेश्चंस बनाने हैं, एप्लीकेशन सेक्शन पूछना है, करंट अफेयर्स के बिना बात नहीं बनेगी, लेकिन थ्योरी भी पढ़ना है, दोनों चीज़ों को पढ़ के फिर करंट पे आ जाना है, ठीक। ये बात समझ में आ रही मेरी, ठीक है। अब कहाँ से पढ़ें ये सब अलग की बात है, मैं पूरा सोर्स लिखवाऊंगा, एक एक किताबें आपको लिखवाऊंगा कि क्यों ये चीज़ें हैं, ठीक है। हर चीज़ को मैं बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से बता रहा हूँ, ये चीज़ें बिल्कुल फिक्स हैं, ये हो रही हैं। आज के टाइम पे जाइए, कोई भी आयोग उठा के देखिए, 50% करंट बेस्ड हो चुका है। अगली बात है, ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करें, इसे सबसे बाद में रखते हैं, इसके पहले जाते हैं हम लोग, एग्ज़ाम दें या ना दें, एग्ज़ाम देना चाहिए नहीं देना चाहिए, एग्ज़ाम कब देना चाहिए, ये एक बड़ी विषय वस्तु है। देखो, आमतौर पर जो प्रवृत्ति देखी जाती है UPSC वगैरह में, कि बच्चा आता है पैदा होते ही चलना चाहता है, वो भागना चाहता है, पैदा हुआ पैदा होता ही चाहता है कि ना मैं मेरी मालिश की जाए ना कुछ की जाए, बस मैं खड़ा हो जाऊं और भागना शुरू कर दूं। यदि कोई बच्चा पैदा होते ही इतनी बुद्धि, भगवान उसका दिमाग इतना विकसित कर दे कि बस चलना चाहे, भागना चाहे, मालिश वालिश ना कराना चाहे, क्या होगा उस बच्चे का, निपट जाएगा, मर जाएगा, डेथ कर जाएगा, सेकंड नहीं लगेंगे, है ना। आप लोग यदि अभी अभी विचार लेकर आए हैं कि मुझे UPSC करना है, यदि अभी अभी ही आपके दिमाग में कुछ चीज़ जन्मी है, या फिर अब तक आप एक प्रॉपर गाइडेंस में काम नहीं कर रहे थे, या फिर आपने प्रॉपर जो आयोग ने सिलेबस बनाया है उस सिलेबस को आपने पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं किया, तो मैं आपको सही सलाह यही दूंगा कि पहले भूल जाइए ISPCS जैसी कोई चीज़ है, उसके बारे में जान लीजिए, ठीक है। अब पागलों की तरह उस सिलेबस को पढ़ के, उस पर रिसर्च करके, उससे जुड़ी हुई जितनी अध्ययन सामग्री है उसको लेकर के उसको समाप्त करने में लग जाना चाहिए, उसे कंप्लीट करने में लग जाना चाहिए। यानी पहले पूरी तेल मालिश करवानी है, फिर धीरे धीरे क्रॉल करना है, फिर खड़े होना है, फिर चलना है, फिर भागना है। जब भागने की कंडीशन में आ जाएं, फिर जा करके हमें एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम आज ही नहीं दे देना, कल ही एग्ज़ाम नहीं दे देना आपको। फॉर्म आया, फॉर्म आते क्यों पागल हो जाते हो भाई, अभी तक क्या हो गया था आपको, फॉर्म आते ही लोग पागल, लोअर पीसेस का आ गया उसमें पागल हो जाओ, BDO का आ गया उसे पागल हो जाओ, लेखपाली का आ गया उधर पागल हो जाओ। अरे भैया, पहले सिलेबस तो पढ़ लो, नहीं कुछ नहीं निकलने वाला आपसे। हर चीज़ का एक पर्टिकुलर सिलेबस है, उस सिलेबस के दौर से आपको गुजरना ही पड़ेगा, बिना सिलेबस पढ़े कुछ नहीं हो सकता है। सिंपल और आसान भाषा में आपको चीज़ समझनी चाहिए, मेरी बात समझ रहे हैं।
सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, एक साल लग रहा है आपको, अब आपके योग्यता के ऊपर है आप कितना समय लेते हैं सिलेबस कंप्लीट करने में। किसी को एक साल लग जाता है, किसी को डेढ़ साल लग जाता है, किसी को दो साल लग जाता है, कोई छः महीने भी कर लेता है। आपकी पर्सनल योग्यता, कितना आप इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं। तो दिमाग से पागलों की तरह आईएस पीसीएस हटाओ, ख़त्म करो। वो जो लिख रखा है दीवारों में आईएस पीसीएस, ये सब मोबाइलों में फेसबुक में ज्वाइन कर रखा है, बहुत सारे पेज है, सब छोड़ो, पागलपन है ये। पूरा पागलपन इस पे उतारो, सिलेबस पे उतारो। सिलेबस को पागलों की तरह पढ़ना शुरू कर दो। किताबें उठाओ, इनकी किताबों को ख़त्म करना शुरू कर दो, इनको रिवाइज करना शुरू कर दो। यानी कि हमें सिर्फ थ्योरेटिकल सेक्शन पर काम नहीं करना, हमें हमारा लक्ष्य होना चाहिए सिलेबस कम्प्लीट करना, ना कि आईएस बनना। आईएएस का जब सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, उसकी योग्यता धारण कर लोगे, वैसे भी आप बन गए। आयोग चयनित करे चाहे ना करे, वो तो आयोग एक डेट मुहर लगा देता है, मुहर लगा दिया आप आईएएस बन गए। लेकिन आप पहले योग्यता तो धारण करो, बिना इसके कुछ नहीं हो सकता। बच्चा ये नहीं करता है, सिलेबस उसे जानना ही नहीं है, उसे पढ़ना नहीं है, उसको इच्छा ही नहीं करती, उसका दिल ही नहीं कर रहा। मैं आप लोगों को सभी को यही सलाह दूंगा कि हमारा पहला लक्ष्य जो होना चाहिए, दिमाग से सब लक्ष्य हटाओ, सब हटाओ, साइड रखो, कब एग्जाम देना है क्या देना है वो एक तरफ रखो, पहले अच्छे से इत्मीनान से पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा टारगेट है, यही मेरा विचार है। यदि ये लक्ष्य और ये विचार लेकर मैं चलूँगा, मुझे सफल होने में टाइम नहीं लगेगा। डेढ़ साल बाद मैं पाऊंगा कि मैं एक सही कंडीशंस में हूँ, मेरे अंदर तनाव कम है। नहीं तो आप ऐसा तनाव बना लोगे, आप जिम जाते हो 15 दिन में ही आपको बॉडी बनानी होती है। हाँ, 15 दिन में कितना कितना दबाव हो जाएगा आपके पास। भाई पुशअप जो चालू होते हैं ना, 5 से चालू किए जाते हैं, 5 से 10 में जाते हैं, 15 में जाते हैं, 20 में जाते हैं, 25 में जाते हैं, 30 में जाते हैं। पहले दिन में 100 पुशअप मार दोगे तो इसके बाद 15 दिन उठ नहीं पाओगे आप, समझ रहे हो। तो हमें ऐसे ही इसमें भी करना, शुरुआत धीरे से करनी है, फिर फास्ट हो जाना। पहले अपना स्टेमिना क्रिएट करना। अभी आप लोग हैं, बैठने का स्टेमिना नहीं है। आयोग में 6 घंटे बैठ करके डेली का एग्ज़ाम देना होता है आपको, 6 घंटे प्रतिदिन एग्ज़ाम होते, 3-3 घंटे के 2 सेशन। उतनी एबिलिटी होनी चाहिए, लिखने की एबिलिटी डेवलप होनी चाहिए। वहाँ लिखना होता 4000 वर्ड, भाई मजाक नहीं होता, वहाँ पे 4000 वर्ड लिखना होता है, 4000 वर्ड, ऐसे वर्ड जिसमें पूरे क्वेश्चन को फ्रेम करना है। ऐसा नहीं था कि मैंने 20-20 पढ़ के आया और वही 20 क्वेश्चन में 5 फंस गए और उन्हें लिखना है। तो उसके लिए पहले पूरी तैयारी करनी होती है। एक ऐसा युद्ध में जा रहा हो जहाँ पे आपके हाथ में कुछ नहीं है, कोई भी अस्त्र नहीं है, दुश्मन बड़ा मजबूत है, उसके पास बड़ी बड़ी तोपें हैं, गने हैं, सब कुछ है। अरे तो भाई उतने लेवल की तैयारी हमें भी तो करके जानी होगी। यदि निहत्थे चले जाओगे तो कायदे से कुट के आओगे, हो सकता है जान भी निछावर हो जाए आपकी, फिर शहीद नहीं कहे जाओगे, आप भी बेवकूफ कहे जाओगे। तो यूपीएससी में जाना है तो पहले उसको जानो कि उसको क्या क्या हथियार लेके जाने पड़ेंगे। बिना हथियारों के युद्ध में कैसे कूद रहे हो आप? बिना हथियार के कोई कूदता है क्या? पागल ही होता है वो, या तो दिमागी रूप से सनकी है, मेंटल है, है ना। तो पहले पूरे अस्त्र इकट्ठा कर लो। अस्त्र क्या है? मेरा पॉलिटी एक अस्त्र है, हिस्ट्री एक अस्त्र है, उसने बता रखे हैं सारी चीज़ें, है ना। ये चीज़ें इकट्ठी कर लो और फिर जाओ। कितना सशक्त दुश्मन होगा, क्या पूछोगे? पूछो जो पूछना है, आराम से लिख के आओगे। स्पीड मेरी उतनी अच्छी है, मेरा बैठने का एक मेरे पास सब कुछ है, ओके। जाओगे बिना दिमाग में दबाव डाले हुए, तनाव डाले हुए एग्जाम दे के आओगे। क्यों दबाव तनाव पैदा करते हैं आप अपने दिमाग में, क्यों पैदा करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। कौन कहता है दबाव? पिताजी कहते हैं। पिताजी कुछ नहीं कहते भाई, पिताजी अभी 25 साल तक झेल रहे थे, आगे 25 और झेल लेंगे, और वो आपके 25 झेलने से पहले निपट भी लेंगे। वो कहेंगे बेटा वो अपना देख लो, मैं तो जा रहा हूँ, मेरा टाइम पूरा। पिताजी कुछ नहीं कर रहे थे, ना माता जी कुछ कर रही हैं, वो तो आप खुद ही अपने ऊपर काल बने बैठे हुए हो। जो दबाव बना रहे हो ना, आप खुद जिम्मेदार हो इसके दबाव के, कोई जिम्मेदार नहीं है। आप पागल हो, तुरंत चाहिए, तुरंत चाहिए, बना लिया है मजाक आपने। पढ़ना नहीं चाहते, रेगुलरिटी नहीं है। अरे पहले ले आओ। देखो एक चीज़ बताऊँ, इस एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले, चाहे पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, यदि पहले कुछ मन में हो कि मुझे ये भी करना है, ये भी, पहले वही कराओ भाई, पहले उसे कराओ अच्छे से, फिर आना इसके पास। इसे प्रॉपर टाइम चाहिए, पूरा होल सोल माइंड चाहिए, ऐसा माइंड जो बिल्कुल संतुलित हो, खुला हो, दिमाग फोकस्ड हो, नहीं तो कुछ नहीं होगा। कल के दिन एक एग्जाम्पल बन के रह जाओगे समाज में कि देखो उसने तैयारी की थी और अनसक्सेसफुल हो गया। ये वही लोग हैं जो अनसक्सेसफुल हैं, इन्होंने एग्जाम्पल क्रिएट कर दिए हैं।
इन्होंने कभी मेहनत नहीं की प्रॉपर, इन्होंने 50 चीज़ों को एक साथ लेकर चले। यदि अभी भी आपका मन फेसबुक में ज़्यादा है, व्हाट्सअप सब करना है, फेसबुक भी चलाना है, व्हाट्सअप भी चलाना है, यूट्यूब पे भी रहना है, लेकिन सब कुछ संतुलित होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, हर चीज़ का सामंजस्य होना चाहिए तो ठीक है। यानी कि 1 से 1.5 साल की एक कठोर दिनचर्या, कठोर तपश्चर्या के रूप में आप इसे मान सकते हो या फिर इंजॉय भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। इंजॉयमेंट के साथ भी पढ़ा जा सकता है, कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है पढ़ाई को। यदि आप वही जल्दबाजी में पागलपन हो जाता है, यदि मैं एक प्रॉपर टाइम बना लूँ, डेली का 6 घंटे मुझे पढ़ना है, बस 6 घंटे आराम से बैठे पढ़ना है, ब्रेक लिया पढ़ना है, ब्रेक लिया, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके, मैंने बताया ना, थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे तो हाथी भी पूरा हाथी खा जाएंगे, है ना। तो थोड़ा थोड़ा करके इतने बड़े सिलेबस को खा जाएंगे, जल्दबाजी करोगे वो हाथी अपच हो जाएगा, इतना अपच हो जाएगा फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, सब खत्म कर दोगे। एक बार एग्जाम में फेल होता है ना बंदा तो दिमाग में निगेटिविटी आ जाती है, उसको फील ये होने लगता है शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। एक बार दिमाग में वो घर कर गया ना आपको कि मुझसे नहीं हो सकता, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, फिर आपका हो भी नहीं सकता, कोई करवा भी नहीं सकता। और एक बार प्रॉपर तैयारी करने के बाद गए, पीटी क्वालिफाई किए, मेंस क्वालिफाई किए, फीलिंग आ जाएगी हाँ मुझसे हो सकता है, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। सामने वाले को भी बता पाओगे कि हाँ कर सकते हो आप, समझ रहे मेरी बात को, कर सकते हो आप। लेकिन प्रॉपर तैयारी होनी चाहिए, बिना तैयारी के जाओगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं होने वाला आपका, समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। बहुत सिंपल और आसान बात समझोगे, देखो क्लियर है, कट मैं बहुत कटु बोलता हूँ बहुत सारे मामलों में, ज़्यादा मुझे लल्लो चप्पू पसंद नहीं है, खुशामद करना पसंद नहीं है, जितना क्लियर बात है क्लियर बात है, इसलिए प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, ठीक। एक बात तो ये, इसके बाद एग्ज़ाम दें कि ना दें, एग्ज़ाम कब दें ये इंपॉर्टेंट है। देखो मान लो आप लोग डिसाइड करते हो कि भाई 2020 में देना है, कुछ लोग 2021 में डिसाइड करते हैं, कुछ लोग 2019 वाले भी हैं कि भाई 19 में ही देना है। मैं आपको एक रूल बता देता हूँ, सिंपल और आसान रूल, यदि इस रूल को समझ लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कब एग्ज़ाम देना चाहिए और कब नहीं देना चाहिए, ठीक है। एग्ज़ाम हमें उस दिन जाके देना है, एग्ज़ाम हमें उस दिन जाके देना है जिस दिन प्री देने से पहले मेरे मेंस का सिलेबस कंप्लीट हो चुका हो, उसी दिन जाके मैं एग्ज़ाम दे दूंगा। प्री देने के 1 महीने पहले, जैसे अभी आपका 2 जून को एग्ज़ाम है आईएएस का, यदि 2 मई को आपका मेंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट है, ओके ऑप्शनल्स कंप्लीट, सब कुछ कंप्लीट, मैं जाऊँ आराम से 2 जून को बैठूँ, एग्ज़ाम दूँ, चलाऊँ, आपका हो जाएगा। यानी 2 जून या जब भी आपको एग्ज़ाम देना है, उससे पहले आपको देख लेना है कि एग्ज़ाम देने के 1 महीने पहले आपका पूरा मेंस लेवल का सिलेबस कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है, तब एग्ज़ाम देना। एग्ज़ाम को चेक करने के लिए बिल्कुल नहीं देना, ये एग्ज़ाम चेक करने वाला नहीं, किसे चेक कर रहे हो भाई, ऐसे एग्ज़ाम को चेक कर रहे हो जो अनिश्चित है, जहाँ पे हर साल क्वेश्चन बदलते हैं, क्या स्ट्रेस उसका देखना चाह रहे हो, क्या झेल पाओगे आप स्ट्रेस। एक बार हार गए ना तो इसके बाद ज़िंदगी भर ये कहोगे कि मुझसे नहीं हो पाएगा। इसलिए एग्ज़ाम तभी देना है जब पूरी तैयारी कर पाएँ। आप तैयारी 2020 में प्री के 1 महीने पहले कर पाते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं कर पाते 2021 चले जाइए, नहीं कर पाते 2022 चले जाइए, लेकिन तभी जाइए एग्ज़ाम में जब आपका, कुछ लोग तो 31 साल के हो जाते हैं, फिर 31 साल के बाद आके बोलते हैं नहीं सर जी लास्ट है, अब क्या करूं, 32 ही लास्ट है, अरे नहीं मुझे अभी देने दो, मैं पागल हो गया इस बार। जब फॉर्म आया, फॉर्म आने के बाद इतने फ़ोन आए कि अरे मैं 32 का हो रहा हूं सर जी, मैं क्या करूंगा फिर इतना। मैंने कहा भाई दे लो एग्जाम, मैं कुछ मना कर रहा हूं क्या, आपके घर की बात है, फॉर्म आपको भरना है, एग्ज़ाम देने जाओ, मैं सिलेक्शन नहीं मैं करा सकता भाई, ये काम आयोग का होता है, मेरा काम है एक सही डायरेक्शन बताना। देखो टीचर का काम होता है एक राइट वे आपको पकड़ा देना, बता देना कि कैसे करना है, क्या तरीका है, ठीक है। मैं तो उंगली लेकर के भी चलाता हूँ, साथ में आप चल भी रहे हो, जब भी जो भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं या ऑनलाइन बैच में, उनको उंगली लेकर चला रहे हैं कि भाई कम से, लेकिन ऐसा नहीं कि जल्दबाजी करो भाई, टाइम लगता है, बड़ा काम है, बड़ी सोच है, बड़ी इमारत बनानी है, बुर्ज खलीफा बनाना है, तो बुर्ज खलीफा एक दिन की इमारत नहीं है, पहले नेव खोदनी पड़ती है उसकी लंबी चौड़ी, फिर कहीं जा करके आप इतनी बड़ी गगनचुंबी इमारत बनाते हो, तो पहले तो नेव खोदने में ही टाइम लग जाएगा आपका। पता नहीं किस पृष्ठभूमि से पढ़ के आए हो, कितना पढ़ के आए हो, क्या करके आए हो, क्या नहीं करके आए हो, पता नहीं, कुछ भी नहीं पता आपके बारे में, किया है कि नहीं किया, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, आपका मन कितना स्थिर है पता नहीं, पता चला अभी मन लग रहा है, 5 मिनट बाद मन ही ब्रेक हो रहा है, अभी मन है फिर ब्रेक टूट हो गया, फिर मन है फिर ब्रेक हो गया, दिमाग में कितनी गंदगी भरी हुई है, क्या पता किसी को, कुछ नहीं पता। हो सकता है दिमाग में एक ढक्कन लगा हो, दूसरे के विचार आपके दिमाग में जाए ही ना,
आप अपने आप को ज्ञानी बन के बैठ गए हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखो एक उम्र के साथ ऐसी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि हमारे दिमाग में पूरा एक तरीके से ब्लॉकेज हो जाता है। कोई सामने वाला समझाए भी ना, फिर हमें अपनी ही बात समझ में आती है, सामने वाले की बात नहीं समझ में आती, फिर हम लगता है हमसे बड़ा ज्ञानी कौन, सर्वज्ञानी सर्वगाता सब कुछ बन जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको अभी जानते हैं, आपको शायद पता होगा UPPCS या UPSC अपनी डेट एज कम कर रहा है, एज कम कर रहा है, एज कम होकर 28 आ जाएगी, बहुत जल्द होगा, हो सकता है इस पंचवर्षीय योजना में हो जाए, वो पंचवर्षीय योजना कह रहा हूँ, अगले जो 5 साल होंगे उनमें से आपको कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है कि एज कम हो रही है। ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार में भी बात कम हुई, एज कम होने से पहले कूलिंग पीरियड दिया जाएगा, बताया जाएगा कि भाई अभी इतने साल पहले बता दिया जाएगा, फिर बताइए आपसे इम्प्लीमेंट क्यों कर रहे हैं एज कम। कारण ये है क्योंकि जब आप भी 28 से ऊपर पहुंच जाते हैं आप रिजिड हो जाते हैं मेंटल लेवल पे, आप किसी के विचारों को ग्रहण नहीं कर पाते, ट्रेनिंग में दिक्कत आती उन्हें सिखाने में, उन्हें सिखाओ कुछ समझते कुछ और है, ट्रेनिंग सही तरीके से ज़्यादा स्किल तरीके से नहीं होती। आप खुद सोचिए, जब हम मैं BA पास करके आया, वो ग्रेजुएशन कर चुका था, 12th कर चुका था, 12th के बाद ऐसा लग रहा था सब कुछ हो जाएगा ख़त्म, मारेंगे तो हनुमान जी बन के पहाड़ उठा लेंगे ऐसा लग रहा था। 12वीं के बाद बच्चे को यही फील होता है, 12वीं के बाद वो ऐसी दुनिया में होता है जैसे उसको कुछ दे दो तो कच्चा चबा जाएगा, कुछ भी उसके लिए छोटी बात होती है। लेकिन जैसे जैसे आप क्रॉस करते चले जाते हैं आपका दिमाग डल होता चला जाता है, आपकी एनर्जी डैमेज होने चली जाती है। अब इस पर आपका एटीट्यूड की बात है, आपका एटीट्यूड कैसा, इसीलिए एथिक्स का एक पेपर रखा गया आपका एटीट्यूड और आपका एप्टीट्यूड चेक करने के लिए, आपकी मनोवृत्ति चेक करने के लिए। मनो आपका एटीट्यूड 28 के बाद पूरा रिजिड हो जाता है। आप सीख, एटीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, दो चीज़ें बताओ, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में क्या अंतर है, कोई बताएगा एटीट्यूड कैसे कहते हैं। एक होता है मेरा ये एटीट्यूड है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, क्या है मनोवृत्ति, आप बार बार प्रयोग करते तो हैं कि मेरा एटीट्यूड ऐसा ही है, क्या एटीट्यूड किसे कहते हैं, नहीं पता क्या है एटीट्यूड, वो तो आपका अप्रोच हो गया, दृष्टिकोण हो गया, अप्रोच और मनोवृत्ति दोनों में अंतर है। बिल्कुल, कुछ हद तक एटीट्यूड एक ऐसा, मैं बड़े आसान भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ, आपके अंदर की वो क्वालिटी जो आपको सीखने के लिए एग्री करती है डिसएग्री करती है। जैसे कि आपके सामने कोई नई चीज़ आ जाए, ऐसी चीज़ जिस जो आपके समझ से परे हो, जैसे मैं बड़े आसान, आपके बाबा हैं, मोबाइल आया, बाबा के टाइम में नहीं था, मोबाइल उन्हें दो, वो सीखने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है, यदि तैयार है तो उनका एटीट्यूड पॉजिटिव है, यदि नहीं तैयार है तो उनका एटीट्यूड निगेटिव है, समझ रहे हैं। एटीट्यूड एक ऐसा नज़रिया होता है जो आपको सीखने के लिए तैयार करता है नहीं करता है, एटीट्यूड दूसरे की बात मानने के लिए तैयार करता है, कभी कभी आपका एटीट्यूड बड़ा रिजिड हो जाता है, आप सामने की बात मानते ही नहीं है, आप अपनी बात पर अड़िग हो जाते हैं, ये निगेटिव एटीट्यूड होता है। आपको सभी की बातों को समान सुनना चाहिए, अवसर देना चाहिए, सभी के विचारों का सम्मान करना चाहिए, विचार ही तो हैं। मैंने अभी एक होली के टाइम पे ब्लैक एंड व्हाइट करके एक मैंने एपिसोड अपना दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि हमें क्या लगता है, जो बात हमारे मन की हमारे पक्ष के उसे हम व्हाइट कर देते हैं कि व्हाइट है, जो हमारे मन की नहीं उसे हम ब्लैक कर देते हैं, बाकी के विचारों को ब्लैक, हमारे विचारों को व्हाइट, क्या ऐसी है दुनिया, नहीं, सभी के विचार महत्व रखते हैं, सब कलरफुल है, हरा है, नीला है, काला है, पीला है, गुलाबी है, नारंगी, सब सतरंगी है, सबके अपने विचार हैं, किसी का विचार हरा हो सकता है, किसी का लाल, किसी का पीला, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। तो एटीट्यूड ये दिखाता है कि आप सीखने के लिए तैयार हैं, यदि आप सीखने के लिए तैयार हैं तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है। आयोग ने पाया कि 28 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको सिखाने में दिक्कत आती है, प्रशिक्षण कराने में दिक्कत आती है, तो उसको लेकर के भी काफ़ी लंबी चौड़ी बहस चलियाँ, और बासवान कमेटी आई थी, उस पर भी रिकमेंड किया गया कि भाई एज कम की जाए, और भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, एज कम करने के। तो ये होता है, यदि आपका एटीट्यूड में भी कुछ गड़बड़ है तो उसको भी सही कीजिए, बच्चों से भी सीखिए, सबसे सीखिए, यदि नहीं सीखेंगे कल के दिन टेक्नोलॉजी बदल जाएगी, तकनीकी बदलने में टाइम नहीं होता, कल के दिन आपको समय के साथ ढलना होता है, इसे बोलते हैं एटीट्यूड, जो समय के साथ आपको ढालने की बात करे वो एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड है।
और ये भी जरूरी है कहाँ पे ढलना है कहाँ पे नहीं ढलना। पता चला आप ऐसे माहौल पे चलेगा जहाँ खूब दबादब पैसा लिया जा रहा है, खूब करप्शन है, पता चला खूब बड़े ढल गए। कहाँ ढलना है कहाँ नहीं ढलना है ये भी पता होना चाहिए। वहाँ पे विरोध करना है, गलत कामों का विरोध भी होना चाहिए, आपका एटीट्यूड ऐसा भी हो। ऐसा नहीं कि हर चीज़ आपका, समझ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, अप्रोचेज होते हैं, वो सब इथिक्स में मैं समझाऊंगा। जब इथिक्स की क्लास कभी होगी तो मैं आपको आपके अंदर एक प्रशासनिक क्षमता को विकसित करने का काम वहाँ पे करूँगा, ठीक है। चलो अलग बात है। तो ओवरऑल मैं कह रहा था कि एग्ज़ाम दें या ना दें, एग्ज़ाम तब दें जब आपका प्री से पहले पूरा सिलेबस कम्प्लीट हो, तभी दें, नहीं हो मत दें। लगने दो टाइम, एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, लगने दो टाइम दो। लेकिन भाई ये बताओ ऐसा किस तरीके से पढ़ रहे हो, आपको आपको पाँच साल अभी आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो रहा है। पंचवर्षीय योजना नहीं है, सिलेबस कंप्लीट करने में एक साल डेढ़ साल मैक्सिमम समय लगता है। ऐसा कौन सी पढ़ाई कर रहे हो, ऐसी कौन कौन सी किताबें पढ़ रहे हो। पता चला आपको ऋग्वेद आपके उसमें वैदिक काल में आप ऋग्वेद खरीद के पढ़ रहे हो, ऐसा भी नहीं करना है। तो बचा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद पहले किताबों को भी पढ़ लेते हैं। अरे उसकी दो बातें इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, है ना, उसमें चार छः बातें हैं कि किस नदी का नाम ज़्यादा है, ये बस इतना ही पढ़ना है। ऋग्वेद थोड़ा ना पूरा पढ़ना है। पता चला पॉलिटी पढ़ना है, पांच किताबें पॉलिटी की निकाल के ले आए, दे धनाधन पढ़ रहा है, लक्ष्मीकांत से लेके डीडी बसु भी चल रहा है, जयंत पांडे भी चल रहा है, सारे इंटू पिंटू चंटू सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जितना अब यही चीज़ जरूर, यहीं पे स्ट्रेटजी काम आती है। ये जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थे इनके साथ थोड़ा सा सीन अच्छा है। अब मैं आपको एक बहुत परफेक्ट स्ट्रेटजी बताता हूँ, चीज़ें इतनी बहुत जल्दी आप मेरे से एग्री हो जाओगे क्योंकि एक बड़ा रिसर्च है, मैंने काम किया है, बहुत कम लोग ही हैं जो ये काम को करते हैं। मैं नोट्स बनाने का भी आज आपको तरीका बताऊँगा कि नोट्स बनाते कैसे हैं और बनाना कैसे चाहिए, बाकी आपके ऊपर है। जो देखो जो फॉलो करेगा उसको बेनिफिट होगा, बहुत लोगों ने फॉलो किया जिनको बेनिफिट भी हुआ, कॉन्फिडेंस दिन प्रतिदिन आपका बढ़ता चला जाएगा। सबसे पहली बात कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक। सिलेबस पता ही नहीं होना चाहिए, सिलेबस पे आपकी एक अच्छी खासी रिसर्च होनी चाहिए, ठीक है। सिलेबस में आप सभी की एक अच्छी खासी रिसर्च होनी चाहिए। रिसर्च किसे कहते हैं, अच्छा कोई किसी को पता हो सिलेबस तो अच्छे से बताए मुझे। कोई कहे कि मुझे हाँ सिलेबस अच्छा है, मैंने पढ़ा है, देखा है कि पढ़ा है कि रिसर्च किया है, तीन चीज़ें अलग अलग हैं। रिसर्च किया है सिलेबस का, रिसर्च का कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आपको लग तो रहा होगा कि चंद पन्ने हैं, एक पेज दो पेज में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, लेकिन ये महज आपके साथ एक धोखा है यदि आप इतना ही समझ लेते हैं। जैसे इसमें तीन शब्दों में लिख दिया गया प्रीलिम्स में भारत का इतिहास, बहुत बड़ा धोखा है भाई। ये भारत का इतिहास तीन शब्दों में ज़रूर लिखा है लेकिन ये तीन शब्दों में है नहीं। इसको कभी देखने चलो आप तो पता चलेगा भारत का इतिहास चीज़ क्या चीज़ है। भारत का संविधान, अरे संविधान जाके खोल के देखो। तो रिसर्च का मतलब मैं ये कहता हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये इसके अंदर टॉपिक है, टॉपिक के सब टॉपिक क्या चीज़ें हैं, सब टॉपिक में क्या क्या दायरा कितना बड़ा है और कितना टाइम लगेगा पढ़ने में, ये पता करना होता है रिसर्च में। एक बार पता करना होता है कि टॉपिक क्या है, सब टॉपिक क्या है, कितना टाइम लेगा, कितना टाइम टेकिंग है, ये सारी चीज़ें रिसर्च में देखी जाती हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले जो कि देखो आयोग ने हमें कोई बहुत बड़ी चीज़ दी नहीं है, सिर्फ सिलेबस दे दिया, ये भी बहुत ज़्यादा डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड है ना, बहुत ज़्यादा डिफाइंड नहीं है। बहुत सारे टॉपिक इसके आपको लिखे हैं, अब वो पूरी क्लियर नहीं लिखे। जैसे इसमें देखो आधुनिक भारत का इतिहास दिया गया है प्रीलिम्स में, मेंस में दिया गया है कि 18वीं सदी के लगभग मध्य से वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, इतना लिख दिया है। 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, ये आएगा आपका। अब आधुनिक भारतीय इतिहास यदि देखने चलो तो बहुत बड़ा है, इसको थोड़ा सा स्पष्ट करने का भी महत्वपूर्ण घटनाएं लिख दिया है। अब कौन सी घटना महत्वपूर्ण है कौन सी नहीं है ये चीज़ हमें बहुत क्लियर करनी पड़ेगी। लिखा है व्यक्तित्व तो आने चाहिए, लेकिन कौन कौन से व्यक्तित्व तो पूछेगा ये नहीं बताया उसने। व्यक्तित्व तो बहुत सारे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास में, कितनी पर्सनैलिटीज़ हैं, पागल हो जाओगे। धार्मिक सुधार आंदोलन से बहुत सारे लोग हैं, इसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन से बहुत सारे लोग हैं, इसके बाद जो है कांग्रेस से बहुत सारे लोग हैं, वामपंथियों से बहुत सारे लोग हैं, दलितों से बहुत सारे लोग हैं, पूरी भीड़ है। ये तो धोखा है, क्लियर कर देते आप 10 नाम लिख देते कि भाई ये महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है तो बात अच्छी लगती है आपकी, लेकिन आपने यहाँ पे क्लियर नहीं किया, यहाँ पे तो आपने धोखा कर दिया।
आज़ादी के बाद जो है इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस में 8 व्यक्तित्व हैं, व्यक्तित्व की कमी है भारत में, व्यक्तित्वों का देश है ये, तो कितनी पर्सनालिटीज हैं, तो लिख दिया। इसमें बहुत चीज़ें क्लियर नहीं है, देखो सिलेबस बस उन्होंने मोटा मोटी बता दिया कि भाई ये दायरा होगा, बाकी पूछेंगे वही जो हमारी मर्जी होगी। तो सिलेबस से बहुत ज़्यादा सिनेरियो क्लियर नहीं होता, देखो साफ बताऊं, लेकिन फिर भी इसका रिसर्च करना है, इसके टॉपिक सब टॉपिक हर चीज़ को आपको अच्छे से देखना चाहिए। देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? देखना चाहिए, मेरी तो भाई सलाह यही है, बाकी आप चलाते अपने मन की हो, आपकी अपनी अपनी बात। तो सिलेबस को पहले, इस पर पहला काम होना चाहिए सिलेबस को देखना। दूसरा काम होना चाहिए कि भाई इससे ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ तो अब मैं क्लियर कहाँ से करूँ? क्लियर पता चलेगा आयोग के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, भाई वो ये क्वेश्चन है जो आयोग ने खुद बनाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखो अब इसका बहुत बड़ा काम, आपको आज शायद दिमाग खुल जाएगा बहुत सारी चीज़ें। एक है आपका मैंने सिलेबस बताया, पढ़ना कैसे चाहिए, जो आप स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं स्ट्रेटजी में ही बता रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोनों उठाओ, पहले आप पीटी के भी उठाओ और दूसरा आप मेंस के उठाओ, एक एक टॉपिक को ले। जैसे अभी हमारा आर्ट एंड कल्चर चलेगा तो आपको आर्ट एंड कल्चर उठाना चाहिए केवल, बस जो क्लास में चले, ठीक है, या फिर जो विषय वस्तु आप सेल्फ स्टडी में पढ़ें, जो आप सेल्फ स्टडी में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी कि भाई आपको पीटी के कल्चर के पेपर उठाओ, इसके उठाओ, मेंस के कल्चर के पेपर उठाओ, एक दो साल के मत उठाओ, मैं कहता हूँ 25 साल के उठाओ। 25 साल में फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है? तीन फायदे हैं। पहला फ़ायदा है कि 25 साल के अंदर अंदर आयोग काफ़ी क्वेश्चन पूछ चुका होगा, इतने क्वेश्चन के लगभग लगभग सिलेबस को भी कवर कर चुका होगा। दूसरा फ़ायदा, एक ट्रेंड पता चलेगा, पहले के क्वेश्चन पूछने का तरीका और अब के क्वेश्चन पूछने का तरीका, क्या अंतर आ गया आयोग में, पहले कैसे पूछता था अब कैसे पूछ रहा है। तीसरा महत्व, आपको ये पता चलेगा कि किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस है। ये तीन चीज़ें आपको पर्टिकुलर 25 से 30 साल के क्वेश्चन को देखने में पता चलेगा। जब भी कोई सब्जेक्ट शुरू करना है पहले उसके सिलेबस का गहन विश्लेषण, एक टाइम ड्यूरेशन कि भाई ये 30 दिन में कंप्लीट हो पाएगा कि 45 दिन लग जाएंगे कि 50 दिन लग जाएंगे। सिलेबस में ये भी पता चलता है कि इस किताब के ये टॉपिक इस सिलेबस में दिए गए कि नहीं दिए गए। आप कोई भी किताब पढ़ना शुरू कर देते हो लेकिन आप पहले उस किताब में देखो तो कि आपके सिलेबस के टॉपिक हैं भी कि कुछ भी पढ़ रहे हो। इसके बाद जैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आप पाओगे कि जो किताब मैं पढ़ रहा हूँ, अभी किताब मत पढ़ो, पहले शुरू करो यही दो चीज़ों के। जो लोग ऑफलाइन से जुड़ेंगे हम उनको 2-3 दिन का आज टाइम देंगे उनको यही काम करने के लिए, सिलेबस और पिछले साल के क्वेश्चन का, कि आपको ये दोनों काम करने हैं फिर जा करके क्लास शुरू करनी है। 3 दिन का आपको हम टाइम देंगे सभी को, तब जा करके हम एक बड़े लेवल का क्लास चालू करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये पता चलेगा कि ये किताब में लिखा तो बहुत है कल्चर के बारे में लेकिन इससे कुछ पूछ नहीं रहा। जैसे लक्ष्मीकांत किताब को राष्ट्रीय पुस्तक यूपीएससी ने घोषित कर दिया, यूपीएससी के आप लोगों ने घोषित करवा दिया है, लेकिन यदि आप पिछले साल के क्वेश्चनों पे जाएं तो मुझे नहीं लगता 50% क्वेश्चन उसमें आए भी हैं या पूछे भी गए हैं, वो भी अनरिलेवेंट है मेंस के मामले में। पीटी के क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि पीटी क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, मेंस के क्वेश्चन में वो किताब मुझे तो नहीं समझ में आती, हमको दूसरी किताबों में जाना पड़ता है। चूंकि आपने कभी मेंस के क्वेश्चन ही नहीं सही से देखे तो आपको पता भी कैसे चलेगा कि ये किताब रिलेवेंट है कि नहीं है रिलेवेंट। तो हमें दूसरा काम करना होगा, पिछले साल के क्वेश्चन को अच्छे से देखना, देखने के बाद किताबों में जाना, बुक्स में फिर जाना है। इससे दो चीज़ें क्लियर होंगी, पहली चीज़ ये कि जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि सिलेबस पहले ही देख चुके हैं आप। दूसरा, जो आप पढ़ रहे हैं क्या इस किताब से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, ये भी आपको पता चल जाएगा। अब किताब से पूछे जाने का मतलब मेरा क्या है भाई, जो आयोग में पेपर बना रहे हैं, जो सेट कर रहे हैं, वो भी तो कहीं से पढ़ते होंगे कि नहीं पढ़ते होंगे, बिना पढ़े कहीं से क्वेश्चन बना दिया, कुछ तो पढ़ा होगा। भारत की कुछ किताबें हैं जो बड़ी अच्छी हैं, जो सब पढ़ते हैं, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स वर्क पढ़ते हैं, आयोग में भी कुछ किताबें बना रखी गई होंगी भाई, यहाँ यहाँ से पेपर निकालना है ना। सीधा सीधा अब आपको ये फील होने लगेगा कि यार ये क्वेश्चन इस बुक में नहीं पूछा जा रहा, इसका मतलब आयोग इन किताबों को महत्व नहीं दे रहा। आपका दिमाग खुल जाएगा, आपको लगेगा अरे ये क्वेश्चन ये किताब से सीधा सीधा है, इसका मतलब आयोग इसको पढ़ रहा है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, इसका मतलब ये किताब रिलेवेंट है, मोस्ट रिलेवेंट बुक है, ये आपकी अच्छी बुक है। जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर देश का इंटेलेक्चुअल वर्ग ही पढ़ता है, आपको रिक्शा वाला द हिंदू पढ़ते नहीं मिलेगा, वो पंजाब केसरी से ऊपर बढ़ता ही नहीं है, उसे मजा ही पंजाब केसरी में आता है, क्योंकि उसके मुद्दे भी ऐसे होते हैं कि आज यहाँ डकैती पड़ गई, यहाँ चोरी हो गई, वहाँ बलात्कार हो गया, यहाँ पे ये घटना हो गई, उसी को रिक्शे वाले को मजा आता है।
और पंजाब केसरी करे भी क्या, क्योंकि उसकी ऑडियंस ऐसी है तो वैसा न्यूज़पेपर वो छापता है। द हिंदू वैसा छापता है जैसे उसकी ऑडियंस है। इंटेलेक्चुअल्स वर्क पढ़ते हैं तो द हिंदू बड़े लोग पढ़ते हैं। आयोग में आप मैक्सिमम कभी कभी तो पूरे पैराग्राफ उठा उठ के सीधा द हिंदू के आ जाते हैं, कभी कभी लाइनें निकल के द हिंदू की आ जाती हैं, हिंदी में ट्रांसलेशन होता है उनका बस, क्योंकि वो वर्ग वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, इसलिए उस न्यूज़पेपर से ही क्वेश्चन बनाएगा। भाई जो सेटर है, जो क्वेश्चन पेपर सेटर करता होगा, उसको ये कि यार मुझे साल भर इस पर पूरा एनालिसिस करना है, निकालना है, तो अपना बनाता रहता होगा चीज़ें कि कैसे होंगी, आयोग को रिकमेंडेशन भेजता रहता होगा। तो जो बंदा जो पढ़ेगा उसी से तो पूछेगा, उससे बाहर तो पूछेगा नहीं। तो हमें ब्रेन पढ़ना है यूपीएससी या पीसीएस में बनाने वाले क्वेश्चन सेटर्स का, कि भाई इनका दिमाग ये कहाँ से पढ़ते हैं, ये अपना कहाँ से नॉलेज लेते हैं। जैसे कि पॉलिटी का मैं कई बार एक क्वेश्चन का जिक्र कर चुका हूँ, कई क्वेश्चन है, कभी मैं आपको एक एक क्वेश्चन बता दूंगा कि ये क्वेश्चन देखो किस किताब में क्या इंपॉर्टेंट है, या डीडी बसु की हिंदी की किताब है। एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो केवल उसी में मिलेंगे, दूसरी किताब में मिलेंगे नहीं। अब डीडी बसु की किताब क्यों इंपॉर्टेंट है, उसको लिखने वाला एक जज है, लक्ष्मीकांत जज नहीं है, लक्ष्मीकांत ऐसे मेरे जैसे एक साधारण कोचिंग के संस्थापक हैं, डायरेक्टर है, हैदराबाद में उनकी कोचिंग चलती है, उन्होंने एक किताब लिख दी, आप लोग पढ़ रहे हैं। कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन पढ़ेगा वो जज की किताब पढ़ेगा कि इसकी किताब पढ़ेगा? सुभाष कश्यप की किताब, सुभाष कश्यप लोकसभा के महासचिव हैं, लोग उनकी किताब को सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे किसी और की किताब पढ़ेंगे? तो जब मैं सुभाष कश्यप की किताब पढ़ के क्वेश्चन पेपर सेट हो रहा है, सुभाष कश्यप की किताबें पढ़िए, लास्ट के एक एक लाइनें निकल के आ जाती हैं क्वेश्चन के रूप में, पूरी लाइन की लाइन पता, अरे ये यहाँ से पूछ लिया, बड़ा आश्चर्यजनक हो जाता, अरे ये लाइन यहाँ के आ गई, ये तो क्वेश्चन पेपर में आई थी। फिर पता चलेगा कि यार ये है एग्जाम, यहाँ से सेट हो रहे हैं, ये लाइन ये किताब पढ़ी होगी, ये किताब से चीज़ें आ गई। आपको ये दोनों करने के बाद ही पता चलेगा, पहले सिलेबस और पिछले साल के क्वेश्चन। लड़के क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, सर किताब बता दो। अरे किताब, कोई किताब बता दो, किताब को खुद मेहनत ना करो, पका पकाया मिल जाए, आदत वही है। खुद पिछले साल के क्वेश्चन और सिलेबस पे काम करना ही नहीं चाहते। अरे भैया कर लो, 90% तो यही कंप्लीट करा देगा आपका वो सिलेबस जो पूछ चुका है, पूरा 25-30 साल में सिलेबस पूछ चुका है वो पिछले साल के क्वेश्चन में, आपको पता चल जाएगा क्या है। डायरेक्ट किताब कभी नहीं पढ़नी चाहिए, मैं कभी सलाह नहीं देता बच्चों को, और आपको भी नहीं पढ़नी चाहिए, बाकी आपकी आदत है, क्या करें, आदत से मजबूर। हमेशा यही किया है, हमेशा किसी ने 20-20 बता दिए, विद्या क्वेश्चन बता दिए, मास्टरमाइंड बता दिए, खरीद लिया, 25-30 पेज पढ़ा, गए वही क्वेश्चन मिल गए, पढ़ लिए। भाई ये पूरा खेल ही अलग है, यूपीएससी का गेम ही अलग है। अब चूंकि गेम अलग है तो क्या करें, गेम के रूल के हिसाब से फिर चलना पड़ेगा। तैयारी की स्ट्रेटजी हुई, ये तैयारी के इंग्लिश मीडियम का बच्चा यही करता है, पहले वो क्लियर हो जाता है कि सिलेबस देख लेते हैं, इससे उसको एक चीज़ पता चलती है, व्यर्थ की चीज़ें नहीं पढ़ता, जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं उन पे ज़्यादा फोकस करता है, सेलेक्टेड हो जाता है, मजदूरी नहीं करता है, 50 किताबों के पीछे नहीं भटकता है, दिमाग फिक्स हो जाता है, इतने ही पढ़ना है, इसी में पढ़ना बस, ही ना, अब खत्म बात। और नहीं पागलों की तरह 500 किताबें पढ़ लो, कुछ नहीं होगा। एक किताब को यदि हम 10 बार पढ़ लें 10 किताबों की जगह, तो कितना बेहतर हो जाएगा। क्यों हम 10 किताबें पढ़ें भाई, हमें तो वहाँ 150 वर्ड लिखना है, 200 शब्द लिखना है बस, हमें इतना ही ज्ञान चाहिए जितना 200 शब्द और 150 शब्दों के लिए इनफ हो बस, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। आप क्यों ज़्यादा नॉलेज ले रहे हैं, क्या जरूरत है आपको? जब एक बार सेलेक्ट हो जाएगा खूब लीजिएगा, खूब आराम से पढ़िएगा, खूब टाइम है, खूब लाइब्रेरियाँ बनी होती हैं, प्रशिक्षण संस्थान में लाइब्रेरियाँ होती हैं, खूब आपको पढ़ना पड़िएगा। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं पढ़ना, अभी सक्सेस होने के लिए पढ़ना है। सक्सेस होने पढ़ने के लिए हमें बहुत स्ट्रेटजी, ज्ञान के लिए कभी कोई नहीं पढ़ सकता, ज्ञान बहुत बड़ा है, बहुत विशद है, जिंदगी भर ज्ञान आप कभी पा ही नहीं सकते, ठीक है। ज्ञान पाने के लिए बुद्ध जैसी तपस्या करनी पड़ती है, घर द्वार छोड़ करके जंगल में बैठना पड़ता है, तब ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान हमारे जैसे तुच्छ आत्माओं को नहीं मिलने वाला, तो ज्ञान के लिए कोई मत पढ़े, मैं बात साफ सीधी सलाह आप लोगों को देता हूँ, सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ें, नॉलेज के लिए पढ़ें और सक्सेस के लिए पढ़ें। सक्सेस तभी मिलेगी जब आप एक पॉजिटिव अप्रोच इस तरीके का बनाएंगे, सिलेबस
उस विषय का पहले पढ़ा, फिर इसके बाद पिछले साल क्वेश्चन, फिर उसकी डिटेल नॉलेज लेना चालू कर दिया। क्लियर है? इतना ही पढ़ना है, इतना छोड़ना है, इतना ही पढ़ना है, इतना छोड़ना है। छोड़ना ज़्यादा है, उतना ही पढ़ना है। छोड़ना और पढ़ना दोनों क्लियर होना चाहिए आपका, तब तो एग्जाम आपके लिए आसान है। जो सब खाना चाहता है वो कुछ नहीं खा पाएगा, कुछ नहीं पचा पाएगा। हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पचानी लेनी, समझ रहे हो मेरी बात को? हंस बनिए, है ना? हंस क्या करता है? दूध को पी करके पानी छोड़ देता है। हमें सिर्फ ये करना है, नहीं तो बहुत मिलावट है। आज के टाइम में मटेरियल की कमी है भला? इंटरनेट में भरा पड़ा है, यूट्यूब में भरा पड़ा है, कहाँ कहाँ भरा पड़ा है। किताबों चले जाइए, लाइन से दुकानें बन गई हैं। खरीदते खरीदते थक जाओगे, पैसा खत्म हो जाएगा, इकोनॉमी खर्च हो जाएगी, पढ़ते पढ़ते आप खर्च हो जाओगे, शहीद ना हो जाओ। इतना बड़ा न्यूज़पेपर बच्चा लेता है, जा करके गड्डी के ऊपर गड्डी गड्डी के ऊपर, उसको किस काम आएगा भाई? उसको पढ़ के ख़त्म करना है न्यूज़पेपर को, गड्डी बना रहा है उसको बिल्कुल। कल के दिन फिर कुछ नहीं होता, तीन चार कामों में काम आता है। पहला खाना खाने के समय, नीचे बिछाने में न्यूज़पेपर ही काम आता है। दूसरा जब ये होता है कि भैया अगले महीने उसको पैसा देना, बोलते हैं पुरानी गड्डी भेजो, उससे जो पैसा आएगा वो नई गड्डी के साथ लिए होगा। क्या पूरा मटेरियल कलेक्ट कर रहे हो आप? कलेक्टर बनना है यहाँ नहीं, है ना? यहाँ पे कलेक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लाइब्रेरी बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लिमिटेड पढ़ना, लिमिटेड किताबें, 10-12 किताबों से अपना काम हो रहा है, होने दो बस, ठीक है? हमें एक प्रॉपर टाइम लेके चलना है। पहली बात, मैंने पहली रूल आपको ये समझाया, कोई जल्दबाजी में हो, कुछ भी हो भाई, छोड़ दो। दूसरे एग्जाम आ रहे हैं, कांस्टेबल का निकल रहा है, लेखपाल आने वाला है अगले चुनाव के बाद, उन सब पे फोकस करो। इस एग्जाम के लिए एक प्रॉपर टाइम चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। घर वाले खुश हो जाएंगे, लेखपाल भी बन जाओगे तो घर के खर्चे चल जाएंगे लेखपाल बनने से भी, लेकिन इसके लिए चाहिए तो प्रॉपर टाइम चाहिए। प्रॉपर टाइम नहीं, होल सोल पूरा ब्रेन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, पूरा दो चीज़ें इसके साथ नहीं हो पाएंगी। जो लोग क्रॉप करते हैं, अभी अनु कुमारी का एग्जाम्पल ले लो, ईरा सिंगल हम लोग जब हम पढ़ रहे थे, ईरा सिंगल साथ में थी हमारे, ठीक है, साथ में हम पढ़े हैं। तो ये लोग जॉब छोड़ कर आए हैं भाई, अपने पैकेज छोड़ कर आए हैं, 70,000-80,000 लाखों रुपए के पैकेज छोड़ के आए मंथली के। ऐसे नहीं है जॉब वो कर रहे हैं, कोई भी देख लो, किसी ने डॉक्टरी छोड़ दी, किसी ने कुछ छोड़ दिया, तब ये बनते हैं, तब करते हैं, पूरा डेडिकेशन देते हैं, एक ही चीज में फोकस्ड हो जाते हैं। आपको क्या लगता है 50 चीजें करने के साथ साथ हो पाएंगी? कभी नहीं होती। वही काम करना, परफेक्शन के साथ करना। जब बड़ी इमारत बनाने, तो बड़ी इमारत के लिए अच्छा कारीगर चाहिए, अच्छा कारीगर आराम से बैठे सुकून के साथ उसे करता जाए, तभी तो उसकी सराहना की जाएगी। समझ रहे बात को? ताजमहल को बनने में 22 साल कितना लग गया था टाइम, और कितने मजदूर काम कर रहे थे, एक बड़ी संख्या थी। आपको भी यदि ताजमहल बनाना है अपनी ज़िंदगी का, तो टाइम देना पड़ेगा उसे। आपको ISPCS पता कितनी पीढ़ियां तर जाती हैं पीछे की, 5 पीढ़ियां। आपके परदादा का हुई कोई जिंदा होगा उस टाइम का, तो कहेगा देखो फलाने का नाती ये बन गया, और आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि फलाने का बाबा IAS था। आप 5 पीढ़ियां आगे पीछे दोनों की तारते हैं। दूर दराज रिश्तेदार में कोई होता तो बोला जाता कि देखो मेरा वो देखो वो अधिकारी है। आप तो जब इसमें सब चीज़ें बड़ी चीज़ है, देखो ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तो यदि बड़ी चीज़ है, तो बड़ी चीज़ के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, टाइम का इन्वेस्टमेंट। दूसरा, एक इकोनॉमिक सपोर्ट भी होना चाहिए आपके पास। देखो व्यवहारिक धरातल में खाली पेट में पढ़ाई नहीं होती, मैं साफ सीधी बात करूँ, खाली पेट में पढ़ाई नहीं होती, किताबों के बिना पढ़ाई नहीं होती। एक इकोनॉमिक सपोर्ट भी इसमें होना चाहिए। घर में इतना दबाव आप खुद बना देते हो, घर वालों को बोलते हो अरे बस टेंशन ना लो, अगला एग्जाम बस मैं ही अधिकारी हूँ। ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए आपकी तरफ से। उनको बोलिए प्रॉपर मुझे समय दीजिए, एक बार समझा दीजिए, बार बार समझाने की कोशिश भी मत कीजिए। नहीं समझना चाहिए तो कहिए देखिए पैदा किया है करना पड़ेगा, ज़बरदस्ती हिटलर बन जाइए कुछ दिन के लिए, है ना? पैदा किया था आपने, सोचा नहीं था उस समय, पैदा करते समय ये लड़के के कुछ सपने होंगे, कुछ होंगे उस समय, तो आपने पैदा कर दिया। तो साफ उन्हें समझा दीजिए कि भाई देखो अब कोई किसी का कुछ मैं सुनने वाला नहीं हूँ, कुछ समय के लिए बन जाए हिटलर, कोई दिक्कत नहीं, मत सुनिए घर वालों की। आपकी भी देखो जल्दबाजी के चक्कर में आप क्या करते हो, धीरे धीरे बताना शुरू करते हो रिश्तेदारियों में IAS की तैयारी। कोई पूछे बड़े गर्व से IAS की तैयारी कर रहा हूँ, IAS की तैयारी कर रहा हूँ, कुछ दिन बाद बताना भी बंद कर देते हो। वही रिश्तेदार फिर जब शादियों मिलते हो, बेटा क्या हुआ, रिजल्ट आ गया था, हर रिजल्ट में पूछता है, चाहे आपने दिया हो चाहे ना दिया हो,
उस रिश्तेदार को ज़्यादा टेंशन है, अपने बच्चे की टेंशन नहीं है कि बच्चा पिए धुत पड़ा रहता है, उसको आपकी टेंशन ज़्यादा है, पूरा केयर टेकर बन जाता है, माता पिता ज़्यादा, मम्मी पापा से फोन लगा पूछा वो बच्चे रिजल्ट आया था, बच्चे का कुछ हुआ कि नहीं हुआ, मज़े लेने के लिए। ऐसे ही दोस्ती यारी में भी होता है, सब जगह पे सेम खेल है। देखिए सब स्वार्थी हैं, माँ बाप भी आपके स्वार्थी हैं, आप भी स्वार्थी हो, सब स्वार्थी हैं, सब स्वार्थ में फंसे हुए एक दूसरे में। आपको क्या करना है ना, कुछ दिन के लिए कायदे से स्वार्थी बनना है, अपने लिए सोचना है, पर एक डेढ़ साल अच्छा दे दोगे, सबकी ज़िंदगी संवार दोगे, नहीं अपनी भी चौपट कर बैठेंगे सामने वाले की। बड़ा खुशनुमा ये नहीं हो कि पूरा भारत के प्रधानमंत्री आप ही हो आपकी शक्ल से देखने के बाद, खुशनुमा हंसते हुए बढ़िया डेढ़ साल की जर्नी जो हमारे सिलेबस की हो ज़बरदस्त हो। सीरियस नहीं दिखने चाहिए, कोई अस्पताल में भर्ती नहीं हो, सिंसियर दिखना चाहिए, गंभीर दिखना चाहिए बच्चा। सीरियसनेस से पता चला किसी से, अरे मैं बस पढ़ा सर पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, बड़ा टेंशन है, बड़ा परेशान है, क्या पॉलिटी पढ़ रहे हो, कौन सी बायसान कर रहे हो, अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हो, दिन प्रतिदिन ग्रो आना चाहिए, ग्लो आना चाहिए चेहरे में, नॉलेज बढ़ रहा है आपका, आपकी क्वालिटी डैमेज होती चली जाती है। ऐसे बच्चों से मिलो जैसे कि कोई अपराधी हो, ये कंडीशन क्रिएट कर देते हैं। हंसी खुशी नहीं कर सकते आप इस काम को, क्या पूरे सिलेबस को हंसी खुशी नहीं तैयार किया जा सकता है। तुष्टीकरण की राजनीति में लग जाते हो, तुष्ट करने लगते हो अपने घर वालों को और इन सब लोगों को। किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं भाई, किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं, क्यों करना प्रूफ, प्रूफ सिलेक्शन करेगा, हम नहीं करेंगे। सिलेक्शन दो तभी सम्मान मिलेगा, ध्यान रखिएगा, नहीं अभी आप कुछ भी कर लो, कोई भी बातें कर लो, कोई रेस्पेक्ट नहीं देगा आपको, सारा खेल सिलेक्शन का है। इसलिए सिलेक्शन तभी मिलेगा जब पूरी ईमानदारी से अपने सिलेबस को कंप्लीट करोगे, पूरे काम को करोगे, ठीक है। एग्जाम तीन चरणों में होता है, सब जानते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू। एग्जाम का ही प्रोसेस है एक साल का है, एक साल तो प्री देने के 3 महीने 4 महीने बाद मेंस, मेंस के 3-4 महीने बाद इंटरव्यू, इंटरव्यू के 3-4 महीने बाद रिजल्ट, यही पूरा प्रोसेस एक साल का हो गया। उससे पहले तैयारी का 1.5 साल का प्रोसेस, 2.5 साल लेके चलिएगा भाई, क्लियर बता रहा हूँ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे एग्जाम हैं, कोई ज़रूरत नहीं किसी डॉक्टर नहीं बनाया कि भैया IAS नहीं करोगे तो भारत से निकाल दिया जाएगा, मताधिकार छीन लिया जाएगा, है ना, कुछ नहीं होगा आपका, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ ऐसे ही चलेगी, ना आपकी किडनी डैमेज हो जाएगी, ठीक है। इसलिए बहुत देखो मेरे कहने का, मैं बहुत क्लियर पर्सन हूँ, ये सब कुछ करते हैं आप सब, आप अपने ऊपर अनावश्यक दबाव बनाते हैं, आप बिल्कुल चाहिए कि बिल्कुल ऐसा है कि बस मिल जाए धबाधब, ये थोड़ा वो थोड़ा ना है कि बिल्कुल किसी पेड़ पे लगा हुआ गए 4 पत्थर मारे 4-6 IAS टूट पड़े, वो थोड़ा ना, इसमें प्रॉपर मेहनत का बीज डालना पड़ेगा, फिर पेड़ बनेगा, पेड़ के बनने के बाद उसको सींचना पड़ेगा, केयरिंग करनी पड़ेगी, फिर जाके फल आएंगे, दूसरे के पेड़ से कुछ नहीं मिलने वाला आपको, अपनी मेहनत खुद करनी पड़ेगी। हम लोग का वर्क क्या होता है, देखो एक कोचिंग एक टीचर का क्या वर्क है, एक सही गाइडेंस, एक मार्गदर्शन दे देना, क्लियर मार्गदर्शन दे देना, हाथ पकड़ के चलना, बच्चे को चीज़ों को आसान कर देना, यही काम होता है। मैं जाके एग्ज़ाम तो दे नहीं दूंगा, कोई एग्ज़ाम नहीं दे देगा, तो टीचर का काम ये होता है, टीचर बस अपना काम ईमानदारी से करे और उसका छात्र ईमानदारी से काम करे तो काम हो सकता है, बहुत बढ़िया काम हो सकता है, ठीक है। उस विषय वस्तु पर मैं नहीं जाता, मैं अंत में फिर आपको एक बार बता दूँ, एग्ज़ाम देना है कि नहीं देना ये आप तय करेंगे, तब तय करेंगे जब पूरा एक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। दिमाग में बैठा लो, जिसको अभी जल्दबाजी है प्लीज़ छोड़ दो उस जल्दबाजी को, कुछ नहीं होगा आपका, लिख लो अभी तक कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होगा। आप UPSC छोड़ो, आपसे कांस्टेबल नहीं निकलेगा, मैं इतना भी लिख के देता हूँ, कांस्टेबल में भी खूब बड़े स्तर का कंपटीशन है, वहाँ भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 1-2 साल से नहीं कर रहे हैं, है ना, तो प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, कुछ नहीं हो सकता, बस इतना दिमाग में बैठा लो। ये बहुत अब इंडिया में कंपटीशन बढ़े सर, डेली नए नए बच्चे निकल के आ रहे हैं, अब तो बच्चे टाइम से ही प्रॉपर टाइम से ही आ जा रहे हैं तैयारी करने, इसलिए आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, बैठा लो अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर में बैठा लो, इसको लेकर के जल्दबाजी मत करना। एग्जाम तभी देंगे जब प्री देने के 1 महीने पहले पूरा मेंस वेंस सब खत्म, ऑप्शन ऑप्शन खत्म, बिल्कुल रिलैक्स मुद्रा पे बैठे होंगे, 1 महीने करंट अफेयर्स की तैयारी करेंगे, फिर जाएंगे प्री देंगे आराम से, उसके बाद रिवीजन करेंगे प्री दे के आने बाद, फिर मेंस देंगे, मेंस के बाद आराम से इंटरव्यू की तैयारी, इंटरव्यू फाइनल सिलेक्शन, घर जाओ मस्त रहो, आगे की ज़िंदगी इंजॉय करो भाई, ज़िंदगी भर पढ़ते नहीं रहना, ऐसे चला 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 38 साल, इसके बाद ज़िंदगी भी है, शादी भी करने हैं, सारी मेहनत किस लिए कर रहे हो, सारी मेहनत तो इसीलिए है ना कि एक खुशनुमा लाइफ होगी,
है ना, एक खुशनुमा वाइफ होगी या खुशनुमा हस्बैंड, ये सब के लिए एक अच्छा, ये सब चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि क्या नाम है कि आपको जब बन जाओगे कुछ तभी लोग आपके पास आएंगे, भी नहीं बनोगे कोई कुछ नहीं आएगा। इसलिए टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, हमारे पास समय कम है, हमें 2-2.5 साल में सब कुछ कंप्लीट करके ख़त्म कर देना है। 2-2.5 साल इनफ होता है, बहुत है, क्यों बहुत टाइम देना? यदि अभी तक नहीं दे पाए तो एक बार प्रॉपर इतना करके देखिए, जल्द और क्विक कर दीजिए। देखो कुछ लोग क्या हो गया, यूपीएससी और पीसीएस के दुष्चक्र में फंस गए। दुष्चक्र समझते हैं, कई बार मैं दुष्चक्र समझा चुका हूँ। कुछ लोग क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस एग्जाम दे रहे हैं, इस बार का पीटी दिया, उनसे पूछो 8 पीटी बता देंगे। मैं बीपीएससी का भी देकर आया, मैं अभी झारखंड का भी दिया हूँ, मैं एमपी का भी देकर आया हूँ, मैं यूपी का भी दिया, वो 18 पीटी बता देंगे और सब निकले होंगे उनके, वो मेन से गायब हो जाते हैं। उनसे कहो अगला मेंस भी कुछ लोग निकाल लेते हैं। कारण क्या है, वो कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं करते। वो पीटी जो आयोग निकल आए सब देना है उनको एग्जाम, वीडियो भी देना है, लेखपाल भी देना है, वो लोग फिर दुष्चक्र में फंस जाते हैं। उन्हें पता नहीं चलता, गरीबी का दुष्चक्र आपने पढ़ा होगा कुजनेट्स वक्र, है ना, उसमें क्या होता है, कोई भी देश आर्थिक विषमता से निकल नहीं पाता है। कारण क्या होता है, उसके यहाँ पूंजी निर्माण ही नहीं होता, पूंजी निर्माण नहीं होता तो निवेश नहीं होता, निवेश नहीं होता तो रोजगार पैदा नहीं होता, रोजगार पैदा नहीं होता तो फिर वही कंडीशन उसकी कंटिन्यूस चलती रहती है। उसे पता ही नहीं चलता कैसे गरीबी से उभरा जाए। वो देश आज अफ्रीकन देश गरीबी के दुष्चक्र में फंस चुके हैं, और गरीबी पनपती रहती है और बेरोजगारी पनपती रहती है। वैसे ही यूपीएससी या पीसीएस में भी बच्चा यही करता है, बिना सिलेबस तैयार किए कूद जाता है समर में, फिर जो पीटी निकला तुरंत फॉर्म कट 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 करके फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद दूसरा पीटी दूसरा भरा, तीसरा पीटी तीसरा भरा। अरे भैया सबकी डिमांड अलग है, कौन बोलता है यूपीएससी और पीसीएस एक जैसा होता है? जो बोलता है उसे पकड़ के लाओ, पहले उसको उठक बैठक कराओ 10-12 कि भैया यूपीएससी अलग चीज़ है, पीसीएस एग्जाम अलग चीज़ है, दोनों की डिमांड अलग है, दोनों की नीड अलग है। यूपीएससी वाला पीसीएस नहीं निकाल पाता क्योंकि उसकी नीड अलग है, उसमें एक फैक्चुअल टाइप चीज़ें आती हैं। इतना यूपीएससी का दिमाग क्या है, एनालिसिस है, विश्लेषणात्मक क्षमता रखता है बच्चा, वो यूपीएससी का बच्चा एनालिसिस पे काम करता है, फैक्ट पे फैक्ट तो होते ही हैं लेकिन साथ साथ लिंक करना सीखता है चीज़ों को। पीसीएस का बच्चा क्या है, पीसीएस का बच्चा सिंपल और आसान भाषा में उसको फैक्ट चाहिए, फैक्ट के बारे में 4 बातें बता दे बस खुश। दोनों अलग अलग चीज़ें भाई, दोनों एक चीज़ें नहीं है। जो ये पागलपन करते हैं वो पागलपन में ही परेशान हो जाते हैं। कभी भी देखिएगा, सिद्धार्थ यादव है 2015 का टॉपर, कभी उसका देखिएगा इंटरव्यू, जो भी हो बहुत सारे उसके और भी इशू रहे, कुछ लोगों ने कहा करप्शन हो गया, सीबीआई लगी, अलग बात है, लेकिन उसने सिर्फ पीसीएस किया। पहले शुरुआत में 2 अटैम्प्ट सिद्धार्थ, 2 अटैम्प्ट उन्होंने पीसीएस और आईएएस दोनों एक साथ दिया, दोनों नहीं हुआ। 2016 मेरे साथ क्या हुआ, 2016 मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, ठीक है, 2016 में मैंने इंटरव्यू दिया यूपीएससी का, इंटरव्यू दिया पीसीएस का, लेकिन दोनों दिया, जिसके कारण से दोनों का मेंस गड़बड़ हुआ, मेंस क्वालिफाई हुआ लेकिन जितने नंबर आने चाहिए वो गड़बड़ हुए। कभी भी 2 चीज़ ना लेके चलो, एक को फोकस करो, एक पे ज़्यादा मेहनत, क्यों भाई इसका पीटी हुआ उसका मेंस आ जाएगा, जैसे उसका मेंस हुआ दूसरा मेंस आ जाएगा या दूसरा पीटी आ जाएगा, कहाँ फोकस रह पाएंगे? ये फोकस का एग्जाम है, एक चीज को लेके चलना है, कहीं पे करंट अफेयर्स का एवरेज ज़्यादा है, कहीं पे फैक्चुअल का एवरेज ज़्यादा है, कहीं पे ज़्यादा स्टैटिक पूछा जाता है, तो दोनों एक साथ नहीं लेके चले जाते। 50 आयोग मत भरो, पहले एक आयोग को पकड़ो सही से, एक एग्जाम को पकड़ो सही से, फिर जा करके आपका हो पाएगा। 50 की चीज़ों में गड़बड़ हो जाती है। मैं साफ सुथरा बोलता हूँ, आपको पीसीएस देना है तो पहले पीसीएस ही दे लो, आपको यूपीएससी देना है तो पहले यूपीएससी दे लो। 2 चीज़ों को लेके चलेंगे, पहले 2 जून को एग्जाम है, इसके बाद अगला नोटिफिकेशन आ गया 15 अगस्त को फिर एग्जाम है, कैसे मैनेज करोगे भाई? कौन कहता है एक जैसा है? दोनों का करंट अफेयर्स का लेवल अलग है, दोनों के क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, दोनों में क्वेश्चनों की संख्या तक अलग अलग है। थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, नॉलेज काम आ जाएगा, लेकिन वो चीज़ नहीं मिलेगी, रिजल्ट नहीं लाएगा वो फाइनल रिजल्ट। वहाँ पे ऑप्शनल अब कहीं जा करके सिलेबस एक हुआ है 2018 से, वो भी अभी भी बहुत चीज़ें हैं, वो उसमें यूपी का कितना मटेरियल भरा हुआ है, अभी तो जब आएंगे क्वेश्चन पूछेंगे तब पता चलेगा, समझ रहे हैं? तो हमें चीज़ों को ज़्यादा लेके नहीं चलना है। आप पहले पूरा सिलेबस ख़त्म कीजिए, नहीं तो दुष्चक्र में फंस जाएंगे, तो पीटी देंगे, पीटी क्वालिफाई मान लो धोखे से हो भी गया तो मेंस का सिलेबस कंप्लीट किए बिना मेंस देंगे, मेंस में आप नहीं हो पाएंगे, जैसे ही मेंस में नहीं हो पाएंगे फिर दूसरा पीटी आ जाएगा, उसका भी बिना सिलेबस तैयार किए पीटी मान लो क्वालिफाई हो गया, फिर सिलेबस फिर मेंस देंगे, तो बिना सिलेबस दिए ये बच्चा जो दुष्चक्र में फंसा होता है बस पीटी मेंस देता रहता है।
खुश होता रहता है, पीटी निकल गया, पीटी निकल गया, पीटी निकल गया। और यदि ये बच्चा एक बार एग्जाम देना रोक दे, अब इसको निकलना है दुष्चक्र से तो इसे एक बार छोड़ना पड़ेगा, उस एग्जाम को छोड़ दे फाइनल, पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ले, फिर पीटी दे, फिर मेंस दे, फिर इंटरव्यू दे, तब तो चलेगा। तो पहले हम फाइनल ये देंगे, ये दिमाग में बैठा लो, ज़्यादा चक्कर में नहीं पढ़ना है, पहले पूरा सिलेबस खाना है बस। सिलेबस बड़ा है, जिसको लग ना रहा हो बड़ा हो, मेरे साथ एक डेढ़ महीना पढ़ के देखो, फिर बताता हूँ कितना बड़ा है कितना छोटा है। ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ तो आधों की हालत ख़राब हो जाती है, आधे बीच से कहते सर जी बहुत, अरे भैया पढ़ना पड़ेगा, ये कोई मजाक थोड़ो ना है, पढ़ना पड़ेगा, बीच से क्विट करोगे आपको कुछ नहीं हो सकता, जाओ पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। मेरे साथ दिक्कत है कि मैं पूरा पढ़ाता हूँ, मैं कुछ छोड़ के भी नहीं चलता, यहाँ तक कि होता है यदि समय मिल गया रिवीजन भी करा देता हूँ, तो मेरे साथ बहुत कम ही लोग हैं जो टिक भी पाते हैं। ये भी हो सकता है खाना पूर्ति की जा सकती है, मैं एक क्लास में भी कंप्लीट करा सकता हूँ, ये भी एबिलिटी रखता हूँ। मास्टर वीडियो वही उसी का नाम है कि कम समय में मैं बड़ी जानकारी दे देता हूँ, कुछ नहीं बचेगा उसमें भी क्लेम नहीं कर पाओगे। लेकिन यदि पढ़ाने चलता हूँ तो फिर पढ़ाता भी हूँ कायदे से, इत्मीनान से बैठा के, फिर खा पी के नहा धो के बैठ के पढ़ो, कायदे से पढ़ो। ठीक है, तो एग्ज़ाम का पैटर्न आपका मैं थोड़ा सा चीज़ें पता होंगी वैसे कि भाई प्री जो है 200 नंबर के दो पेपर आते हैं, पहला जीएस का पेपर होता है, दूसरा सी साइड का पेपर होता है ना, कुछ ऐसे। एक बार थोड़ा सा इसका भी मोटा मोटा आइडिया आपको दे देते हैं, इसके बाद चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। आपका यूपीएससी ठीक है ना भाई, बैठने में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, है ना, सेशन बोरिंग तो नहीं लग रहा, चीज़ें समझ में आ रही नहीं मेरी, या मैं ही समझ रहा हूँ बस? एक ये भी समस्या है कि पता चला सामने वाला सब ऊपर से बाउंसिंग हो रही है, सब इधर ही समझा जा रहा है, मेरे हिसाब समझ में आ रहा होगा, मैं कोशिश करता हूँ कि सामने वालों के दिमाग तक जाए। आप सभी के दिमाग दिख रहे हैं मुझे, है ना, और उसको बस रीप्रोग्रामिंग करनी है मुझे, यदि कर पाए तो ठीक है, सफल हो पाए तो ठीक है, कुछ में इरर भी आ सकता है। ठीक है, जिसमें इरर आ जाए मेरी कोई गलती नहीं है, आपका सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ेगा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे यूपीएससी में जो आपका पूरा इन्होंने सिनेरियो बनाया है, ठीक है, आपका नोटिफिकेशन निकलता है, जैसे अभी नोटिफिकेशन फरवरी में आया था, है ना, नोटिफिकेशन निकलता है, इसके बाद डेट इनका कैलेंडर फिक्स होता है, पीसीएस वगैरह का भी कैलेंडर फिक्स होता है, लेकिन अब इनके पीसीएस वगैरह में बताया ना, तीन चरण नहीं है, कितने चरण है ना, 5-6 चरण है, पहले प्री, फिर मेंस, नहीं प्री के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, फिर मेंस, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर इंटरव्यू, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर रिजल्ट, ये इनका चलता है जितने भी आयोग हैं, और इधर जो है ये वाले जितना भी है ये क्लियर रहता है, इसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं लगता है। ठीक है, तो उधर थोड़ा सा उसमें टाइम लग जाता है। तो दो चरण आपका, एक तो जीएस का पेपर ये करवाते हैं, और दूसरा आपका सी साइट है। सी साइट क्या है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है। ये क्या, एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, एप्टीट्यूड वही सीखने का तरीका, ब्रेन, आपके ब्रेन, मेंटल एबिलिटी, आपका कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, ये सारे टॉपिक इसमें दिए गए हैं। मैथ जो है, मैथ कुछ आपकी मेंटल एबिलिटी, कैसे कितना जल्दी कैलकुलेट करते हैं, ब्रेन कितना फास्ट काम करता है, मैथ इसीलिए पूछते हैं। रीजनिंग क्या है कि आपकी तार्किक क्षमता कैसी है, किसी चीज़ को कैसे आप देख लेते हैं, कोडिंग डिकोडिंग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ब्लड रिलेशन समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। इस सी सेट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर किया गया, दरअसल ये इंक्लूड हुआ 2011 को, 2011 से ही इसको ले आया गया, लेकिन थोड़ा सा इसको लेकर के ये देखने में आया कि जो आईआईटी वाले बच्चे थे, आईआईएम वाले बच्चे थे, एसएससी वाले लोग, ठीक है भाई, इसका मेंस टोटली अलग है यूपीएससी का, मेंस तो पूरा जीएस बेस्ड है। तो क्या होता था, यदि 200 नंबर इसके थे, 200 नंबर इसके थे, तो जितने आईआईएम वाले हैं, कैट वाले लोग हैं, या फिर जितना मैथ, जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है, वो यहाँ पे महारत हासिल किए हुए थे, तो यहाँ पे 194 से लेकर 200 तक मार देते थे, वो 194 तक आ जाते थे नंबर, यहाँ पे लाते थे 20-30 नंबर, तो मैरिट बन जाती थी और वो लोग निकल जाते थे। लेकिन जब यहाँ पर पहुँचते थे तो निलबटे सन्नाटा हो जाते थे, क्योंकि यहाँ तो पूरी जीएस थी। तो क्या होता था कि जो बच्चे जीएस ही पढ़ते थे वो बच्चे यहाँ से बाहर कर देते थे, वो लोग सीसाइड के कारण से बाहर हो जाते थे। फिर बड़ा आंदोलन हुआ 2015 आंदोलन में, मैं भी उसमें काफ़ी एक्टिव था, ठीक है, बच्चा बहुत पिटते पिटते कई बार जो है 2-3 बार मुखर्जी नगर में